गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं करण चौधरी आप सबका आज की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, मस्त हैं। सर कहाँ गए आप? एक बज गया, आ गया भाई मैं। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली क्लास गलत स्टार्ट हो गई, दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई थी, जो रात की 8 बजे वाली क्लास थी, 9 बजे वाली, वो स्टार्ट हो गई थी। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो आज की क्लास में आप सब देखने वाले भारत के संविधान के टोटल कॉन्स्टिट्यूशन का रिविजन। तो ये क्लास बहुत फंडामेंटल होने वाली है और एक क्लास आपके लिए यूजफुल है, बिकॉज आगे जब मेरी क्लासेस होंगी, पॉलिटी की फ्री क्लासेस जब होंगी, तो पॉलिटी की फ्री क्लासेस में ये कंटेंट आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि पॉलिटी फ्री क्लास को आप तभी समझ पाएंगे, ये सारी चीजें आपको आती होंगी। तो चलिए स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। तो एक क्लास में आपके सारे के सारे जितने भी आर्टिकल है, एक क्लास और सभी के सभी आर्टिकल आपको क्या होने वाले, याद। तो मैं इनका रिविजन कराऊंगा, पहले आपको सारे के सारे बताऊंगा, उसके बाद हम इन आर्टिकल्स को याद करेंगे ट्रिक के साथ। ठीक है? कॉन्फिडेंट? पक्का? तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और दोस्तों को शेयर भी करना है। चलिए भाई, स्वागत है। तो ये क्लासेस आपके यहाँ चलने वाली है मैथमेटिक्स की, आपको मिल जाएंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। या आरती मम्मी क्लास चलेगी, 40 MCQ टॉप क्लास चलने वाली है, इस क्लास को भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सबका भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो जो भी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आप सब जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। सभी का स्वागत है क्लास में भाई, आई वेलकम ऑल ऑफ यू पीपुल, सभी का स्वागत करता हूं मैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं यहां से। आप पहली बात यहां से पढ़ते चले जाएंगे और देखते चले जाएंगे क्या क्या चीजें हैं भारतीय संविधान के 25 भागों में। देखो अभी तक आप देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में करीब 25 भाग है, 25 पार्ट है, और 25 भागों में 470 मतलब समथिंग अनुच्छेद है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल जो अनुच्छेदों की संख्या है वो 395 है। 395 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल है, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि जैसे आर्टिकल 21A हो गया, अनुच्छेद 15(1) हो गया, 15(2) हो गया, 15(3) हो गया, 15(4) हो गया, 15(5) हो गया, 15(6) हो गया, 16(1) हो गया, 16(2) हो गया, 16(3) हो गया, 16(4), 16(5), 16(6) हो गया, ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है ना, 39(1) हो गया, बी हो गया। हमने ना बहुत सारे आर्टिकल्स को क्या कर रखा है तो 395 ही आर्टिकल। आप कभी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे देखेंगे तो संविधान में कभी आप ऐसे नहीं मिलेगा आपको कि 396 नंबर का कोई आर्टिकल है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई 396 नंबर का आर्टिकल हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। लेकिन प्रेजेंटली ये संख्या बढ़ती बढ़ती चली गई है। तो अब ये कई जगह 448 लोग बोलते हैं, एक्चुअल संख्या 470 तक चली गई अभी, और इसके बाद 25 पार्ट है, ठीक है, और 12 अनुसूची है, शेड्यूल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कितनी शेड्यूल है आपको, 12 शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। इसके अलावा 104 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, 104 अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं। आप सबको पता है कि जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ है वो 104 अमेंडमेंट हुआ है। अब इसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने कितने आर्टिकल हैं और कैसे कैसे चलते हैं। तो यहां से मैं कहानी स्टार्ट करूंगा आप लोगों के सामने। तो आप क्या करेंगे मेरे साथ साथ उसे याद करते चलेंगे, एक आप कॉपी ले लेंगे अपने पास में और कॉपी में लिखते हुए चलेंगे। मैं सारे आर्टिकल आपको नहीं बताने वाला हूं, लेकिन मैं आपको इस क्लास में टॉप 200 आर्टिकल पढ़ाने वाला हूं, जो 200 ऐसे आर्टिकल हैं जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी आपका एग्जामिनेशन है, आप दे रहे हैं CDS का, UPSC का, PCS का, हर एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आर्टिकल याद नहीं होता, वो याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको आर्टिकल के संबंध में नहीं आने वाली है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। अनुच्छेद 1 सबसे पहले आपके सामने, आर्टिकल 1, संघ का नाम और क्षेत्र, नेम एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडिया। इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 बोलते हैं कि जो हमारा इंडिया है ना, इंडिया का नाम इंडिया, दैट इज भारत, ठीक है, भारत को इंडिया बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नाम हिंदुस्तान दे रखा हो, बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन रहता है हिंदुस्तान भी कोई नाम है, हिंदुस्तान कोई नाम नहीं है, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, इंडिया है और भारत है, और वो यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है, जो कि आप सबको पता है इसमें 28 स्टेट है वर्तमान में प्रेजेंटली। तो ये इसका नाम दे रखा है। तो कभी पूछा जाए कि इंडिया का नाम कौन से आर्टिकल में, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला अनुच्छेद है बताता है कि भारत का नाम क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो लास्ट आर्टिकल आप देखेंगे 393 में हालांकि बता रखा है कि संविधान का नाम क्या है। तो आप आराम से पढ़ते चलिए, आपको मजा आने वाला है। पहला आर्टिकल बताता है कि भारत का नाम क्या है, आर्टिकल 2 बताता है एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। इसका मीनिंग क्या है, देखो इंडिया में कोई भी नया स्टेट अगर क्रिएट मतलब बनेगा, एडमिशन का मतलब क्या होता है, एडमिशन का मतलब होता है कि हमारी बाहरी बाउंड्री में, इसका मीनिंग क्या हुआ, बाहरी बाउंड्री का मतलब देखो जैसे दो प्रकार से हो गया, ये हमारा इंडिया है, अब हमारे इंडिया में अंदर की बात नहीं कर रहे, बाहर की बात कर रहा है। एडमिशन का बात होता है कि बाहर से कोई स्टेट ना इंडिया में आएगा, इंटर करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा है सिक्किम के बारे में, सिक्किम आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, सिक्किम बिकेम पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है, सिक्किम इंडिया का पार्ट बन गया 36 अमेंडमेंट के माध्यम से।
तो जो सिक्किम बाहर से इंडिया में जुड़ा है ना, कल को सपोज करो पाकिस्तान को इंडिया जीत ले, तो पाकिस्तान हमारे जो कंट्री में बाहर की बाउंड्री में आके मिलेगा ना, तो वो आर्टिकल दो होगा। तो आर्टिकल दो का मतलब है बाहर की बात करता है। जैसे आप सपोज करो आपने बोला ये भारत है, इस भारत में बाहर से आके जो मिलेगा वो आर्टिकल टू की बात करता है। आप अंदर की बात अगर आप करोगे कि अंदर हमारे स्टेट्स का क्रिएशन जो होता है वो अनुच्छेद तीन में होता है। अब यहां पर देखेंगे अनुच्छेद तीन, नए राज्यों का गठन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कंट्री के अंदर नए राज्यों का गठन होना। अब नए राज्यों का गठन का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल समझ के देखिए आप, जैसे हमारा इंडिया है, ये समझिए यहां पर इंडिया है। अभी इंडिया के अंदर किसी राज्य का क्रिएशन होगा, जैसे आप लोगों ने पढ़ाया कि भारत में जो राज्यों का क्रिएशन हुआ आप शुरू से पढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश बना, महाराष्ट्र बना, गुजरात बना, नागालैंड बना, हरियाणा बना, हिमाचल बना, मेघालय बना, मणिपुर बना, त्रिपुरा बना, ठीक है, अब सिक्किम बना, गोवा बना, मिजोरम बना, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, उत्तराखंड बना, तेलंगाना बना। तो सारे जो क्रिएशंस है ना लास्ट तक जो मैंने आपको बता दिया, क्रम मैंने आपको बता दिया है। तो ये क्रिएशन जो स्टेट्स का होता है ना, ये क्रिएशन जो है अंदर बाउंड्री में कोई क्रिएशन होगा, किसी स्टेट का एरिया कम करके, किसी का एरिया बढ़ा के, या किसी में से, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे उत्तराखंड बना तो यूपी में से उत्तराखंड बना, झारखंड बना आप सबको पता है कि झारखंड बना तो बिहार में से झारखंड क्रिएट हुआ, बिहार में से निकल के। ऐसे ही आप लोगों ने पढ़ा होगा छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश से एमपी से छत्तीसगढ़ बना। तो इंटरनल बाउंड्री की अगर बात करेंगे, अंदर अगर किसी स्टेट का क्रिएशन होगा उसका नेम में चेंज होगा, उसका नाम बदला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टेट का आप नाम चेंज कर दो, ठीक है, किसी का भी आप नाम बदल दो, और किसी का इंटरनल बाउंड्री आप चेंज कर दो, दो को मिला के एक नया स्टेट का क्रिएशन कर दो। ये सारे काम जो है आर्टिकल तीन में होते हैं। अभी वन समझ में आया ना, दो समझ में आया ना, बाहर की बात है, तीन ना अंदर की बात है। अभी समझो चार आर्टिकल क्या है। अभी चार आर्टिकल बड़ा सिंपल है कि यो जो भी जो काम हो रहे हैं ना, अभी देखो चार इसमें दिया नहीं है क्योंकि चार एग्जाम इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन जो भी ये काम होते हैं कि आर्टिकल टू में कोई स्टेट का बाहर से कोई आएगा, या आर्टिकल तीन में किसी स्टेट का क्रिएशन होगा, या उसका नेम चेंज होगा, ये सारी जो पावर है ना ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है। मतलब हमारा संसद ये कर सकता है, स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि राज्य ये कर सकते हो। तो आर्टिकल जो चार है उसमें सिंपल तरीका से समझना है आप लोगों को कि जितने भी ये पावर्स है ना, आर्टिकल चार बोलता है कि जो भी ऐसे अमेंडमेंट होते हैं या जो भी ये सब होता है तो ये पार्लियामेंट करता है, पहली चीज तो आप ये याद रखेंगे। दूसरा बोलता है कि जो भी अमेंडमेंट होंगे वो सिंपल मेजोरिटी से होंगे, उसमें 368 का जो क्लॉजेस है वो रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब 367 की आवश्यकता नहीं है, उसके अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। बड़ी बेसिक सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आर्टिकल चार को समझना है कि पार्लियामेंट करता है, ममता दीदी नहीं कर सकती है, सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं, ठीक है, अगर चेंजेस करने तो। स्टेट का कोई स्टेट का पूछा जाता है स्टेट से, बट स्टेट्स का जो भी उनका ओपिनियन होता है वो कंसिडरेबल होगा नहीं होगा ये डिपेंड्स करता है कि यूनियन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, इतना इतना आपको याद रखना है, बहुत ही बेसिक सी बात है। आर्टिकल पांच देखो, अभी सिंपल पहले एक से लेकर चार समझ लो। जैसे मैं हूं, मेरा नाम करण है, तो सबसे पहले मैं किसी से बात करूंगा, मेरा नाम करण है, तो आर्टिकल वन मेरा नाम भारत है, समझ गए ना। अभी दूसरा मैं क्या बोलूंगा, मेरा नाम करण है और मैं 30 साल का हूं, ऐसे ही आप बताइए, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ भारत, मतलब इंडिया भारत है और यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का संघ है, ये हमने आर्टिकल वन में बताया। आर्टिकल टू में बताया हमने कि भाई हमारे बाहर अंदर से ऐड होएगा तो कैसे होगा, तीन में हमारे अंदर की बात, और चार में ये सारे काम कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा, ओके ना, चलो ठीक है। अभी पार्ट टू क्या होगा, आप किसी भी नेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया है, ठीक है ना, ग्रेट, अभी उसके अंदर कौन रह रहा है, भाई आपने पहले बताया कि दिस इज अ नेशन, अभी इसके अंदर कौन रह रहा है, तो आर्टिकल जो पार्ट टू है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो इसी के बारे में बात करता है। पार्ट टू का मतलब नागरिकता, इसके अंदर कौन रह रहा है, सीधी सी बात करते हैं तो बहुत सिंपल सिंपल से आर्टिकल है, आपको दो तीन आर्टिकल समझने हैं, इसमें 5 से लेकर 11 में इसके बारे में बातचीत होती है, 5 to 11 आर्टिकल इसी के बारे में है। देखिए आर्टिकल 5 बोलता है सिटीजंस एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के प्रारंभ होने पे कौन इंडिया का नागरिक बनेगा। अब कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कि जब हमारे संविधान का प्रारंभ हुआ उस समय भारत का नागरिक कौन बना, अब इसका मतलब तो इसके क्लॉजेस हैं कि उस समय जो उनके माता पिता इंडिया में रह रहे थे या जिनका जन्म भारत में हुआ वो भारत के नागरिक होंगे, तो ये बताया गया आप लोगों को कि भाई उस समय भारत का नागरिक कौन बना 26 जनवरी, ठीक है, तो कौन भारत का नागरिक हो गया, बहुत ही क्लियर सी बात है। अभी आर्टिकल 6 क्या बोलता है, बड़ी सिंपल सी बात है, आप ऐसे समझोगे मेरे साथ तो मैं आपको बहुत इजीली बता दूंगा, ये इंडिया है ना, इंडिया, तो ये कौन नागरिक होगा, 5 बता रहा है, 6 बता रहा है कि पहले भाग के आने वाले, आपने मूवी देखी ना गदर, बोला आने वाले नहीं फिर जाने वाले, तो पहले पाकिस्तान वाले हमारे इंडिया में भाग कर आए, ऐसे सपोज करके आप याद कर सकते हो।
तो पाकिस्तान से इंडिया जितने लोगों ने माइग्रेट किया उनकी सिटीजनशिप के बारे में जो प्रोविजंस है ना वो आर्टिकल 6 में है। आप देखोगे यहां पर राइट ऑफ द सिटीजंस ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम द पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से भारत आए, तो आप ऐसे याद करो कि यार वो भाग कर आए हम क्यों भाग कर गए, तो पहले वो भाग कर हमारे यहां पर आए। तो सीधी सीधी सी बात आप याद कैसे करेंगे कि पाकिस्तान से इंडिया आने वाले, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। इस सेशन को आप शेयर कर दो, जितने दोस्तों को बता दो, हर ग्रुप में शेयर कर दो, एंड आई सपोज कि आप बहुत पसंद करेंगे, मजा आएगा, आप इस क्लास से कुछ लेकर जाओगे आज, दिस माई गारंटी, एंड आई गारंटी कि आप पक्का कुछ ना कुछ लेके जाने वाले हैं इस क्लास से। हर एग्जाम में, ईपीएफओ के एग्जाम में, एवरी सिंगल एग्जाम में कुछ यूजफुल होगा आपके लिए। अभी ये आगे, अभी सेकंड प्रोविजन क्या होगा, आर्टिकल 7 किसके बारे में बात करेगा, इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले, आर्टिकल 7 नहीं दिया गया इसमें, आर्टिकल 7, चलो कोई बात नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं। हमने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रखे, तो 5 हो गया, 6 हो गया कि भाई पाकिस्तान से इंडिया आने वाले, 7 हो गया कि इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले। 7 किसके बारे में बात करता है कि जो इंडिया से चले गए पाकिस्तान, उसके बारे में आर्टिकल 7 बात करता है। इसमें 200 आर्टिकल है लेकिन मैं आपको बता देता हूं ज्यादा। आर्टिकल 8 किसके बारे में बात करता है कि ऐसे सिटीजंस जो इंडिया से बाहर रह रहे थे उनकी नागरिकता के बारे में क्या प्रोविजंस होगा। आर्टिकल 9 क्या बोलता है कि अगर कोई, देखो आर्टिकल 9 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्यों इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि 1955 का एक्ट बनने के बाद आर्टिकल 9 का कोई मतलब ही नहीं बनता। सुनो पर ध्यान से आप, आर्टिकल 9 क्या बोलता है कि अगर किसी इंडियन सिटीजन ने किसी अदर कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर की, सपोज मैं इंडिया का नागरिक हूं, ठीक है, और अभी मैंने ना सिटीजनशिप ले ली किसी और कंट्री की, ठीक है, अब कोई पाकिस्तान की तो लेगा नहीं, अमेरिका की लेगा, स्विट्जरलैंड की लेगा, ऑस्ट्रेलिया की लेगा, तो मैंने ले ली तो मेरी भारत की नागरिकता चली जाएगी, ये आर्टिकल 9 बोलता है। आर्टिकल 10 सीधा सीधा सा बोलता है कि जो भी राइट्स है ना ये जब तक रहेंगे सिटीजनशिप के, जब तक हमारा पार्लियामेंट इसके लिए कोई लॉ नहीं बनाता। और आर्टिकल 11 क्या बोलता है, बड़ी सिंपल तरीका से देखो, 10 हो गया अधिकारों की निरंतरता, आपको बता रहा है आर्टिकल 11 क्या बोलता है कि कानून द्वारा नागरिकता के लिए नियम निर्धारित करने के लिए अधिकार। हमारे देश में जो भी नागरिकता के लॉ बनेंगे, फॉर एग्जाम्पल सीएए आया, आपने सुना सीएए के बारे में, इतना सारा पंगा हुआ कि नागरिकता संशोधन अधिनियम आ गया हमारे देश में, इतने सारे इसको लेकर विचार हुए, तो ममता दीदी ने बोला कि हम इसको अमेंडमेंट कर देंगे, अपने स्टेट में लागू नहीं करेंगे। तो आपके दिमाग में विचार आया होगा कि इंडिया में किसके पास अथॉरिटी है कि कौन सिटीजनशिप के जो एक्ट है, सिटीजनशिप के जो प्रोविजन है, उनको कौन अमेंड कर सकता है। सो ये जो पावर है ना ये वेस्टेड है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास, सिर्फ भारत का जो संसद है ना उसी के पास ही पावर है कि वो सिटीजनशिप के अमेंडमेंट कर सकता है या उसको अमेंड कर सकता है, संशोधन कर सकता है। ये काम सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है, स्टेट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये स्टेटमेंट अमित शाह जी ने भी कहा था उस समय लोकसभा में कि ये अथॉरिटी किसी के पास नहीं है कि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अपने यहां पर लागू ना करे, ये प्रोविजन आप समझ लेंगे। तो आर्टिकल 11 आपको सीधा सीधा सा बोलता है कि सारी की सारी जो पावर है ना ये पार्लियामेंट के पास वेस्टेड है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपने दो चीजें सीख ली अभी तक। पहला अनुच्छेद 5 आप देखेंगे, 4 देखेंगे, वहां पर भी पार्लियामेंट के पास पावर है, और आर्टिकल 11 देखेंगे, यहां पर भी पार्लियामेंट के पास पावर है। इसका मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 में कौन सुप्रीम है, पार्लियामेंट, कौन सुप्रीम है, पार्लियामेंट, ये सबसे ऊपर है, ये टॉप पर है। चलो अभी आगे समझते हैं, आगे जानने की कोशिश करते हैं आर्टिकल 12 से क्या होता है। ये पार्ट 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन सा पार्ट है, पार्ट 3। अभी देखो यार एक सिंपल बात समझो, आपने पहले बताया कि ये इंडिया है, ठीक है ना, इसका नाम क्या है समझ गए ना, इसमें कैसे जुड़ेगा समझ गए ना, इसमें क्या होगा समझ गए ना। आपने पार्ट 2 में बताया इसके अंदर कौन रहता है, नागरिक, आपको पता है क्लियरली। अभी पार्ट 3 बोल रहा है कि यार इसके अंदर जो रहते हैं ना इनके पास कोई राइट्स है या नहीं है, कि ऐसे ही है। तो अभी अधिकारों के बारे में बात कर, तो फंडामेंटल राइट जो है ना उनके बारे में पार्ट 3 बात करता। सो द पार्ट 3 इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज मैग्ना कार्टा जो है एक प्रकार से फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट था फंडामेंटल राइट का, जो कि ब्रिटेन के राजा किंग जॉन ने 1215 में वहां के लोगों को प्रोवाइड किया था। लेकिन ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था, इसीलिए हमने क्या किया, हमने अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स लिए। और मैग्ना कार्टा जो है ये इसको नाम बोलते हैं आप मैग्ना कार्टा, बिकॉज ये फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट था। आर्टिकल 12 क्या बोलता है, डिफाइन द मीनिंग ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा बताता है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी आप लोगों को सबको पता है कि फंडामेंटल जो राइट्स है ना हमारे मौलिक अधिकार है ये अगेंस्ट द स्टेट है, राज्य के विरुद्ध है। भाई आप सबको पता है कि मौलिक अधिकार अगेंस्ट द स्टेट है, राज्य के विरुद्ध है, क्योंकि आप कभी भी रोड पर जाएंगे, आज लॉकडाउन लगा हुआ यूपी में, तो लॉकडाउन में आप कभी घूमने जाइए आपको पता चलना है कि स्टेट किसे कहते हैं,
तो जो पुलिस वाले आपके पीछे पड़ेंगे या जो आपको रोकेगा लॉकडाउन में चलने से, वो स्टेट है, आप समझ गए, वो स्टेट है, उसी को आप स्टेट बोलेंगे। तो आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 12 में डिफाइन द मीनिंग ऑफ स्टेट, आपको राज्य की परिभाषा बताई जाती है कि राज्य की परिभाषा क्या है, आप राज्य किसे कहेंगे, इसकी जो परिभाषा है वो यहां पर आर्टिकल 12 में आप लोगों को बताई जाती है। आर्टिकल 12 में आपको राज्य की परिभाषा के बारे में बताया जाता है। बात समझ में आ गई, क्लियरली समझ गए, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में आपको बताया जाता है। आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या कोई भी ऐसा लॉ बनेगा जो इनकंसिस्टेंट होगा या फिर डेरोगेटरी होगा फंडामेंटल राइट के लिए, उस लॉ को क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करके उसे खत्म कर देगा। इसका मतलब समझो मेरी बात क्या है। आर्टिकल 12 बोलता है कि राज्य क्या है, आर्टिकल 13 बोलता है कि पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होगा या डेरोगेटरी टू फंडामेंटल राइट होगा, आप मेरी बात समझ रहे हैं, ऐसा कोई लॉ पार्लियामेंट नहीं बनाएगा, ये आर्टिकल 13 आपसे बोलता है। दोनों फंडामेंटल राइट नहीं है एक प्रकार से, लेकिन फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन है ये। तो जुडिशियल रिव्यू जो है आप पढ़ते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू है, या आप लोग पढ़ते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में न्यायिक पुनरावलोकन है, तो जुडिशियल रिव्यू एक्चुअल में ये चीज है, दिस इज द जुडिशियल रिव्यू, इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। अब इसमें दो तीन जो है कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेवरेबिलिटी कि पूरा लॉ खराब नहीं होगा, जो पार्ट फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। एक है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ठीक है, कि भाई पूरा पूरा जो है छायांकित हो जाएगा, उस पर छाया पड़ जाएगी अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा, तो उसकी डॉक्ट्रिन है वो आपको समझनी होगी। ये आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 में आपको बता दिया गया है। अब देखो फंडामेंटल राइट के बारे में कुछ चीजें आपको बता रखी है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पहले 7 फंडामेंटल राइट थे, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पहले 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन प्रेजेंटली 6 फंडामेंटल राइट है, क्योंकि जो आर्टिकल हमारा 31 है इसको 44 अमेंडमेंट से 1978 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया। और प्रेजेंटली आप देखेंगे तो आर्टिकल 300A के अंदर ये क्या है, लीगल राइट है, एक कानूनी अधिकार है। तो अनुच्छेद 31 जो है ना, इसको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया हमारे संविधान से, और ये प्रेजेंटली एक लीगल राइट है, एक कानूनी अधिकार है। तो अब हमारे पास जो अधिकार बचते हैं वो 6 बचते हैं। अभी 6 कौन से हैं, देखो आपको सब बता रखे इंग्लिश में भी, अभी 6 कौन से हैं, आर्टिकल 14 से स्टार्ट करते हैं इसको, अनुच्छेद 14 से, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है और आपको मजा आएगा। देखो 14 से 18 ये आपके पास पहला है, कानून के समक्ष समानता, मतलब 14 से 18 में राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, कि समानता की बात करते हैं। अभी अनुच्छेद 14 जो समानता की बात करता है, अभी भाई समानता की बात करता है, तो आप समानता का बेस होगा ना कुछ। आप एक बात बोलिए, आप मुझसे बोलोगे कि करण सर और आप, मैं और करण सर, मतलब मैं करण और एनीवन एल्स, वो दोनों समान हैं, हम दोनों एक जैसे हैं, तो एक जैसे किस चीज में, लंबाई में एक जैसे हैं, पर्सनैलिटी में एक जैसे हैं, या फिर हमारी फिजिक एक जैसी है, या हमारा कलर जो कलर टोन है वो एक जैसा है, किस चीज में हम एक जैसे हैं। तो इक्वलिटी जो है ना, समानता जो है, उसके बहुत से डायमेंशन है। तो पहला जो डायमेंशन है वो बात करता है आर्टिकल 14, ये बोलता है कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कि कानून के सामने सभी के सभी समान होंगे। तो देखो कैसे याद करोगे, आपके हाथ में इसको जोड़ते चले जाओ, 1 + 4 = 5 होता है, और आपके हाथ में 5 उंगली है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 उंगली छोटी है, ये बड़ी है, ये इससे बड़ी है, इससे छोटी है, इससे छोटी है, ये 5 उंगली का इंपॉर्टेंस बराबर है, आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो आपके सामने आपके हाथ की हर उंगली का वैल्यू बराबर है, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, बात समझ में आ गई ना। इसको हमने कहां से लिया है, इसको हमने ब्रिटेन से लिया है। और एक और होता है विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, उसको हमने कहां से लिया, उसको हमने अमेरिका से लिया है। तो सेकंड डायमेंशन है, वो भी आपको याद कर लेनी होगी। इसमें दो कॉन्सेप्ट है, इक्वलिटी बिफोर लॉ ईवीएल, ये हमने इंग्लैंड से लिया है, ठीक है, एक तो आप याद करेंगे, एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये हमने अमेरिका से लिया है, इसको बोलते हैं आप ईपीएल, ठीक है। ये वाला जो है कॉन्सेप्ट है नेगेटिव है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है पॉजिटिव है, ओके। ये दोनों आपको याद रखने हैं, अनुच्छेद 14 के अंदर ये पार्ट हो गए। अभी आर्टिकल 15 की बात करते हैं, आर्टिकल 15 में आपसे क्या पूछा जाएगा, आर्टिकल 15 सोशल इक्वलिटी की बात करता है, सामाजिक समानता की बात करता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये आपको कुछ ग्राउंड देता है, राहुल गांधी को पास देदा की नागरिकता, अच्छा भाई, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार, आप सब जुड़ते चलिए। तो आर्टिकल 15 को आप देखेंगे, आर्टिकल 15 बहुत मजेदार है, सोशल इक्वलिटी की बात करता है, ये आपको 5 ग्राउंड देता है। अभी मेरे हाथ को देखो भाई, ठीक है, ये आपको क्या करता है, 5 ग्राउंड देता है, मैं इसे ऑफ कर देता हूं मोबाइल को, ये भी आपको 5 ग्राउंड देता है। अभी 5 ग्राउंड के बेसिस पे आपको इक्वलिटी की बात करता है, देखो कौन से 5 ग्राउंड है। बोलता है कि भाई प्रोविजन करोगे ऑफ
डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, देखो ये पांच ग्राउंड आपके सामने दे रखे, रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, सेक्स है, जेंडर है और प्लेस ऑफ बर्थ है। ये ग्राउंड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। सीधा प्रश्न आपके सामने एग्जाम में बनता है कि अनुच्छेद 15 में कितने प्रकार के आधार है, तो पांच आधार है, धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है और आपका जन्म स्थान है। एक बात मेरी याद रखें, आर्टिकल 15 में आपको पांच ग्राउंड दिए गए, लेकिन एक और आर्टिकल आने वाला है जिसमें आपको ग्राउंड सात दे रखे, आप बहुत कंफ्यूज कर जाते हो दोनों में ग्राउंड के आधार पर। आर्टिकल 15 में आपको सिर्फ याद रखना है कि इसमें पांच ग्राउंड के आधार पर किसी का कोई भेदभाव नहीं होगा। अब मेरी बात जरा गौर से सुने, आप जब भी कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हो तो सिर्फ आपसे पांच चीजें पूछी जाती हैं। पहला, आपसे पूछा जाएगा आपका धर्म क्या है। दूसरा, आप लोगों को लगता है रेस, देखो रेस का मतलब आजकल आइडेंटिटी से हो जाता है कि आपकी नेशनलिटी क्या है, आप इंडियन है, अफ्रीकन है, तो पहले हुआ करता था तो अभी नेशनलिटी हो जाता है। कास्ट, आपकी जाति क्या है, जेंडर, आपका सेक्स क्या है और प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहां के रहने वाले, इसके बेस पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो कितने ग्राउंड है, पांच, बोलो कितने ग्राउंड है, पांच, कितने ग्राउंड है, पांच। ये पांच आपको बस याद रखने, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अभी मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं चाहूं तो स्किप कर दूं कि मैं 15 के बाद सीधा 16वां आर्टिकल ले आऊं, लेकिन आजकल ना जो भी एग्जाम्स आप दे रहे हैं, चाहे वो ईपीएफओ का एग्जाम हो या वो यूपीएससी का, पीसीएस का एग्जाम हो, इवन आप चाहे एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आप चाहे यूपी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आर्टिकल 15 के सब क्लॉज आपसे पूछ ले रहा है। तो मैंने सोचा कि हम सब क्लॉज भी कवर करते हैं, किसके सब क्लॉजेस क्या हैं, तो आप धैर्य के साथ सुनिएगा इसके सब क्लॉजेस क्या हैं। आर्टिकल 15 में क्यों, देखो आपने देखा समानता देता है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और मतलब जो है जेंडर के आधार पर, लेकिन इन्हीं के बेसिस पर हमारे कंट्री में रिजर्वेशन है, तो अभी रिजर्वेशन तो इसका अगेंस्ट है, इसका मतलब इसके कुछ अपवाद होंगे। तो अभी आपको समझना होगा कि आर्टिकल 15 में क्या क्या चीजें मेंशनड है। तो आर्टिकल 15 का पहला ग्राउंड जो बोलता है, पहला ग्राउंड आप पढ़ेंगे इसका, तो राज्य को आदेश दिया गया है, राज्य को बोला गया है कि राज्य जो ना किसी व्यक्ति के साथ जो है, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये आर्टिकल 15 बोलता है, जो आपके आपको क्लियरली पता है। आर्टिकल 15(2) बोलता है कि कोई भी जो है ना, किसी भी इंसान के साथ किसी पब्लिक प्लेस पर, आप किसी के साथ कोई पब्लिक प्लेस है, फॉर एग्जाम्पल कोई होटल है, फॉर एग्जाम्पल कोई कोई बाथटब है, स्नानघर है, फॉर एग्जाम्पल कोई कोई पार्क है, फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रेन है, मतलब कोई भी पब्लिक प्लेस है, किसी भी पब्लिक प्लेस पर पास किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ, अगर वो शेड्यूल्ड कास्ट का है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का है, अदर बैकवर्ड क्लासेस का है, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा। या उसका जेंडर अगर वो महिला है तो आप भेदभाव नहीं करेंगे, तो ना तो कोई व्यक्ति करेगा, ना तो कोई इंडिविजुअल करेगा और ना स्टेट करेगी, दोनों को डिनाई करता है आर्टिकल 15(2), मना करता है किसी के साथ भी आप जो है प्राइवेट कंपनीज वगैरह कहीं पर भी, शॉप्स हो गए, पब्लिक प्लेसेस हो गए, होटल्स हो गए, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा, ये आर्टिकल 15(2) आपसे बोलता है। बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है, आप आर्टिकल 15(3) समझेंगे। अभी आर्टिकल 15(3) ना यही इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। आर्टिकल 15(3) ये बोलता है कि स्टेट ना डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, वो भेदभाव कर सकता है बच्चों और महिलाओं के लिए। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन, देखो यहां पर पढ़ेंगे कि नथिंग दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम द मेकिंग स्पेशल प्रोविजंस फॉर अ वुमेन एंड अ चिल्ड्रन। मेरा पेन गिर गया भाई नीचे, एंड आई एम सो सॉरी, मैं इसको पहले वो कर लेता हूं, उसके बाद चलिए। ये बोल रहा है कि कोई भी आर्टिकल जो है ना, मतलब कोई भी ऐसा लॉ, ठीक है, बना सकता है स्टेट जो वुमेन्स के लिए और जो बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन करेगा। इसी का बेसिस है कि हमारे कंट्री में एक तरफ दे रखा है कि आप जेंडर के बेसिस पर इक्वलिटी दोगे, और यहां पर आपको बोल दिया कि भाई आप जो है भेदभाव कर सकते हैं। इसे कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, या आप अफर्मेटिव, इसे बोलते हैं अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन, जिसे कहते हैं कि आप लोगों ने नाम सुना होगा अफर्मेटिव, इसका मतलब होता है कि आप सकारात्मक भेदभाव कर सकते हैं। यही है जो कि महिला और बच्चों के लिए बोलता है। तो दिस इज द बेस ऑफ द रिजर्वेशन इन इंडिया, यहां से एक बेस की स्टार्टिंग होगी। आप 15(4) पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा बेस है 15(4) जो आर्टिकल है, इसको फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था हमारे कंट्री में, ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया था ए आर्टिकल 15(4) को, यह आपसे पूछा जा सकता है। और आर्टिकल 15(4) क्या बोलता है, आर्टिकल 15(4) बोलता है कि हमारे कंट्री में ना, हमारे कंट्री में जो सोशली सामाजिक रूप से, याद रखना हमारे कंट्री में ना, ये बोलता है कि हमारे कंट्री में सामाजिक रूप से जो सोशली सामाजिक, सुने बड़े ध्यान से, और शैक्षणिक, इसके सिर्फ दो ही बेस है। इसका मतलब क्या है, बोलता है कि हमारे कंट्री में सोशली, और दूसरा बोलता है हमारे कंट्री में
एजुकेशनली, अगर एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड जो लोग हैं इसे बोलते हैं एस सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास SEBC, ठीक है, जो भी हमारे कंट्री में सामाजिक और शैक्षणिक, याद रखें इसमें कहीं पर भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं है, अगर ऐसे जो बैकवर्ड लोग हैं उन बैकवर्ड लोगों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आरक्षण दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आरक्षण की बात आप करते हैं, रिजर्वेशन की आप बात करते हैं, तो दिस इज द आर्टिकल, यही वो आर्टिकल है जो रिजर्वेशन के लिए, जो रिजर्वेशन के लिए आपको प्रोविजन देता है, आरक्षण की बात जो करता है। लेकिन अनुच्छेद 15 जो है ना, 15(4), इसमें जो रिजर्वेशन है वो किसमें है, वो इंस्टीट्यूशंस में है, मतलब शिक्षा में रिजर्वेशन की बात करता है आर्टिकल 15(4), नौकरी की बात नहीं करता, नौकरी की बात इसमें नहीं की गई है। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए भाई, आर्टिकल 15(4) समझ में आ गया। आर्टिकल 15 देखो, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह वगैरह की बात कर रहा है। अभी 15(5) आप समझते हैं, इसको 93 अमेंडमेंट से जोड़ा गया 2005 में। अभी ये क्या बोलता है आपको लिख लेना है, कौन सा कब जोड़ा गया, बहुत काम की चीजें हैं भाई, दोबारा समझ में नहीं आएंगी। और किसी जनरल किताब में आर्टिकल्स को रिवाइज करोगे तो उसमें दे नहीं रखा है, लक्ष्मीकांत ने पीछे जो आर्टिकल का दे रखा है उसमें कहीं पर भी ये सारे क्लॉजेस को मेंशन नहीं कर रखा है, तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए आप ध्यान से पढ़ें और आपको सब याद हो जाएगा। ये 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा इसको ऐड किया गया। अभी 15(5) क्या बोलता है, इसका लॉजिक क्या है, तो 15(4) जो है ना वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करता है, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए, डिग्री कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, मेडिकल कॉलेजेस हो गए, ठीक है। लेकिन ये बात करता है हायर इंस्टीट्यूशंस की, फॉर एग्जांपल IIT हो गई, IIM हो गया, या जो हमारे कंट्री में उच्च शैक्षणिक संस्थान है, जो हायर इंस्टीट्यूशंस है ना, क्या है, हायर, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है, हायर इंस्टीट्यूशंस है, उनके बारे में बात करता है, जो उच्च शैक्षणिक संस्थान है उनमें रिजर्वेशन की बात करता है कि उनमें भी आप रिजर्वेशन दोगे, 15(5) कहता है। एक बात याद रखें, इसका भी जो बेस है रिजर्वेशन का वो सोशली और क्या है, एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन है, इसमें कहीं पर भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन शामिल नहीं है। याद है ना ये बात, आपको भूलना मत, क्योंकि क्वेश्चन सीधा सीधा इसके बेस से बनेगा, इसके आधार से आपसे पूछेगा कि 15(5) या 15(4) में किस बेस के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया है, किसको दिया गया है। आप समझ में आ गया ना कि शैक्षणिक संस्थानों को दिया गया है, मतलब लोगों को दिया गया, किस बेस पर दिया गया है और क्या दिया गया है, तीन क्लॉज समझ रहे हैं। अभी समझेंगे 15(6), ठीक है, समझ में आ गया। 15(6) 15(6) जोड़ा गया, लेटेस्ट है, 103 अमेंडमेंट हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 103वां संविधान संशोधन। आप सबको पता होगा ये 2019 में हुआ था, 2019 में 103 अमेंडमेंट हुआ, क्योंकि 2020 में आपको पता है कि आपका 104 अमेंडमेंट हुआ। इस अमेंडमेंट के माध्यम से आर्टिकल 56 जोड़ा गया। इसमें क्या बेस है, इसमें कुछ भी बेस नहीं है, सिंपल सी बात है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लास है ना, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, क्योंकि पहले सोशली की बात हो गई, पहले एजुकेशनल की बात हो गई, अभी इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लास है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं ना मेरे भाई, उसका प्रोविजन इसमें किया गया है। सर एक ही ईयरफोन में साउंड आ रहा है, ऐसा सही किए जी आई प्लीज, भाई दोस्त सही कर देंगे इसको, आप आगे UPSI में। अच्छा भाई मैं सही करवा दूंगा, आई एम सीरियसली सॉरी फॉर दिस एक्चुअली, एंड आई एम हाईली मतलब वेरी सॉरी फॉर दिस अनकन्वीनियंस कोर्स, मैं सही करा दूंगा, करवाया भी है मैंने, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, आप प्लीज सपोर्ट करते रहे, जो करेक्ट कर देंगे। आप अभी पहले दोनों ईयरफोन में सुन लें, नॉर्मली सुन लें, एक में ना सुने, चलिए आप ओपन कर लें। तो ये क्या बोलता है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, देखो यहां पर मेंशन है, तो अगर आपके सामने क्वेश्चन बनेगा कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लास है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का प्रोविजन कहां पर है, तो आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का जो प्रोविजन है ना, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का जो प्रोविजन है ना, वो मेरे दोस्त इसी में दिया गया है 15(6) में, और इसी के बेसिस पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को 10% का रिजर्वेशन दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में अभी रिजर्वेशन की आप बात करेंगे तो कितना हो गया, पहले हमारे कंट्री में ओबीसी का रिजर्वेशन 27% है, ऑलरेडी आपको पता है 27% ओबीसी का है, एससी का रिजर्वेशन 15% है आपको पता है, एसटी का रिजर्वेशन 7.5% है आपको पता है, और अभी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो है इसका रिजर्वेशन जो है कितना परसेंट है, 10% है, ठीक है। तो अभी टोटल रिजर्वेशन हमारे कंट्री में आपकी समझ में आ गया, ठीक है, पहले 49.5 था, 59.5 हो गया, मतलब अब सीधी सीधी सी बात है, तो रिजर्वेशन हमारे कंट्री में क्या हो गया, बढ़ गया, ये 10% रिजर्वेशन इनको भी दिया गया। एक सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, ये इंक्लूड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वगैरह सब में रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है। तो 15(6) किसके रिजर्वेशन की बात करता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात करता है, बड़ी सिंपल सी बात आपको समझनी है। अभी समझते हैं आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 देखो कैसे याद करोगे, सिंपल समझो, आपके सामने 1+6 बराबर कितना होता है, 7, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, 7 को आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, 7 बोलते हैं,
मैं इसको साथ बोल सकता हूं क्या? अरे बोलो हाँ या ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन की बात करता है, पर आपकी सरकारी नौकरी जब लगेगी ना तब आपको जीवन साथी मिलता है। दिस इज अ वेरी डीप रूटेड थॉट इन आवर सोसाइटी कि आपकी नौकरी जब लगती है तब आपकी शादी होती है। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि जीवन साथी मतलब कब मिलेगा, जब सरकारी नौकरी मिलेगी। तो आर्टिकल 16 जो है ना ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी की बात करता है, सीधी सीधी बात करता है कि इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी होगी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगा, सरकारी नौकरी होगी, उसमें आप इक्वलिटी दोगे, समानता दोगे। तो एक बात का बहुत बड़ा डिफरेंस है। आर्टिकल 15 जो बात कर रहा था ना, आर्टिकल 15 16 में एक अंतर है। 15 जो बात करता है ना वो सरकारी मतलब बेसिकली एजुकेशन की बात करता है, नॉट इन सरकारी, वो एजुकेशन की बात करता है। और आर्टिकल 16 ना जॉब की बात करता है, एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। दोनों में अंतर समझ में आ गया ना। अभी आर्टिकल 16 को पढ़ते हैं। आर्टिकल 16 में उतने ही क्लॉजेस हैं जितने आर्टिकल 15 में क्लॉजेस हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए आर्टिकल 16(1) के साथ। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजित नियुक्ति, अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि देयर विल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। स्टेट में जितने भी अपॉइंटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के जितने भी ऑप्शंस होंगे, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, अपॉइंटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों बातों में फर्क है। जितने भी स्टेट अपॉइंटमेंट करेगा और जितने भी स्टेट एम्प्लॉयमेंट देगा, मतलब जितने भी नियुक्तियां होंगी और जितने भी जो है नियोजन होंगे, इन सब में एम्प्लॉयमेंट में और इसमें सब में स्टेट जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा सबको। ऐसा नहीं कि किसी का जेंडर कुछ है तो किसी को स्टेट क्या करेगा कि इसमें रोक देगा। ऐसे प्रोविजन जो है बोला है कि भाई सबको हम इक्वली ट्रीटमेंट देंगे, इसमें ये बात कही गई है। बहुत सिंपल सी बात आपकी समझ में आ रही है। आर्टिकल देखें यहां पर आपके सामने आर्टिकल 16(2) है। कोई नागरिक केवल, अभी सुनो यहां पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आप लोगों ने शायद कभी नोटिस नहीं किया होगा। आर्टिकल 16 में जो ग्राउंड है वो 7 है, आर्टिकल 15 में जो ग्राउंड है वो 5 है। आपने कभी पहले सुना है नहीं सुना, आई रियली डोंट नो, लेकिन आर्टिकल 15 में जो ग्राउंड है वो 5 है। देयर आर 5 ग्राउंड्स इन आर्टिकल 15, ओनली 5, लेकिन आर्टिकल 16 में जो ग्राउंड है वो 7 ग्राउंड है। अभी आप मेरे साथ साथ बताएंगे 5 ग्राउंड पहले कौन से थे। एक तो आपका सबसे फेवरेट जेंडर ग्राउंड, ठीक है ठीक है, एक तो जेंडर हो गया आपका, तो इसके बाद कास्ट हो गया, इसके बाद रिलीजन हो गया, इसके बाद रेस हो गया, इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ हो गया। ये 5 ग्राउंड जो आर्टिकल 15 में थे वो तो इसमें है ही है। इसमें दो अलग से ग्राउंड है, एक तो है उद्भव के स्थान पर और एक है निवास के स्थान पर। इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको समझा देता हूं। यहां पर आप देखिए, पहले आपको बताया गया कि रिलीजन के आधार पर नहीं होगा डिस्क्रिमिनेशन, वंश के आधार पर नहीं होगा, कास्ट के आधार पर नहीं होगा, सेक्स के आधार पर नहीं होगा, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं होगा, रेजिडेंस के आधार पर नहीं होगा, और इसके अलावा इसमें मेंशन नहीं है, इसका मतलब है उद्भव के आधार पर नहीं होगा, उद्भव ओरिजिन के आधार पर नहीं होगा। तो 5 आपको ग्राउंड दिए गए, इसमें टोटल 7 ग्राउंड आप लोगों के लिए बनते हैं। आप देख सकते हैं 7 ग्राउंड, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति है, लिंग है, वंश क्रम है, जन्म स्थान है और निवास है। तो 5 आपके सामने ऊपर हो गए और 2 ही स्पेशली हो गए, ठीक है। तो आपको विशेष तौर पे इनका ध्यान रखना है कि इसमें 7 ग्राउंड है, इसमें 5 ग्राउंड नहीं है। आर्टिकल 16 में 7 ग्राउंड है, इनके बेसिस पे किसी के साथ भी, कोई इंडिया में किसी के साथ भी जो है भेदभाव नहीं होगा, सबको बराबर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है। अभी आर्टिकल 16(3) क्या कहता है, आर्टिकल 16(3) बोलता है कि संसद विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ क्षेत्र के निवासी संबंध में शर्तें लागू कर सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये देखो 16(2) का अपवाद है कि संसद पार्लियामेंट ना किसी स्टेट के जो रेजिडेंस हैं, जो लोग हैं जो निवास करते हैं किसी स्टेट में, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु हो गया, फॉर एग्जांपल मद्रास हो गया, फॉर एग्जांपल यूपी हो गया, मान को मान के चलो कोई भी स्टेट है, तो पार्लियामेंट किसी स्टेट के रेजिडेंस जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकता है, उनको आरक्षण दे सकता है उनके यहाँ के एम्प्लॉयमेंट में। अब आप मुझसे पूछेंगे सर ये तो आर्टिकल 16(2) का अपवाद हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो दिस इज एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 16(2). सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, वहां पर 15(3) अपवाद था और यहां पर 16(3) अपवाद है। क्लियर है ना, एकदम क्लियर है ना। चलो अभी 16(4) के बारे में अपन बात करते हैं। बहुत ही बेसिक सा आर्टिकल है, 16(4) में कुछ भी नहीं है, मैं आपको याद करा देता हूं। सुनो, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन, आपको पता है कि सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग थे वो आपने वहां भी पढ़े, वही आपको यहां पर भी पढ़ने। तो जो भी बैकवर्ड क्लास था, अदर बैकवर्ड क्लास आप जानते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो जो भी बैकवर्ड क्लास है, और बैकवर्ड कैसे, सोशली बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं,
उन बैकवर्ड क्लासेस को गवर्नमेंट जॉब्स में या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की बात करता है आर्टिकल 16(4). और दिस आर्टिकल, ये वाला जो अनुच्छेद है, इसकी वजह से ना इतना बड़ा नुकसान हो रखा है ना, इसी को बोलते हैं आप क्लॉजेस ऑफ रिजर्वेशन, जो आपको बड़ी दिक्कतें होती हैं, रिजर्वेशन क्यों है नौकरी में। सो दिस इज द आर्टिकल रिस्पॉन्सिबल टू पुट क्लॉजेस ऑफ रिजर्वेशन, यही है वो अनुच्छेद जो आरक्षण की बात के लिए माना जाता है, इसी को आप बोलते हैं सरकारी नौकरी में आरक्षण या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो आरक्षण है, सरकारी नौकरी का जो आरक्षण है मेरे लाडलो, वो यही है। दिस इज द आर्टिकल रिस्पॉन्सिबल टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, जो आप रिजर्वेशन की बात करते हैं, ब्लैक शर्ट पहन के पढ़ाया किरो, अच्छा मस्त लगते हो, अरे भाई थैंक यू, ब्लैक शर्ट और वो छोड़ दो, आप क्लास देखते रहो, ठीक है, बहुत बढ़िया सॉलिड, ठीक है दोस्त, करेक्ट है। अगला वाला समझते हैं, आर्टिकल 16(5), आप प्लीज नोट डाउन करते चले, पीडीएफ आपको मेरे एप्लीकेशन पर मोबी शिक्षा पर मिलेगी, यू विल गेट अ पीडीएफ, ठीक है, ऑन माय एप्लीकेशन दैट इज मोबी शिक्षा, ठीक है, ये है मोबी शिक्षा, इसका मतलब है कि मोबाइल से शिक्षा, एजुकेशन विद द मोबाइल, मोबी, ठीक है, मोबी शिक्षा पर आपको मिलेगी पीडीएफ, आप डाउनलोड कर लेंगे। आर्टिकल 16(5) क्या है? कुछ भी नहीं है यार, वो सिंपल सी बात करता है, आपको ऑलरेडी पता है, तो क्या बोल रहा है कि देखो आर्टिकल 16(5) में क्लॉजेस क्या है, स्पेशली आप समझ लें कि किसी भी धार्मिक इंस्टीट्यूशन में, अब इसका मतलब क्या हुआ, आपने देखा होगा कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जैसे आर्मी है, तो आर्मी में कोई वैकेंसी निकलती है, आर्मी में जूनियर कमीशन ऑफिसर होता है जेसीओ, तो जेसीओ जो होता है रिलीजियस जेसीओ की वैकेंसी निकलती है फौज में, आपने अक्सर सुना होगा। अभी तो ऐसा तो नहीं है कि मंदिर के लिए किसी, आप मंदिर में किसी की नियुक्ति होनी है या मंदिर के लिए कोई चाहिए, और मंदिर सरकारी है, अब सरकारी मंदिर के लिए जो व्यक्ति चाहिए वो किसी पार्टिकुलर रिलीजन का होना चाहिए, अब थोड़ी ना है कि मुझे कोई पकड़ के मुझे कोई ले जाएगा और मुझे बोलेगा कि मस्जिद में चले जाओ और आप मस्जिद में मौलवी बन जाओ, तो मेरे लिए मैं कैसे कर सकता हूं। तो स्टेट क्या करता है, प्रोविजन कर सकता है स्पेशल रिलीजन के लोगों को किसी पर्टिकुलर रिलीजियस पोस्ट के अपॉइंटमेंट के लिए रिजर्वेशन की बात कर सकता है, आपकी बात समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया जेसीओ जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की वैकेंसी निकलती है आर्मी में, अगर आपने संस्कृत से एमए किया है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट एक्चुअली, ठीक है, उसके लिए आप कर सकते हो। तो यही बताया गया किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था में किसी पदाधिकारी सदस्य की नियुक्ति के संबंध में स्पेशल प्रोविजन स्टेट कर सकता है, उसको पावर दे रखी है, तो आप इसको भी अपवाद कह सकते हैं, आप बोलेंगे ये भी एक अपवाद है, बात समझ में आ गई। अगला वाले पर चलेंगे 16(6), भाई 16(6) बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है, कुछ नहीं है, आपको सिंपल बात याद करनी है, इतना घबराना नहीं है। 16(6) कब एड हुआ आपको पता है, 103rd अमेंडमेंट 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से एड हुआ। 16(6) में क्या होगा, जो 15(6) में इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को, अभी आप फॉर्म भर रहे हैं तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EWS आपने देखा होगा, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को 10% के रिजर्वेशन की बात करता है सरकारी नौकरी में। फॉर एग्जाम्पल आपने यूपी सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा, आपने यूपीएससी का फॉर्म फिल किया, आपने ईपीएफओ का फॉर्म फिल किया, उसमें आपने एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईडब्ल्यूएस का आपको ऑप्शन मिला होगा, तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लास है इसको 10% के रिजर्वेशन की बात करता है। अभी रिजर्वेशन डिफरेंट टॉपिक है, हम इसको अलग से पढ़ लेंगे कि रिजर्वेशन में क्या क्या चीजें हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल हैं जो रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अदर बैकवर्ड क्लास के लिए मंडल कमीशन बना, तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट कब लागू की गई, कब उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और मंडल कमीशन को जब लागू किया गया बीपी सिंह की सरकार में या फिर बाद में नरसिंह राव की सरकार ने रिजर्वेशन दिया तो कोर्ट ने उसे कैसे कैंसिल कर दिया, क्या पूरी कहानी रही, आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट वीडियो, श्योर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां चलिए आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 बात करता है अस्पृश्यता के अंत की, इसका मतलब क्या हुआ, अनटचेबिलिटी को हटाने की बात करता है। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन 10% ओबीसी को भी मिलेगा क्या, नहीं ओबीसी को नहीं मिलता भाई, ओबीसी का जो रिजर्वेशन है ना वो 27% है, सेपरेट है, याद रखेंगे, एससी का रिजर्वेशन जो है ये 15% है, सेपरेट है, याद रखेंगे, एसटी का रिजर्वेशन जो है ये 7.5% है, याद रखेंगे, और ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है ये 10% है, याद रखेंगे, दीज आर डिफरेंट, ये जनरल कैटेगरी को दिया गया, तो सिंपल सी बात आप याद रखेंगे, अलग अलग रिजर्वेशन के क्लॉजेस है, ये आपको अच्छे प्रकार से याद रख रहे हैं। ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर को दिया गया है, अब क्रीमी लेयर के लिए रामनंदन कमेटी बनाई गई थी, आई टोल्ड यू ना, आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट वीडियो, रामनंदन कमेटी एंड व्हाट वाज द रिकमेंडेशंस ऑफ क्रीमी लेयर एंड हु इज कॉल्ड क्रीमी लेयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द प्रोविजंस, ठीक है, जब मंडल कमीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया अपना, तो आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है, केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केस में जब जजमेंट आया था कि भाई
कौन क्रीमी लेयर होगा, किस ओबीसी को आरक्षण दे रहे हो। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण पहले भी दिया जा चुका है, ऐसा नहीं है पहली बार दिया गया है। नरसिंह राव की सरकार ने 1991 में ही ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दे दिया था 10% का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। रद्द करने के बाद दोबारा से भी दिया गया, और इसका जो बेस माना सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आरक्षण का जो बेस है वो आर्टिकल 46 है, और आर्टिकल 46 क्या कहता है आपको अच्छे प्रकार से पता है कि इंडिया में जो एससी और एसटी कम्युनिटी के जो, मतलब जो भी एससी लोग हैं, एसटी लोग हैं, या जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उनकी इकोनॉमी के इंटरेस्ट के लिए, उनके सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेट प्रोविजन करेगी। इसी आर्टिकल 46 को बेस मान के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट ने रिजर्वेशन का प्रोविजन कर दिया है। तो डीपीएसपी का आर्टिकल जो 46 है, दिस इज द फादर एंड मदर ऑफ द रिजर्वेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसी के बेसिस पे हमारे संविधान में आरक्षण का प्रोविजन किया गया है। आई टोल्ड यू ना, आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट वीडियो, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, समझ गए। आर्टिकल 17 अबोल्यूशन अनटचेबिलिटी की बात करता है, अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, कि आप अस्पृश्यता का अंत करोगे तो कैसे अंत करोगे अस्पृश्यता का। सर ऑफ सर्वन नेट बताया रहा मिलेगा ओबीसी का, सर ओपी, अरे कौन यार क्या है, पता नहीं किस किस के बारे में तुम बात करते रहते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने अनटचेबिलिटी, क्लियर है ना, बहुत सिंपल बात है। अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसलिए अदर बैकवर्ड क्लासेस इसका विरोध भी किया, यार हमें रिजर्वेशन का प्रोविजन, आप यहां लटका दिए रिजर्वेशन पे। आगे बढ़ो, आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों के अंत की बात करता है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों के अंत की बात करता है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी उपाधि है उनके अंत की बात करता है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स मतलब उपाधियों का अंत होगा, हमारे कंट्री में जो उपाधियां दी जाती है लोगों को, जैसे पहले आपने देखा होगा, तो देखो इसको भी आप जोड़ के देखिए, आपने देखो, आपको मैंने ट्रिक बताना भूल गया, 17 को सुनो, इसको जोड़ो आप, 1 + 7 = 8, 8 का मतलब क्या होता है, 8, कि आप भैया 8 में नहीं रहोगे, अनटचेबिलिटी नहीं करोगे, अस्पृश्यता आप नहीं करोगे, अगर आप किसी भी कास्ट से, किसी भी रिलीजन से, तो आप बड़े कास्ट से, तो आप किसी के साथ अस्पृश्यता नहीं करोगे, ठीक है, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट पढ़ो की थारा, अच्छा कट कॉपी पेस्ट पागलों की तरह, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, वीरेंद्र सिंह राठौर को माफ कर दो, ये कुछ फर्जी टीचरों से पढ़ता रहता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी क्लियर। अभी आर्टिकल 18 क्या बोलता है सुनो, कल मैंने क्वेश्चन आपको कराया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जिसके अगेंस्ट में आपको अगर आप पालन नहीं करेंगे तो पनिशमेंट है, आर्टिकल 17 में पनिशमेंट है। आर्टिकल 18 उपाधियों के उन्मूलन की बात करता है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, इसको आप जोड़ेंगे तो ये कैसे हो जाता है, 1 + 8 का बराबर क्या हो गया, 9, 9 का मतलब क्या हो गया, 9 बोला आप हमारी कंट्री में किसी को कोई टाइटल नहीं दोगे, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है, किसी को कोई उपाधि हमारे कंट्री में नहीं दी जाएगी उसके बारे में बात करता है। फॉर एग्जाम्पल पहले राय बहादुर चौधरी, ठीक है, बहुत सारी रिक्वेस्ट उपाधि थी हमारे कंट्री में जो लोगों को दी जाती थी, तो आज ऐसी उपाधियों को देना हमारे कंट्री में मना है, और इसमें क्लॉजेस और एड है कि हमारे कंट्री में कोई भी व्यक्ति अगर, जैसे 1954 से आपको पता है कि हमारे कंट्री में, आप सब जानते हैं जो है, एक प्रकार से आप सबको पता होगा कि हमारे देश में भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, पद्म श्री है, तो ये इसके अंदर रोके नहीं गए, और ना कोई आर्मी की उपाधि और ना कोई एजुकेशन की उपाधि, अगर आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं, तो उसके लेकर कोई प्रोविजन जो है इसमें नहीं है, इन सबको इसके अंदर रोका नहीं गया है, ये एक्सेप्शन है इसके, बाकी सबकी मनाही है इसमें। और इवन कोई एम्बेसडर इंडिया में होगा पोस्टेड, वो भी विदाउट प्रेसिडेंट के कंसेंट के, ठीक है, तो उसको कोई भी उपाधि वो नहीं ले सकता। बहुत ही बढ़िया, आर्टिकल 19 पे आ जाते हैं अभी, सभी नागरिकों को अधिकारों की गारंटी देता है, 6 अधिकार है आर्टिकल 19 को आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको 6 फंडामेंटल राइट दिए गए मेरे प्यारे साथियों, 6 फंडामेंटल राइट आपको दिए गए, 6 गारंटी इसमें आपको दी गई है। तो ये भाषण और अभिव्यक्ति की बात करता है। आर्टिकल 19 का पहला क्लॉज पढ़ेंगे तो आर्टिकल 19 जो 1 है ये आर्टिकल 19 बी है। अब आर्टिकल 19 बोलता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास अधिकार है आर्टिकल 19 के अंतर्गत कि आप जो चाहें आप स्पीच दे सकते हैं, एक्सप्रेशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पीच का मतलब आप बोल सकते हैं, और एक्सप्रेशन का मतलब हुआ आपको कोई पसंद है तो आप कैसे बताएंगे, अरे तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, तो कभी कभी आप इशारों से बताते हो, कभी कभी आप लिखकर बताते हो, तो एक्सप्रेशन इज द समथिंग। एक्सप्रेशन के अंदर प्रेस भी आ जाती है, मीडिया भी आ जाता है, न्यूज़पेपर भी आ जाता है, राइटिंग भी आ जाता है, ऐसे भी आ जाता है, कोटेशन भी आ जाता है, आप किसी के ऊपर कोई कुछ भी बोल रहे हो आप, तो एक्सप्रेशन बहुत बड़ी चीज है, तो इसे कहते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है, क्लियर है ना। इसी के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन भी इसका पार्ट हो जाता है। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 का बी पार्ट क्या बोलता है, पीसफुली ये कहता है फ्रीडम ऑफ असेंबली, सभा करने की आजादी, मतलब बिना हथियारों के आर्मलेस, आप कहीं पर भी बिना हथियारों के आर्मलेस इकट्ठे हो सकते हो,
आप सवा कर सकते हो, आपको दे रखा है। अभी ऐसा नहीं कि आप आराम से लेके इकट्ठे हो जाओगे, तो इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड है। अगर आर्टिकल 19 को आप सही से पढ़ना चाहते हो ना, सही से पढ़ना चाहते हो, अगर आपके मन में बहुत अच्छी इच्छा है कि सर बहुत अच्छे से, तो आर्टिकल 19(1) जो है ना, आर्टिकल 19(1) का 1A का जो रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19(2) में है, आंटी बी का 3 में, सी का डी में है। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूं 1 सेकंड के अंदर, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप जान लीजिए। देखिए आर्टिकल 19 जो ए है ना, ये आर्टिकल 19(a) है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ हट गया, तो अभी आपके सामने जी है। 1 2 3 4 5 6, इसका जो रिस्ट्रिक्शन है ना वो आर्टिकल 19(2) में, इसकी रिस्ट्रिक्शन जो है आर्टिकल 19(3) में, इसकी रिस्ट्रिक्शन जो है आर्टिकल 19(4) में, इसकी रिस्ट्रिक्शन जो है आर्टिकल 19(5) में, इसकी रिस्ट्रिक्शन जो है आर्टिकल 19(5) में, इसकी रिस्ट्रिक्शन जो है आर्टिकल 19(6) में। तो ये क्या है, इसके वो लगे हुए कि इनके ऊपर जो एक प्रकार से पाबंदियां लगी हुई हैं, तो आप ऐसे करके इसको याद कर सकते हो और किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है। इन डिटेल आई विल डिस्कस इन माई कोर्सेज, ठीक है, ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हो, आपके लिए काफी काम में भी आ सकता है। तो चलिए अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 19 में ऐसा नहीं है कि आपका जो मन करेगा आप बोलोगे या जो मन करेगा आप कर दोगे, आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड है। तो आर्टिकल 19 का ये बी हो गया। अगले वाले पे पढ़ते हैं आर्टिकल 19(1)(c), ठीक है, ये क्या बोलता है, संघ यूनियन गठन करने की स्वतंत्रता, आपको फ्रीडम दी गई है कि आप एसोसिएशन बना सकते हो, आप यूनियन बना सकते हो। जैसे आपने देखा होगा किसान किसान यूनियन, ठीक है, या भारतीय किसान यूनियन, BKU एक यूनियन है, तो ये इसी के अंदर दिया गया आपको अधिकार है कि आप संगठन बना सकते हो। आर्टिकल 19 का अगला वाला पार्ट देखेंगे, आर्टिकल 19(d), ये क्या बोलता है कि आप पूरे कंट्री में फ्रीडम है आपको कि आप जहां चाहे जहां घूम सकते हो, मूव फ्रीली इन इंडिया, जाओ तुम जाए जहां, दिल्ली मुंबई आगरा, आपका जहां मन करता है आप घूम सकते हो, फ्रीली पूरी इंडिया में आपको अधिकार है। इसके बाद आप देखेंगे आर्टिकल 19(e), ये बोलता है कि फ्रीडम टू रिजाइड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप पूरे देश में कहीं पर भी रह सकते हैं, ठीक है, पूरे देश में आपको कहीं पर भी रहने का अधिकार है, ये आपको यहां पर बताया गया है। बहुत अच्छी सी बात है मेरे प्यारे साथियों। आर्टिकल 19 का फिर ये वाला पार्ट देखेंगे आप, कौन सा वाला, ये जी लिखा हुआ है, यहां पर एफ होना चाहिए तभी ये सही होगा। ये क्या बोलता है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन एनी प्रोफेशन, एक्चुअली रिलीजन नहीं प्रोफेशन, आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं जो आपका मन करता है, आप वो व्यवसाय कर सकते हैं जो आपका मन करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो मन करता है वो व्यवसाय आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका लास्ट है। अभी आपको याद कैसे करना है, तो आप मुझसे कहेंगे सर याद करा के दिखाओ, तो मैं आपको चुटकियों में याद कराता हूं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको चुटकियों में कराता हूं इसको याद, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। देखिए मैं आपको यहां से जो है इसको एक बार आपको याद कराता हूं, जिससे कि आपको हमेशा बेनिफिट रहेगा, आप भूल नहीं पाएंगे इसको पर्टिकुलर को। देखिए ऐसे आप इसे याद कर सकते हो साथियों, आप इसे कैसे याद कर सकते हो, सिंपल तरीका समझने का प्रयास करना, आप इसे कैसे याद कर सकते हो। आर्टिकल 19 में पहले हमने क्या बोला, आर्टिकल 19 में पहले हमने क्या बोला कि आपको भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी है। तो सबसे पहले सपोज करो कि मैं महात्मा बुद्ध हूं, मैं कौन हूं, महात्मा बुद्ध हूं, सबसे पहले मैंने क्या दिया, भाषण दिया, क्या दिया, भाषण दिया। जब मैंने भाषण दिया तो आप समझ गए ना, स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप समझ गए। इसके बाद जो है ए हो गया, बी में क्या होगा, जब मैंने भाषण दिया तो लोग मुझे सुनने आए, तो क्या बनी, असेंबली, क्या बनी, असेंबली, लोग इकट्ठा हो गए, असेंबली बन गई, क्या बन गई, असेंबली, सभा बन गई, लोग क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, तो क्या बन गई, सभा बन गई। अब मैंने भाषण दिया और लोग सुनने आए, सभा बन गई, सभा बन गई, तो मैंने फिर उनसे क्या कहा कि मेरे प्यारे साथियों, ठीक है भाई, प्यारे दोस्तों, आप सब, मैंने भाषण दिया वो इंप्रेस हो गए, मैंने कहा कि मैं एक धर्म बना रहा हूं, बौद्ध धर्म, या मैं कुछ बना रहा हूं, तो मैंने क्या बनाया, संगठन, मैंने क्या बनाया, संगठन, संगठन बनाया, सभा में संगठन बनाया। फिर मैंने बोला कि जाओ तुम पूरे देश में घूम जाओ, पूरे देश में फैल जाओ, तो ये लोग क्या चले गए, पूरे देश में घूमने चले गए, या पूरे देश में जो है इन्होंने क्या किया, मूव किया, मूव फ्रीली, या पूरे देश में जो है ये फैल गए, जाओ पूरे देश में फैल जाओ और इस संगठन की बात को हर जगह पहुंचाओ। तो बौद्ध धर्म की बात को लोगों ने हर जगह पहुंचाया। फिर क्या हुआ, ये जहां जहां गए वहां पर क्या करने लगे, रिजाइड, क्या करने लगे, निवास, और निवास करने के बाद आज वहां पर इनका क्या बन गया, धंधा, या क्या बन गया, इनका प्रोफेशन, यही इनका क्या बन गया, धंधा बन गया। तो आप अब देख सकते हैं ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये एफ है और ये जी है। बात समझ में आ गई,
तो कैसे याद करेंगे? जैसे मान के चलो कोई जेल में बंद है और एक कुख्यात बाबा है, बाबा काशीपुर वाले के बगल में कोई जेल में बंद है। अब वो जेल से बाहर निकला और चिल्लाया, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो लोग उसे सुनने के लिए आएंगे। अब सुनने के लिए आएंगे कि कौन पागल जैसे छूट गया, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो लोग सुनने आएंगे तो क्या बनेगी? सभा बनेगी। चिल्ला रहा है, भाषण दे रहा है, कहेगा कि मुझे बाबा ने परम ज्ञान दिया है, कहा है कि मेरे पुत्र जा और पूरी समाज में सभी को लड्डू खिला, और इसका एक बाबा संगठन बना। तो बाबा संगठन बन गया और बाबा ने आदेश दिया है कि जाओ मेरे भक्तों पूरे देश में फैल जाओ। फैल गए, मूव कर गए, जहां जहां गए रहने लग गए, और वो उनका क्या बन गया? धंधा बन गया। सो दिस इज माई टोन एक्चुअली, जिससे कि आपको याद हो सके। तो मुझे लगता है अभी आपको याद हो गया, आर्टिकल 19 के सारे क्लॉजेस आपको याद हो गए, तो मुझे पूरी उम्मीद है अब आप समझ चुके होंगे। किसी को अगर याद नहीं हुए तो मुझे बता दो भाई, मैं दोबारा से याद करा सकता हूं। आई होप आपको याद हो गए, पुरानी वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है, याद हो गए ना। चलो अभी समझो, आर्टिकल 20 क्या कहता है, अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 क्या कहता है, सुनो ध्यान से, ये कहता है प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफ फॉर ऑफेंसेस। इसका मतलब क्या है, आपने कोई ऑफेंसेस किए, उसके बेसिस में आपको आपकी अपराधी जो है ना उसकी ऑफेंसेस, उसकी सुरक्षा के बारे में बातचीत करता है, मतलब उसकी सजा के संरक्षण की बातचीत करता है। इसमें क्या क्या है कि अगर डबल जियो पार्टी है, इसमें तीन क्लॉजेस है, डबल जियो पार्टी कि दोहरे दंड के लिए आपको सजा नहीं मिलेगी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन आपको खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। सेकंड, बात समझ में आ गया, आपको डबल जियो पार्टी नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और तीसरी चीज, इसे बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लॉज के बारे में प्रोविजन करता है कि ऐसा नहीं होगा कोई दंड आपने कोई आपने जो कोई आपने कुछ गलत काम किया था और उस गलत काम की उस समय सजा कम थी और आज उस सजा बढ़ गई है तो आज आपको बढ़ी हुई सजा मिले, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो रेट्रोस्पेक्टिव जो लॉज है, दो प्रकार के लॉज होते हैं, प्रोस्पेक्टिव मतलब आगे का और रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे का। तो जो रेट्रोस्पेक्टिव लॉज है, ऐसा नहीं कि आपने 2011 में किसी को गोली मार दी और 2011 में गोली मारने की सजा थी 1 साल और अभी आपका केस चल रहा है 2020 में और आज गोली मारने की सजा है 5 साल, तो जज ऐसा नहीं करेगा कि आपको 5 साल की सजा देगा, क्योंकि आपने जो जुर्म पीछे किया है उस समय आपकी जो सजा थी 1 साल थी, तो आपको 1 साल मिलेगी। उसी के रिलेशन में यहां पर कुछ जो है कन्विक्शन और ऑफेंसेस के बेसिस में कुछ आपको जो है यहां पर आपके लिए कुछ प्रोटेक्शन दी गई है। आर्टिकल 21 समझेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा, और ये आप जानते हैं व्यक्ति की सुंदरता का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये क्या बोलता है भाई आर्टिकल 21? सिंपल सी बात करता है आर्टिकल 21, क्या कहता है आपसे कि किसी भी इंसान का जो जीवन है ना बहुत महत्वपूर्ण है उसकी। अब ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसमें सारी चीजें, आपका मन करता है विवेक विवेक से शादी कर ले आर्टिकल 21, विवेक कविता से शादी कर ले आर्टिकल 21, कविता कविता से शादी कर ले आर्टिकल 21, ठीक है, आपका मन करे तो अपनी शादी में भी ना जाओ आर्टिकल 21, आपने कहा मैं नहीं जा रहा अपनी शादी में आर्टिकल 21, वो बात दूसरी है कि दूसरे का राइट फिट बॉयलेट हो जाएगा आर्टिकल 21, आपका मन करता है मुझे बहुत एकांत में रहना है, मेरे को बहुत शांत जगह पर रहना है, पीस में रहना है, एकांत प्राइवेसी आर्टिकल 21, आपका मन करता है मुझे विदेश जाना है तो मेनका गांधी केस 1970 आर्टिकल 21, आपका मन करता है कि भैया मैं तो बीच पर जाऊंगा गोवा वाले बीच पर आर्टिकल 21, एवरीथिंग इज आर्टिकल 21, ठीक है, जो आपकी लाइफ पर इंपैक्ट करता हो आर्टिकल 21 है। बात समझ में आ गए, अभी आर्टिकल 21 के बाद इसमें सीधा 22 दे दिया है, लेकिन इससे पहले आप एक आर्टिकल समझ लें, आर्टिकल 21 में एक और पार्ट है आर्टिकल 21A, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है आर्टिकल 21A, ये राइट टू एजुकेशन की बात करता है, 6 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है। 86 अमेंडमेंट के माध्यम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2002 में इसको जोड़ा गया था, ये बोलता है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर, जो कि आर्टिकल 45 से इंस्पायर्ड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में आर्टिकल 45 है जो अप टू द एज ऑफ 6 ईयर सिर्फ 6 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात करता है, उससे इंस्पायर्ड होके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में 6 से लेकर 14 साल, याद रखना डीपीएसपी में मात्र 6 साल है, आगे पढ़ाऊंगा आपको, और यहां 6 से लेकर 14 साल है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रोविजन करता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। चलिए आर्टिकल 21 आपकी समझ में आ गया, शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 22 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट इन डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। देखो दो प्रकार के लॉज होते हैं हमारे कंट्री में,
एक तो होते हैं आप लोगों ने सुने होंगे जाने होंगे पता नहीं, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता है, दो प्रकार के लॉज होते हैं हमारे कंट्री में। एक तो लॉज होते हैं कि आप किसी को कुछ करने से रोक रहे हो, ठीक है, तो आपने सुना होगा जिसे आप कहते हैं कि भाई निवारक नजरबंदी, आपने सुना होगा कि आप किसी को कुछ करने से रोक रहे हो। एक होते हैं कि किसी ने कुछ कर लिया उसके लिए लॉज होते हैं। तो ये वाला जो है कुछ मामलों में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात करता है कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आर्टिकल 22 ये बताता है, तो गिरफ्तार व्यक्ति को संरक्षण है। और वो क्या क्या है कि जब किसी को गिरफ्तार करोगे तो उसे कॉज ऑफ अरेस्ट बताओगे कि उस बच्चे को आप अरेस्ट क्यों कर रहे हो, उसका कारण क्या है, कॉज ऑफ अरेस्ट बताओगे। सेकंड प्रोविजन है कि जिसको आप अरेस्ट कर रहे हो ना उस व्यक्ति के लिए आप उसे एक वकील करने का या एडवोकेट करने का, उसका बचाव रखने के लिए एडवोकेट करने का अधिकार उसको दिया गया। तीसरा इसके अंदर क्लॉजेस है कि 24 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है उसे 24 घंटे के अंदर किसी भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने आप पेश करोगे, एक्सक्लूडिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ट्रेवल, यात्रा के समय को छोड़कर। यह अनुच्छेद जो है 22 के अंदर क्लॉजेस है जो अनुच्छेद 22 के अंदर आपसे बात करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, ठीक है, ओके, क्लियर। अब इसके अंदर एक प्रोविजन है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा पोटा में, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा में, या किसी को गिरफ्तार किया जाएगा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा में, या एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार ऐसे चीजों में किया जाएगा, उस पर यह प्रोविजन लागू नहीं होते, पोटा में, मीसा में, एनएसए में, टाडा में। ठीक है, अगर किसी को गिरफ्तार करेंगे उसके ऊपर ये प्रोविजन लागू नहीं होते, ये सारी चीजें उसके ऊपर लागू नहीं होती हैं, आप सबको पता रहना चाहिए। तो ये है आपका आर्टिकल 22 कि किसी आदमी को गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, एडवोकेट, और 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा। ये सारे के सारे अधिकार आपको यहां पर दिए गए। आर्टिकल 23 मानवता में यातायात पर प्रतिबंध और मजबूर शर्म, इसका मतलब क्या है? प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहता है बेसिकली, ट्रैफिक लिखा है यहां पर, यातायात गलत है, ये गलत ट्रांसलेट कर रखा है, मानव व्यापार होगा इसका मतलब, मानव व्यापार और बलात् श्रम, मजबूर श्रम का मतलब है बलात् श्रम। इसकी हिंदी जो आप लिखा देखते हैं वो लिखा देखते हैं बलात् श्रम, इसका मतलब है क्या बोलता है कि प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कि मानव का जो ट्रैफिकिंग है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये एक ही स्पेलिंग है, मानव बलात् श्रम और मानव ट्रैफिकिंग का मतलब है आदमी की खरीद फरोख्त आप नहीं करोगे, आदमी को आप बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की मना करता है आर्टिकल 23 और कहता है कि फोर्स्ड लेबर, किसी आदमी से आप जबरन मजबूरी में काम नहीं कराएंगे। आप जो ईपीएफओ वाले बच्चे होंगे आप ध्यान से सुने कि ईपीएफओ में जो मिनिमम बेसिस का एक्ट है ना, मिनिमम बेसिस का जो बेस है ना वो आर्टिकल 23 है, क्योंकि इसमें बलात् श्रम में जो फोर्स्ड लेबर है ना इसके अंदर ये प्रोविजन है कि आप किसी इंसान से आप काम कराओगे तो उसे मिनिमम बेसिस मतलब एक नियत सैलरी आप दोगे, या किसी भी इंसान से उसकी इच्छा के विरुद्ध आप काम नहीं कराएंगे, जो भी इंसान है उसे आप खरीद बेच नहीं सकते। तो इसमें आप बहुत सारी चीजें जो पढ़ते हो कि वेश्यावृत्ति हो गई, या फिर प्रोस्टिट्यूशन चलता है उसके लिए, बहुत सी चीजों के लिए लोग खरीदते हैं, और पहले दास प्रथा चलती थी, उस सारी चीजों को ये इलीगल मानता है आर्टिकल 23। ठीक है, ऐसा अगर करोगे आर्टिकल 17 आर्टिकल 23 तो इसके लिए दंड का प्रोविजन है, इसमें आपको सजा हो सकती है। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? आर्टिकल 14 बोलता है कि कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध, प्रोविजन इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, इसका मतलब क्या है कि ये चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट आर्टिकल है, चाइल्ड लेबर के, हमारी कंट्री में जो चाइल्ड लेबर है ना उसके प्रोविजन की बात करता है कि हमारे कंट्री में जो चाइल्ड लेबर है वो इलीगल है, आप किसी चाइल्ड लेबर नहीं कराएंगे। अब सुने इसमें दो तीन क्लॉजेस है, क्या क्लॉजेस है? पहला क्लॉज बोलता है कि जो 14 साल तक का बच्चा है ना, जो 14 साल तक का बच्चा है, 14 साल तक के बच्चे से आप कुछ भी काम नहीं कराओगे, और 14 से लेकर 18 साल तक का बच्चा है ना, देखो इसको आप चाइल्ड बोलते हैं, इसे आप एडोलेसेंट बोलते हैं, किशोर, इसको आप किशोर बोलते हैं, इससे आप कोई खतरनाक कार्य नहीं कराओगे जो 14 से लेकर 18 साल तक का बच्चा है, और जो 18 साल से ऊपर का बच्चा है वो तो बाप है, आदमी है, उससे तो कुछ भी करा सकते हो। ठीक है, तो उसके बारे में प्रोविजन किए गए चाइल्ड लेबर, तो आर्टिकल 23 24 दोनों के अगेंस्ट में पनिशमेंट का प्रोविजन है अगर आपने तोड़ते हैं तो। अगला वाले में चलेंगे आर्टिकल 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता और मुक्त पैसा अभ्यास और धर्म का प्रचार, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। देखो अभी आर्टिकल 25 कौन सा पार्ट है आपके सामने, आर्टिकल 19 से 22 पढ़ लिया, 23 से 24 पढ़ लिया, अभी आपको 25 से 28 समझना है। अभी 25 से जो 28 है ना ये रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बात करता है, हमारी कंट्री में ना धार्मिक स्वतंत्रता है, रिलीजियस फ्रीडम है। अभी धार्मिक स्वतंत्रता का प्रोविजन क्या है या रिलीजियस फ्रीडम आप किसे कहते हैं उसके बारे में आर्टिकल्स आपके बात करते हैं। आपको पता है हमारा कंट्री सेकुलर कंट्री है,
हम एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, पर सेक्युलर जो कंट्री होता है उस कंट्री में रिलीजियस फ्रीडम लोगों के पास होती है। चलो आर्टिकल 25 क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस ठीक है एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोरोगेट एनी रिलीजन। ठीक है, आप किसी भी धर्म को, कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्म करना या आत्मसात करना, किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं। हिंदू हो मुस्लिम बन सकते हो, मुस्लिम हो सिख बन सकते हो, सिख हो ईसाई बन सकते हो, और मुस्लिम हो तो हिंदू बन सकते हो। किसी भी धर्म को आप कर सकते हो, अपना सकते हो, आपके पास पूरा अधिकार है, कोई आपको रोकेगा नहीं। दूसरी चीज, आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हो, आप बोलो राधे 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 राधे, आप बोलो अल्लाह अकबर, आप बोलो, आप ईसा मसीह का नाम लो, आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन प्रैक्टिस एनी, इंडिया में आप कुछ भी कर सकते हो, आपको पूरी पूरी आजादी दी गई है। ठीक है, प्रोरोगेट का मतलब होता है, प्रोपोगेशन का मतलब होता है बेसिकली कि आप उस धर्म के बारे में बता सकते हो, लोगों को समझा सकते हो कि भाई हमारा धर्म अच्छा है, ये वो एंड सो एंड सो। आर्टिकल 26 क्या बोलता है, धार्मिक मामलों का प्रबंधन, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। एक बात आप लोगों को नहीं पता होगी, मैं आपको बता देता हूं, सुन लो ध्यान से। जो आर्टिकल 25 है ना, आर्टिकल जो 25 है, ये जो 25 है ये मतलब ये नागरिकों, या आप कह सकते हैं कि सिटीजन्स और फॉरनर्स दोनों को प्राप्त है, तो आप ये कह सकते हैं ये तो सिटीजन्स के लिए है ये। लेकिन ये वाला जो आर्टिकल 26 है ना, ये रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए, धार्मिक संप्रदाय के लिए, ये जो आर्टिकल है ये सिर्फ धार्मिक संप्रदाय को दिया गया है, ये किसी इंसान को नहीं दिया गया। आपको ये अधिकार नहीं है कि आप अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं, ये किसको अधिकार है, रिलीजियस डिनोमिनेशन को अधिकार है। और रिलीजियस डिनोमिनेशन को सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहां पर डिफाइन किया है कि धार्मिक संप्रदाय किसे कहते हैं। ठीक है, जहां पर सेट ऑफ रूल्स हो, सेट ऑफ थॉट्स हो, सेट ऑफ पीपुल हो, उसको आप बोलते हैं रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो धार्मिक संप्रदाय को यह अधिकार है कि वो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकता है, मुझे नहीं है, आपको नहीं है। बहुत बड़ी गलती है, बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते, या मी एंड यू फ्रेंड्स आप समझ नहीं पाते इस बात को, हम इसमें गलती कर देते हैं। तो धार्मिक संप्रदाय को यह अधिकार प्राप्त है, किसी और को प्राप्त नहीं है। सीधी सी बात समझ में आ गई आपके, क्लियर? सर आपका बर्थडे क्या है क्या? अरे नहीं भाई, बर्थडे बर्थडे नहीं है, आप प्लीज क्लास को शेयर करते चलें, दोस्तों को बताएं। इतनी एनर्जी के साथ मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, आप, मैंने बहुत सी क्लास देखी इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन वो क्या करते हैं ऊपर ऊपर से हवास ही उतार देते हैं, और वो उस पर व्यूज बहुत ज्यादा है, 2 लाख 5 लाख, बट दीज आर नॉट सफिशियंट फॉर एग्जामिनेशन। उतना नहीं पूछता एग्जाम में, बहुत ज्यादा पूछता है आजकल यार। एक क्लास देखो, ढंग से देखो, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज शेयर एंड लाइक एंड कमेंट इफ यू लाइक दिस क्लास, प्लीज कमेंट, प्लीज लाइक एंड प्लीज शेयर, प्लीज, इट्स माई पर्सनल हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। ठीक है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई ये डिनोमिनेशन को अधिकार दिया गया है, जो धार्मिक संप्रदाय उनको अधिकार दिया गया है कि वो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने सबरीमाला केस सुना, तो सबरीमाला केस में जो केस हुआ था, सबरीमाला मंदिर, तो सबरीमाला मंदिर ने बोला कि वो ट्रस्ट है, और ट्रस्ट के पास ही राइट है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकता है। तो वो आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 15(1) का वॉयलेशन नहीं कर रहा है, आप समझ रहे हो ना, मतलब आप महिलाओं के साथ गलत कर रहे हो ना। हाँ, वो उसने बोला कि वो नहीं कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिलीजियस डिनोमिनेशन माना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप धार्मिक संप्रदाय है नहीं, इसीलिए आपके पास ये राइट नहीं है। केशवानंदा भारती केस में भी यही आर्टिकल जो है 26 आर्टिकल केशवानंदा भारती केस में भी एक बहुत बड़ा बेस था। केशवानंदा भारती ने भी यही बात बोली थी कि रिलीजियस डिनोमिनेशन है तो आप हमें दे दीजिए अधिकार। क्या भारत देश में गीता और वेद पढ़ने पर रोक है? ऐसा कौन कह रहा है भाई, पढ़ने पर नहीं है, आर्टिकल 30(30)A बता दीजिए साहब। अरे अबे आगे तो आने दे, अभी तो 25 पर चल रहे हो आप, अभी आप कैसे पहुंच गए उस पर हर्षित कौशल जी, एक साथ ही पहुंच गए आप, यू आर अ रॉकेट। ठीक है, अब आने दोनों उस पर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 27, किसी विशेष धर्म के प्रचार करने के लिए भुगतान करने की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है कि फ्रीडम हैज टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। देखो इसका मीनिंग क्या है कि किसी भी रिलीजन के लिए आप टैक्स पे नहीं करेंगे। देखो साथ ही यहां पर दो चीजें होती हैं, जैसे ये मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं ना हार्दिक कौशल, हर्षित कौशल, ऐसी आप भी मिस इंटरप्रेट कर सकते हो चीजों को। ध्यान से सुनो, रिलीजन टैक्सेस की मना कर रहा है, फीस की मना नहीं कर रहा है। आप कभी किसी मंदिर में जाते हो ना, तो आपसे फीस ली जाती है। आप मंदिर में गए, आपने बोला मुझे अपने जूते जमा करने, आपने बोला मुझे प्रसाद चाहिए, आपने बोला कि मुझे मंदिर में, आप जाते हो तो आपसे एक पर्ची कटती है, कहीं कहीं पे कटती है, आपसे फीस ली जाती है। तो फीस जो होती है वो सर्विस के बदले होती है, और टैक्स एक कंपलसरी प्रोविजन होता है, ये धार्मिक टैक्स देने से मना करता है, फीस देने से मना नहीं करता। तो कभी भी आप किसी भी इंस्टीट्यूशंस में जाएं जो रिलीजियस हो, और हां आपसे अगर फीस ली जा रही है,
तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि वो टैक्स नहीं है, वो फीस है। और जैसे ये समझ रहे ना, ऐसे ही गलती आप भी करोगे। तो ये क्या बोलता है, रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या है कि आप रिलीजियस जो है प्लेसेस पे आप टैक्स नहीं दे सकते। टैक्स कंट्री हमारे कंट्री में, जैसे पहले आपने देखा होगा जजिया लगता था, जकात लगता था, ऐसे टैक्सेस हमारे कंट्री में अभी मना है। आगे वाला, धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब समझे, इंस्ट्रक्शंस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देखो हमारे कंट्री में ये प्रोविजन है कि धार्मिक शिक्षा उन इंस्टीट्यूशंस में नहीं दी जाएगी जो कैसे हैं, बेसिकली जो सरकारी है या जो पब्लिक या फिर जो सरकार द्वारा फंडेड है, जिसमें गवर्नमेंट का सिलेबस है, उन धार्मिक संप्रदायों, उन धार्मिक उन स्थानों में, उन स्कूलों में धार्मिक शिक्षा का प्रोविजन नहीं है। लेकिन अगर आपका इंस्टीट्यूशन ऐसा है कि आप खुद चला रहे हैं, तो आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मदरसा, आपने सरस्वती विद्या मंदिर देखा होगा, शिशु मंदिर देखा होगा, लेकिन किसी प्राइमरी स्कूल में कभी नहीं दी जाती धार्मिक शिक्षा। अगर दी जाएगी तो फिर सभी धर्मों को बराबर दी जाएगी, एनसीईआरटी में अगर है तो सभी धर्मों को बराबर दी जाएगी, उसका इसमें प्रोविजन है। अब बात करते हैं 29 से 30 की, जो ये भाई साहब पूछ रहे थे, 29 से 30 की बात करते हैं। ये अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात करता है। ये कहता है कि जो माइनॉरिटीज है हमारे कंट्री में, उनके संरक्षण की बात करता है। अभी सुनो पहली बात मेरी गौर से, हमारे कंट्री में माइनॉरिटीज कौन है इस बात को आप जानते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी अल्पसंख्यक को, माइनॉरिटीज को डिफाइन नहीं किया गया। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज डिफाइन है, तो आपका आंसर आएगा नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी माइनॉरिटीज डिफाइन नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटीज को डिफाइन किया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेस है कि रिलीजन और लैंग्वेज, भाषा और धर्म के आधार पर हमारे कंट्री में आप किसी को माइनॉरिटीज मानेंगे, भाषा और धर्म के आधार पर। ये दो हमारे कंट्री में बेस है, एक तो क्या रिलीजन है, धर्म है, और दूसरी क्या लैंग्वेज है, भाषा है। इन दो के आधार पर आप किसी को हमारे कंट्री में मानते हैं माइनॉरिटी। इसके बेसिस पे हमारे कंट्री में 6 रिलीजन है जिनको माइनॉरिटीज मानते हैं। आप हिंदू को छोड़ दो, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है और पारसी है। 6 हमारे देश में रिलीजन है जो कि माइनॉरिटीज है। माइनॉरिटीज मानने का एक और सीधा सा फंडा है कि जिस पार्टिकुलर रिलीजन की, जिस पार्टिकुलर धर्म की हमारे देश में जनसंख्या 50% से कम है, वो जो धर्म होगा उसको आप अल्पसंख्यक मानेंगे। आपको पता है मोर एंड लेस अप्रोक्स 79% पॉपुलेशन इंडिया में हिंदू है, ठीक है, और 14% पॉपुलेशन समथिंग मुस्लिम है। बाकी जो रिलीजन है उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। तो उसी के बेसिस पर जो 6 माइनॉरिटीज है, कोई 3% है, कोई 2% है, कोई 1% है, कोई पॉइंट्स में ही ओनली, वो सारी की सारी जो है हमारे देश में अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यकों के इंटरेस्ट की बात करता है, उनका प्रोटेक्शन किया जाएगा, ठीक है, उनको स्पेशल राइट्स के प्रोविजन की बात करता है। आर्टिकल 30 की बात करें, शैक्षणिक संस्थानों में स्थापना, प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार। अभी जैसे इंटरप्रेटर से इन्होंने गलत कर लिया, पहली बात सुने, ये आर्टिकल कभी आपसे ये नहीं बोलता है कि हमारे देश में गीता का पाठ करना गलत है। वो क्या बोलता है आप ध्यान से सुने, आपने गलत पढ़ा है। अगर आप कोई गवर्नमेंट के कई सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जब मैं आर्टिकल 30 आपको पढ़ाता हूं क्लास में, तो ये कहता है कि देखो शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार, कि कोई भी जो माइनॉरिटीज ग्रुप है ना वो स्टैब्लिश कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल जामिया है, जामिया मिलाली इस्लामिया, जेएमआई, आपने उसके बारे में सुना होगा। तो ये सारे जो इंस्टीट्यूशन इंडिया में बने हुए हैं ये माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन है। तो इन इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी बना सकती है, चला सकती है, अपने अकॉर्डिंग चला सकती है। लेकिन एक शर्त है, अगर किसी इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट का फंड हुआ तो वो इंस्टीट्यूशन ओपन फॉर ऑल होगा। फॉर एग्जाम्पल एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप भी एडमिशन ले सकते हैं, उसमें माइनॉरिटीज का रिजर्वेशन है, लेकिन उसमें आप लोगों का पढ़ने के लिए मना ही नहीं है, ठीक है, आप भी उसमें पढ़ सकते हैं, अलीगढ़ आर्टिकल 30 प्रोविजन है। सेकंड, जैसे भाई साहब पूछ रहे थे कि आप कोई भी इंस्टीट्यूशन है, अगर वो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट का फंडेड है तो उसमें फिर रिलीजियस जो है या फिर अल्पसंख्यकों की स्पेशल चीजें ज्यादा नहीं चलेंगी। अगर उसका सिलेबस भी, अगर वो गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड भी है तो उसका सिलेबस का निर्धारण भी सरकार करेगी, उसके सिलेबस में आप गीता कुरान इन्हें आप ऐड नहीं कर सकते। बात समझ में आई? दैट इज द पॉइंट। आना मेरी स्पेशल क्लास में, आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स, ठीक है, तो कंफ्यूजन मत रहना है। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए उपाय। आर्टिकल 31 आपको पता है, आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार था, और संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से उठा के लीगल राइट बना दिया। आर्टिकल 32 क्या बोलता है? आर्टिकल 32 बोलता है
ये आपको जानते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स आपको दिए गए, जो भी राइट्स आपने पढ़े जनरली 14 से लेकर 18 तक आपने पढ़े, 19 से लेकर 22 तक आपने पढ़े, 23 से लेकर 24 तक आपने पढ़े, 25 से लेकर 28 तक आपने पढ़े, 29 से लेकर 30 तक आपने पढ़े, 31 आपका गोल हो गया। तो ये जो फंडामेंटल राइट है, अगर किसी फंडामेंटल राइट का अगर कोई वायलेशन होगा तो आप इसके लिए आर्टिकल 32 का रास्ता पकड़ के सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मैंने आपसे क्या बोला, इसका राइट का नाम क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका नाम क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अभी आप मुझे एक बात बताओ, उपचार की जरूरत किसको पड़ती है, रेमेडी किसको चाहिए, जो बीमार है। अब जिसके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो गया है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा आर्टिकल 32 का रास्ता पकड़ के। सुप्रीम कोर्ट उसे 5 प्रकार की गोली देता है, लाल, हरी, पीली, गुलाबी और नीली। उन गोलियों को आप रिट कहते हैं, उन गोलियों को आप क्या कहते हैं, रिट कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में 5 प्रकार की रिट का प्रोविजन है, हमारे संविधान में 5 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट आपको दवाई देता है। 5 प्रकार की दवाई कौन सी है, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, आपको पता है, क्यू वारंटो, प्रोविजन और सर्सरी। इसका मतलब क्या हुआ, एक है हैबियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो आदमी गायब है उसे लेकर आओ, कहां चला गया, कहां फेंक दिया, कहां गया भैया, मेरे पास ले आओ। सेकंड है मैंडमस, परम आदेश। मैंडमस का मतलब है कि अरे काम सही से कर लो, पब्लिक अथॉरिटीज को आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ढंग से काम कर लो, अगर सही से काम करना नहीं आ रहा तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। तीसरा है क्यू वारंटो, किस आप किस हैसियत पद पर बैठे हो, फॉर एग्जाम्पल किसी का फर्जी सिलेक्शन हो गया या किसी आदमी ने अपनी अथॉरिटी से बाहर कोई काम कर दिया, तो किस अधिकार से, अधिकार प्रक्षा, किस अधिकार से भाई साहब इस पोस्ट को आपने होल्ड कर रखा है। आगे है प्रोविजन और सर्सरी, जिसे बोलते हैं प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण। तो प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण जो है ये दोनों एक प्रकार से जुडिशरी जुडिशरी के खिलाफ ही जारी करती है, दोनों में थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है। प्रोविजन में सुप्रीम कोर्ट बोलता है या हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलता है कि अपने यहां के मैटर को स्टॉप कर दो, रोक दो उसको, वहीं की वहीं रोको, जो कार्रवाई चल रही है उसको रोको। और उत्प्रेक्षण में सर्सरी में बोलता है कि जो कार्रवाई चल रही है उसको रोको और मेरे पास भेजो, रोको और मेरे पास भेजो। आपकी समझ में बात आई। सर मैंने कहा था पर एक डॉक्टर साहब लड़ने लगी ये कह के, अच्छा आरसी काउंसिल, अरे कोई बात नहीं है दोस्त, इट हैपन, होता है सारी चीजें, ठीक है, क्लियर। आर्टिकल 36, अब देखो आर्टिकल 36 क्या है, ये पार्ट 4 है। अभी ये क्या आ गया, अभी सुनो, दो आर्टिकल इसमें छूट रहे हैं। आर्टिकल 33 आप लोग अगर पढ़ोगे, मुझे बस बाद में ये मत बोलना कि सर आपने कराए नहीं, ठीक है, दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट। 34, 34 और 35 ये तीन आर्टिकल छूट रहे हैं। 33 किसका आर्टिकल है, 33 बोलता है कि जो फंडामेंटल राइट है कि उनको नहीं मिलेंगे जो आर्मी के लोग हैं, या फिर आर्मी जो हमारे यहाँ नेवी एक्ट है, एयरफोर्स एक्ट है, नेवी एक्ट है, आर्मी एक्ट है, एयरफोर्स एक्ट है, इसके तहत जो हमारे आर्मी पर्सनल से उनको फंडामेंटल राइट जो है कडेल किया सकते हैं। आर्टिकल 34 बोलता है कि जिस भी पर्टिकुलर रीजन में मार्शल लॉ मतलब सैन्य विधि लागू होगी, तो मार्शल लॉ जहां पर भी लागू होगा वहां के लोगों के फंडामेंटल राइट कडेल किए जा सकते हैं, या वहां के लोगों के फंड, जैसे आपने पढ़ा AFSPA, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, तो एक प्रकार से ऐसा ही है, ठीक है, आप समझ गए। मणिपुर वगैरह में इंप्लीमेंटेड था, J&K में इंप्लीमेंटेड था, तो वहां के लोगों के मौलिक अधिकार कडेल किए गए। आर्टिकल 35 पता है क्या बोलता है कि फंडामेंटल राइट के संबंध में जो भी प्रोविजन होंगे, अमेंडमेंट होंगे, वो सारी करने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास होगी। इसका मतलब आपने अभी तक तीन पार्ट पढ़े और तीनों पार्टों में आपने एक चीज नोटिस की होगी, चाहे वो पार्ट वन हो, पार्ट वन का लास्ट आर्टिकल, चाहे वो पार्ट टू हो, पार्ट टू का लास्ट आर्टिकल मतलब कौन सा, 11वां, और चाहे वो पार्ट थ्री हो, पार्ट थ्री का लास्ट आर्टिकल कौन सा, 35वां, तीनों के बारे में लॉ बनाने की जो पावर है ना, वो किसके अंदर वेस्टेड है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर वेस्टेड है। आर यू क्लियर विद दिस डाउट, आपकी समझ में आ गया, चाहे पार्ट वन हो, पार्ट टू हो और पार्ट थ्री हो, इन तीनों के बारे में जो लॉ बनाता है वो सिर्फ हमारा संसद बना सकता है, पार्लियामेंट को पावर है, स्टेट के पास कोई पावर इसमें नहीं है। आप समझ गए, नहीं समझे, क्लियर है ना, चलो आओ आगे बढ़ो। अभी आर्टिकल 36 ये क्या है, पार्ट चार है। पार्ट चार का नाम क्या है, डीपीएसपी। तो 36 से लेकर 51 तक पार्ट चार का प्रोविजन है डीपीएसपी का। पार्ट चार में पहली डेफिनेशन क्या है, डिफाइन द मीनिंग ऑफ स्टेट। और डिफाइन द मीनिंग ऑफ स्टेट का मतलब क्या है कि जैसे आपने आर्टिकल 12 पढ़ा है, आर्टिकल 12 में जो डिफाइनेशन ऑफ स्टेट है, अब स्टेट क्या होता है,
मैंने आपको पहले ऐसे ही बता दिया था कि आप पुलिस में बाहर चले जाओ तो स्टेट आपकी समझ में आ जाएगा। अभी लॉकडाउन है, गो आउटसाइड एंड यू विल फील द स्टेट। स्टेट क्या होता है बेसिकली, राज्य क्या होता है कि यार हमारे देश में ना तीन लेवल पे है, ठीक है? तो आप ऐसे याद करो, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री ऑल आर स्टेट, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री सारे राज्य हैं। तो तीनों लेवल पर, ये लोअर लेवल मतलब हमारा जो पंचायत है, लोकल गवर्नमेंट राज्य है, स्टेट गवर्नमेंट राज्य है, सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य है, तीनों राज्य हैं, तीनों राज्य हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव की बात करें तो चपरासी से लेकर डीएम, ये सारे के सारे राज्य हैं। मतलब आप समझो सरकारी नौकरी बराबर यू आर द पार्ट ऑफ स्टेट, राज्य। अब राज्य को कहीं पर ही फील कर सकते हैं। कोई इंस्टीट्यूशन जहां पर सरकार का पैसा लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ONGC या LIC ऑफ इंडिया या भेल इंडिया या गेल इंडिया, ठीक है? ये सारे के स्टेट है, सारे स्टेट है, सारे के सारे राज्य के अंदर डिफाइन है। आपको पता है LIC ऑफ इंडिया का केस आपने पढ़ा होगा 1995 का, तो उसमें भी ये प्रोविजन है कि स्टेट है। तो डिफाइन द मीनिंग ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा, क्लियर है? ये वही परिभाषा 36 में साफ साफ तौर पर लिखा है कि जो परिभाषा 12 में दे रखी है वो सेम है। तो 36 में कहीं पर भी मीनिंग ऑफ द स्टेट डिफाइन नहीं है, मेरी बात समझे। 36 में कहीं पर भी मीनिंग ऑफ द स्टेट को डिफाइन नहीं किया गया। मीनिंग ऑफ द स्टेट 12 आर्टिकल में डिफाइन है, आर्टिकल 12 में मीनिंग ऑफ द स्टेट डिफाइन है। क्या सर बता, क्लास UPSI के लिए इंपॉर्टेंट है? अनुराग यादव आप कैसी बात पूछ रहे हैं यार, UPSI UPSI संविधान के यार पेपर है ना, और मैं संविधान ही पढ़ा रहा हूं भाई। अमेरिका का संविधान है क्या? क्या मैं 7 आर्टिकल पढ़ा रहा हूं क्या? नहीं ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यार। तो सीधी बात है, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है मेरे भाई, मैं तो पढ़ाई उन्हीं के लिए रहा हूँ, UPSI वगैरह जितने भी एग्जाम्स है। आर्टिकल 37, देखो 37 अब DPSP के बारे में बात करता है कि जो DPSP है ना, DPSP जो है उनके बारे में बता रहा है। इसका मतलब क्या है कि DPSP आपको सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तो जो तीन प्रकार का जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है ना, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल, जो जस्टिस है ना, जो न्याय है ना, वो उस न्याय के बारे में जो प्रोविजन करता है कि जो तीनों प्रकार का जो जस्टिस है, तीनों प्रकार का जो न्याय है ना, सभी आर्टिकल ये 36 का प्रोविजन, 37 का प्रोविजन है जो आपको साफ तौर पे बताता है। तो आपका 37 हो गया। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, 38 में जो है कुछ भी, मतलब बहुत ज्यादा चीजें ऐसी नहीं है, आप समझते चले जाए। अरे यार 36 में ही, 36 37 है क्या? अच्छा ये बोलता है इनके नेचर के बारे में, बेसिकली 37 जो है नेचर के बारे में, कि जो है इनके खिलाफ आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, ठीक है? 38 बोलता है कि आप, ये प्रोविजन है। 39 बोलता है कि न्याय, और 39 जो है 39 बोलता है कि समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड के बारे में आर्टिकल 39A है, ये आपको याद रखना है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 39A, जो कि फ्री लीगल एड के बारे में आपसे बोलता है। आर्टिकल 40 जो है पंचायतों के गठन के बारे में आपको बताता है। वॉचिंग अच्छी है आज। आर्टिकल 40 जो है ये पंचायतों के गठन के बारे में आपको बताता है कि जो पंचायत है उनका गठन होगा। बात समझ में आ गई? पंचायतों के गठन के बारे में आपको प्रोविजन करता है, क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, सॉलिड एंड सुपर। आगे आर्टिकल 41 कुछ मामलों में शिक्षा सहायता के लिए, या कुछ ऐसे जो लोग हैं जो डिप्राइव्ड है, इनके पास कुछ नहीं है, उनको एजुकेशन देने के लिए, या जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको एजुकेशन देना है, पब्लिक असिस्टेंस देना है, ठीक है, इन सर्टेन केसेस के लिए बात करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा बहुत सी जगह जो बुजुर्ग वगैरह है, या प्रधानमंत्री की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, इसी के रिगार्डिंग आर्टिकल 41 है। आर्टिकल 43 श्रमिकों के लिए जीवित मजदूरी आदि बेसिस वगैरह के बारे में बात करता है, श्रमिक वगैरह के लिए उसके बारे में बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 43 का को जो है वन जो है, इसका मतलब है पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर इन मैनेजमेंट, कि जो भी मैनेजमेंट है, जो भी मैनेजमेंट है फैक्ट्री का, उस मैनेजमेंट में लेबर का पार्टिसिपेशन होगा, उसके बारे में क्लॉजेस करता है, उसके बारे में बात करता है कि लेबर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है, समान नागरिक संहिता जो सिर्फ गोवा में लागू है, हमारे कंट्री में आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है, क्रिमिनल कोड लागू है। और सिविल कोड का मतलब क्या हो गया कि आपने शादी की, मैं कल परसों फेसबुक पे एक चीज देख रहा था, उसमें क्या था, एक भाई साहब एक पता नहीं कोई मीम्स वीम्स बना रहा था, तो उसने बोला कि ये मेरा बच्चा है, उसका नाम, उसने ऐसे कुछ नाम लिया उसका, मैं उसका नाम बताता हूँ, उसका नाम पप्पू रख देता हूँ, बोला ये पप्पू है और ये सारी मेरी बीवियां हैं। तो वह तीन लड़कियां हैं, बोलता है कि ये सब मेरी बीवी हैं, ये मैं हूं, ये पप्पू है, ये सारी मेरी बीवियां हैं। तो ये क्या है, ये हमारे कंट्री में ना सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, मुस्लिमों को एक से ज्यादा शादी करने का अधिकार है, हिंदुओं के पास नहीं है, तो भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, क्रिमिनल कोड है,
कि अगर मैं किसी को मार दूं और ये किसी को मार दे तो हम दोनों को बराबर पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन सिविल कोड हमारे कंट्री में समान नहीं है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 8 बार प्रयास किया है, लेकिन एक स्टेट है सिंगल गोवा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। गोवा गोवा इज द ओनली स्टेट जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। आगे बढ़े आर्टिकल 45, सुनो बहुत बड़ी गलती आप लोग करते हैं। आर्टिकल 45 प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, पर इसमें एक प्रोविजन है अप टू द एज ऑफ 6 ईयर। इसमें लिखा है अप टू द एज ऑफ 6 ईयर, सुने 6 ईयर इसका मतलब क्या है? देखो आर्टिकल जो 45 है ना, ये 6 साल तक के बच्चों को शिक्षा की बात करता है, और आर्टिकल 21A है ना, ये 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा की बात करता है। ये फंडामेंटल राइट है और ये डीपीएसपी है। तो कभी आपसे कभी पूछ ले कि डीपीएसपी में एजुकेशन का प्रोविजन कितना है, तो डीपीएसपी में 6 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के प्रोविजन किया गया है, क्योंकि फंडामेंटल राइट में 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रोविजन किया गया है। तो ये आर्टिकल 45 है जिसको बेस मानकर आर्टिकल 21A 86 अमेंडमेंट 2002 के माध्यम से ऐड किया गया, और उसका प्रोविजन जो है वो 6 से लेकर 14 साल तक की बच्चा के लिए। सर मजा नहीं आया आपको पढ़ाने में, सर मजा नहीं आया आपके पढ़ाने में। अच्छा मनीष राजपूत आप मुझे प्रूफ करने के लिए आए क्या यहाँ पर? मनीष आई हैव गिवन द व्यूज इन मिलियंस एक्चुअली, तो मुझे टेंशन नहीं है मेरे भाई कि तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बात समझ में आ गई? आर्टिकल 40 आपका लेवल इतना होना चाहिए मनीष, आप इतने चाहिए समझने चाहिए, नहीं तो आप किसी टीचर के पास जाएंगे जो आधा घंटे में आपको 100 आर्टिकल पढ़ा देगा। दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लास। चलो भाई आर्टिकल 46 क्या है? आर्टिकल 46 बेसिकली ये हमारे कंट्री में रिजर्वेशन का, मैंने आपको पहले ही बताया हमारे देश में जो रिजर्वेशन का जो आधार है या हमारे कंट्री में जो रिजर्वेशन है, इस रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो आरक्षण है, इस आरक्षण का जो आधार है वो हमारे देश में यही है। अनुसूचित जातियों के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए या अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उनके आर्थिक और शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के लिए राज्य प्रोविजन करेगा। तो आर्टिकल जो 40 है यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का बेस है, ठीक है, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का बेस है। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। डीपीएसपी का क्या समझ नहीं, डीपीएसपी में क्या समझ नहीं, क्या समझा नहीं सर, डीपीएसपी क्या समझा नहीं सर भाई, डीपीएसपी में डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो उसी के बारे में प्रोविजन है। डीपीएसपी का मतलब है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, आप आर्टिकल ही क्लास देख रहे हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उन्होंने ये प्रोविजन कर रखा है कि आप भविष्य की जो फ्यूचर गवर्नमेंट बनेंगी वो गवर्नमेंट इन तत्वों के आधार पर गवर्नेंस करेंगी। गॉट इट? वैसे एक बात बताऊं, आज के जमाने में ये हो गया है, मैं एक वीडियो देख रहा था कल, उस वीडियो में एक टीचर ने आर्टिकल्स पढ़ाए, उसके 4-5 लाख व्यूज है। उसने क्या कर रखा है, व्हाट एग्जैक्टली ही डिड, उसने एक लाइन में, एक पेज पर एक लाइन में एक आर्टिकल लिखा हुआ है, फिर एक लाइन में एक आर्टिकल लिखा हुआ है, फिर एक लाइन में एक आर्टिकल लिखा हुआ है, फिर एक लाइन में एक आर्टिकल लिखा हुआ है, फिर एक लाइन में एक आर्टिकल लिखा हुआ है। ये जस्ट सिंपल भाई, उससे तुम यूपीएससी पास कर लोगे, उससे तुम सीयूपीएससी पास कर लोगे, तुम यूपीएसआई पास कर लोगे, या तुम उससे क्या पास कर लोगे, एक एग्जाम बस पास कर लोगे क्या? अगर आपसे पूछ लेगा ग्रुप डी, ये उससे आप पास कर लोगे ग्रुप डी, उससे आप पास कर लोगे एनटीपीसी, उससे आप पास कर लोगे रेलवे वेलवे बस, तो व्यूज उन्हीं के ज्यादा आते हैं। लेकिन रियली आई डोंट वांट टू बी लाइक दैट, आप लाइक करो, कमेंट करो, मजा आ रहा है तो पढ़ते चलो। आगे समझो आर्टिकल 47 क्या कहता है। देखो 47 बोलता है ये गांधीवादी तत्व है, और 47 में ही बोलता है कि भाई जो शराबबंदी है ना, शराबबंदी आप लोग समझते होंगे कि लिकर के प्रोविजन को रोक दिया, सॉरी लिकर पे प्रोविजन कर दिया, या मादक पदार्थ जो भी आप ऐसे चीजें खाते हो, भांग धतूरा या फिर आप कोकीन वगैरह वगैरह ड्रग्स, तो ये जो भी ऐसे पदार्थ है जो इंप्रूव या पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने की बात करता है, और ऐसे लिकर वगैरह जो है शराबबंदी वगैरह वो इसी को बेस मानकर की जाती है, यही गांधीवादी तत्व है, इसे गांधीन फिलॉसफी एक्चुअली, कि आप लिकर वगैरह को रोकोगे और पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करोगे, तो लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए ये प्रोविजन इसमें किया गया आर्टिकल 47 में, और इसी के बेसिस पर जो है बिहार वगैरह में शराबबंदी की गई है। इसके रिस्पॉन्सिबल जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 47 है। चलिए अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री।
आपने देखा होगा हमारी कंट्री में जो गौ वध है बंद कर दिया गया कि काउ सॉल्टरिंग बंद है, सॉल्टर नहीं करोगे, या फिर आप किसी प्रकार का जो भी एनिमल्स है उनकी जो ब्रीड है उसको अच्छा करोगे। गांधी जी मानते थे कि जो भी दूध वाले पशु हैं उनको आप अच्छा करोगे, उनकी ब्रीड को आगे लेकर चाहोगे, ये सारे प्रोविजन जो है आर्टिकल 48 में, और इसी को प्रोविजन मान के आप गौ संरक्षण के लिए या प्रधानमंत्री की जो गौ संरक्षण योजना है या काफी सारी योजनाएं चल रही है जो गाय के संरक्षण को लेकर चल रही है, उस सारी का बेस जो है आर्टिकल 48 है। आप इसको याद रखेंगे आपके लिए काम का है। ठीक है, क्लियर। चले आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 49 स्मारकों स्थानकों और प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण। इसका मतलब क्या है? स्मारकों स्थानकों और प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स करना है आपको, एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचुरल इंपोर्टेंस या नेचुरल इंपोर्टेंस लिखा रहना चाहिए यहाँ पर, दोनों ही सही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में जितने भी ऐसे इंपोर्टेंस हैं, जितने भी हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनका प्रोटेक्शन करोगे। ठीक है, उसके लिए बात करता है आर्टिकल आपके सामने 49। अब सुनो, अनुच्छेद 50 क्या कहता है? अनुच्छेद 50 एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर से डिफरेंशिएट करता है, उससे अलग करता है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, के जो जुडिशरी है ना उसको आप एग्जीक्यूटिव से अलग करोगे, कार्यपालिका को आप न्यायपालिका से अलग करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा है हमारी न्यायपालिका है, तो हमारे सरकार के तीन अंग होते हैं, एक कार्यपालिका होती है, एक विधायिका होती है और एक न्यायपालिका होती है। तो कार्यपालिका और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में हमेशा रिलेशन रहता है, उन्हें आप कभी अलग नहीं कर सकते। लेकिन एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है उसको जुडिशरी से सेपरेशन की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1773 का एक्ट सुना होगा, और इस एक्ट में इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। लेकिन 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था इंडिया में, उस एक्ट में क्या प्रोविजन था, या उससे पहले एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का, कि जब इंडिया में बन गया सुप्रीम कोर्ट, तो उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल और लॉर्ड एलिजा इन्फे वाज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और लॉर्ड एलिजा इन्फे ने सेटिंग कर ली थी वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ। तो तब से क्या हुआ, लोगों के दिमाग में बात आ गई कि यार एग्जीक्यूटिव को हमेशा जुडिशरी से दूर रखना चाहिए। हमारे कंट्री के अनुच्छेद 50 में प्रोविजन है कि कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच में दूरी मेंशन की गई है, ये आपको समझना है। हम नहीं कह रहे सर, ठीक है, बात समझ में आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर है ना पॉइंट? चलो मेरे भाई अगले वाले में पढ़ो। 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हमारे कंट्री की जो, देखो सुनो, इससे प्रश्न ये सही बनता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का बेस क्या है, पॉलिसी, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है या हमारी जो विदेश नीति है ना, हमारी विदेश नीति का जो बेस है वो आर्टिकल 51 है, ये इसका आधार है। आप मुझसे पूछेंगे सर ऐसा क्यों है, बिकॉज आर्टिकल जो 51 है ना, ये प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का बेस है। अब ये बेस कैसे है मेरे भाई, क्योंकि इसी के आधार पर हमारी फॉरेन पॉलिसी चलती है कि हम अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देंगे, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देंगे, हम यूएन को मानेंगे, हम दूसरे कंट्री को रिस्पेक्ट करेंगे, हम कभी भी किसी पर फर्स्ट अटैक नहीं करेंगे। तो हमारी जो अटैक की पॉलिसी है वो सेकंड अटैक की पॉलिसी है, और सेकंड अटैक की पॉलिसी का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 51 है। ठीक है, यही हमारी विदेश नीति का आधार बनता है। ये डीपीएसपी में प्रोविजन यहां पर किया गया है। तो आपके डीपीएसपी फिनिश, ओवर एंड आउट। अभी हम पढ़ते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो हम एक नजर में सारे आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज समझते हैं। देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कंट्री में 11 हैं। आपको पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से ऐड किया गया था, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में हमारे कंट्री में जो है ऐड किया गया था, 86 अमेंडमेंट के माध्यम से 2002 में हमारी 11 नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। ये सारी जो ड्यूटीज ऐड हुई ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुई। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप सबके सब जानते होंगे। आज हमारी प्रेजेंटली 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, और ये फंडामेंटल ड्यूटी जो पहले 10 थी अभी 11 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, अब फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने गायब कर दिया है, आप फंडामेंटल ड्यूटीज को समझ लेंगे, बहुत ही बेसिक है। 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, उन्हें आप अपने आप देख लेंगे। तो आर्टिकल 51 का जो पार्ट है यहाँ पर, आर्टिकल 51 का एक प्रकार से आप समझा दूं मैं आपको, आर्टिकल 51 के ए में, 51 ए में फंडामेंटल ड्यूटी का प्रोविजन है एफडी में, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, अब फंडामेंटल ड्यूटी के बाद हम बढ़ते हैं आर्टिकल 52 की तरफ। आर्टिकल 52 की शुरुआत कहां से होती है, सुने बड़े ध्यान से। आर्टिकल 52 जो है बेसिकली ये पार्ट 5 है,
अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट्स हैं आप उन्हें ध्यान से समझेंगे। देखो हमारे संविधान में जो भाग पांच है, पार्ट जो पांच है, अभी तक आपने कितने पार्ट देखे, अभी तक आपने जो पार्ट देखे आपने कितने कितने पार्ट देखे, आपने जो पार्ट देखे, पार्ट वन देखा एक से चार देखा, पार्ट टू देखा पांच से ग्यारह पढ़ा, पार्ट तीन देखा बारह से पैंतीस पढ़ा, बोलो हाँ या ना, पार्ट चार देखा छत्तीस से इक्यावन पढ़ा, बोलो हाँ या ना, पार्ट चार ए में मैंने आपको बताया इक्यावन ए है तो क्लियर है। अभी आप पढ़ेंगे पार्ट पांच, तो पार्ट पांच है बावन से लेकर एक सौ इक्यावन के बीच में। अब ये पार्ट पांच है और पार्ट पांच का नाम है यूनियन, इसका नाम है संघ। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसी पार्ट पांच के अंदर आप पढ़ेंगे तो आपको आर्टिकल कैसे नजर आएंगे। मैंने कहा बावन से लेकर एक सौ इक्यावन तक आप पार्ट पांच पढ़ेंगे, इसके कई सारे पार्ट है, कई सारे पार्ट का फॉर एग्जाम्पल देखो बावन से लेकर जो है आप जो है पूरा इसमें राष्ट्रपति आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आप प्रेसिडेंट को देखेंगे, प्रेसिडेंट के कौन से आर्टिकल हैं, आप बीपी को देखेंगे, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब एक प्रकार से मैं कह सकता हूं पीएम एंड मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देखेंगे, इसके अलावा आप अटॉर्नी जनरल को देखेंगे, इसके अलावा बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार के कार्य आप देखेंगे। तो ये अपना एग्जीक्यूटिव का पार्ट है एग्जीक्यूटिव। इसके बाद आप जो है 79 आर्टिकल से आप पूरा का पूरा आर्टिकल 123 तक आप देखेंगे लेजिस्लेचर को, मतलब विधायिका के बारे में आप सारे के सारे आर्टिकल पढ़ेंगे, इसमें संसद आएगा। आर्टिकल 124 से यहां से आप देखेंगे पूरा का पूरा 147 तक यहां पर आप देखेंगे पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट वगैरह हमारी जुडिशरी आएगी। तो इज दैट क्लियर, आर यू रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर राइट। चलो आर्टिकल 52 समझते हैं, अनुच्छेद 52 से आपको क्या कह गया, पंजाब जैसे सर डीपीएसपी कहां से लिए हैं हमने, अब मेरे भाई दोस्त डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिए हैं और इस क्लास का पर्पज एक है, इस क्लास में आपको ये बताया जा रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स आपको बताए जा रहे हैं, लेकिन डीपीएसपी आपने कहां से लिए, सुन ले हमारे फंडामेंटल राइट हमने कहां से लिए, अमेरिका से लिए, अमेरिका से, समझ में आया। और जो डीपीएसपी है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये डीपीएसपी ये हमने कहां से लिए, आयरलैंड से लिए, क्लियर, आयरलैंड से लिए और आयरलैंड के संविधान से हमने लिए, और आयरलैंड ने कहां से लिए, स्पेन से लिए, स्पेन। तो डीपीएसपी मेनली जो आए हैं स्पेन से आए हैं, स्पेन से, आयरलैंड स्पेन से लिए, हमने आयरलैंड से लिए, क्लियर है ना। तो सबसे पहले स्पेन में थे फिर आयरलैंड में आए और हमने आयरलैंड से डीपीएसपी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है। ये बहुत बच्चों वाली चीज है, आप पूछ रहे हो तो मैं बता भी रहा हूं, हमें पढ़ने लेकिन आर्टिकल, आर्टिकल 52 को हम देखेंगे ध्यान से, अनुच्छेद 52 क्या कहता है। सर पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, पीडीएफ क्यों नहीं मिलेगा, आपको पीडीएफ भी मिलेगा, आपको सर मिलेगा, लाइक करो, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी के सभी लाइक करते रहे। आर्टिकल 52 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 52 जो है ये बताता है कि राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में आर्टिकल 52 बताता है, बहुत ही क्लियर है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। साथियों आप क्लास को शेयर कर दें, मैं एक सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूं, आप अधिक से अधिक दोस्तों को क्लास को शेयर कर दें, अगर आज क्लास को आप शेयर कर देंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है, आप क्लास को शेयर कर दें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को शेयर कर दें, सभी के सभी साथी क्लास को शेयर कर दें, ठीक है, चलो सभी के सभी साथी क्लास को शेयर कर दें प्लीज, मैं भी एक बार शेयर कर देता हूं, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज शेयर माय क्लास, ठीक है, चलो होप आप सभी के सभी आ रहे हैं, ठीक है, चलो इज दैट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 52 में लिखा है कि जैसे भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी, इसकी पीडीएफ मिलेगी मेरे एप्लीकेशन पर मोबी शिक्षा पर, यू हैव टू डाउनलोड मोबी शिक्षा, ठीक है, आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, दैट इज मोबी शिक्षा मतलब मोबाइल से एजुकेशन, इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, सुने भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा, और इसमें एक चीज और मेंशन हो जाती है कि भारत के राष्ट्रपति का पोस्ट कभी खाली नहीं रहेगा, क्योंकि भारत में एक राष्ट्रपति हमेशा होगा ही होगा,
ठीक है, साफ तौर पर मेंशन है। आर्टिकल 53 बोलता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होंगी, जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। अब एग्जीक्यूटिव पावर्स का मीनिंग क्या हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव का हेड है आपको पता है, और एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका, तो कार्यपालिका की जितनी पावर्स होंगी वो सारी की सारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर वेस्टेड होंगी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर सारी की सारी जो पावर्स होंगी ना वो वेस्टेड होंगी, ठीक है, ऑल पावर्स वेस्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन पावर्स को यूटिलाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और खुद, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जो प्रेसिडेंट की हेल्प करेगी उसको डिफाइन करने के हमारे पास दो आर्टिकल हैं 74 और 75, ठीक है, दो आर्टिकल हैं जो प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव कार्य में, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रोविजन है, वो आर्टिकल 74 और 75 में डिफाइन किया गया है। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष है, बात समझ में आ गई, बहुत ही आसान, आगे बढ़िए। तो राष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो कैसे होगा, बड़ी सिंपल सी बात है, तो सुनो मेरी बात, आर्टिकल 54 और 55 में क्या अंतर है, 55 इसके अंदर मेंशन नहीं है पर मैं आपको समझा देता हूं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मेंशन है। 55 और 54 में क्या अंतर है, 54 में इलेक्टोरल कॉलेज है, 54 में इलेक्टोरल कॉलेज है, इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है ना उसको 54 में डिफाइन किया गया है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, इलेक्टोरल कॉलेज है, उसको इसके अंदर डिफाइन किया गया है कि राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में आपको पता है कि हमारी लोकसभा, हमारी राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स एंड स्टेट की असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स एंड यूनियन टेरिटरीज के जहां पर भी असेंबली है, फॉर एग्जांपल अभी दिल्ली है, पुदुचेरी है, J&K में भी असेंबली है, बट J&K अभी प्रेजेंट इलेक्शन का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो इनमें असेंबलीज है, इनके इलेक्टेड मेंबर्स यहां पार्टिसिपेट करते हैं, तो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आर्टिकल 54 में डिफाइन है। आर्टिकल 55 जो यहां पर मेंशन नहीं है, आर्टिकल 55 में आपको बताया गया है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड, इसका मतलब क्या हुआ, राष्ट्रपति का निर्वाचन का रीति, उसका तरीका क्या होगा। तो आप सबको पता है कि इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, उसका जो मेथड होता है, आप क्लियरली जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, और एक सीक्रेट बैलेट से होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, तीन आस्पेक्ट है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो सीक्रेट बैलेट से होता है, ऐसा नहीं कि आप कभी भी बोल दोगे हेलो मैंने इनको वोट दिया, जस्ट लाइक मुलायम सिंह जी ने ऐसा कर दिया था प्रणब दा के टाइम पे, तो उनका वोट रिजेक्ट हो गया था, तो सीक्रेट बैलेट पेपर का प्रोविजन है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो जो इलेक्शन का जो मेथड है, इलेक्शन का जो मेथड है उसको आर्टिकल 55 में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 56 की आप बात करेंगे तो 56 में साफ तौर पर बताया गया है कि राष्ट्रपति जो होते हैं ना, हमारे जो राष्ट्रपति है उसका टर्म कितना होगा, 56 में टर्म बताया गया कि राष्ट्रपति का जो पोस्ट है उसका टर्म कितना होगा, टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट पोस्ट, ये आर्टिकल 56 में डिफाइन है। इसमें लिखा है कि 5 साल तक राष्ट्रपति अपनी पोस्ट को होल्ड करेंगे, और टिल द प्रेडिसेसर, जब तक उनका दूसरा वाला नहीं आ जाता तब तक वो अपने पोस्ट पर रहेंगे, इससे पहले भी हट सकते हैं, इंपीचमेंट के प्रोसेस से पहले भी हटाया जा सकता है, तो 56 में इसका टर्म है। आर्टिकल 57 की आप बात करेंगे तो री इलेक्शन है, राष्ट्रपति के चुनाव का री इलेक्शन, कि किसी बंदे को राष्ट्रपति दोबारा बनना है तो री इलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो इंडिया में कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी री इलेक्ट हो सकता है, कोई कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए यहां पर क्वालिफिकेशंस मेंशन है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, तो ये आर्टिकल्स हैं आप इनमें देख रहे हैं क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, कि कोई राष्ट्रपति बन सकता है तो वो 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, वो सारी क्वालिफिकेशंस यहां पर कंप्लीट है 58 में। 59 में क्या दिया गया है आप यहां पर समझ लेंगे, मैं एक बार भी बता देता हूं, तो आपने क्या क्या देखा, 52 देखा, 53 देखा, 54 मैंने आपको बताया इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बात करता है, इलेक्टोरल कॉलेज क्लियर, 55 मैंने आपको बताया कि मेथड ऑफ इलेक्शन के बारे में बात करता है, कि मेथड ऑफ इलेक्शन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, मेथड ऑफ इलेक्शन के प्रोविजंस मैंने आपको बताए, सिंगल ट्रांसफरल वोट सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, और सीक्रेट बैलेट है, क्लियर। इसके बाद हमने बोला 56 इसमें क्या है, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट है, कि राष्ट्रपति का टर्म कितना होगा उसके बारे में यह बताया गया है, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। 57 में हमने बोला कि राष्ट्रपति का री इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में प्रोविजन है, कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होगा कि नहीं होगा, होगा। 58 में क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट है, क्वालिफिकेशंस, कि राष्ट्रपति की जो पोस्ट है उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, ठीक है। और 59 आर्टिकल में
कंडीशन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफिस है, कंडीशंस, कंडीशंस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफिस, फॉर द प्रेसिडेंट ऑफिस, राष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या क्या हैं, वो इसमें मेंशन की गई हैं कि कोई व्यक्ति अगर वो किसी भी हाउस का मेंबर है तो राष्ट्रपति नहीं बन सकता, ठीक है, अगर किसी का भी मेंबर है तो उसे राष्ट्रपति नहीं बन सकता। आर्टिकल 60 में आपको पता है ओथ का प्रोविजन है कि राष्ट्रपति शपथ कैसे लेंगे, और आर्टिकल 61 में आपके सामने आर्टिकल 61 मेंशन है महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है, प्रोसीजर ऑफ द इंपीचमेंट। क्लियर हो गया, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चले तो आपका राष्ट्रपति के आर्टिकल्स यहां पे कैसे हो गए, खत्म हो गए, इतने राष्ट्रपति के आपके आर्टिकल्स थे। क्लियर, 60 में ओथ है, आप कहां चले गए थे, मैं यही हूं, वापस हूं, आप सब क्लास को देखते रहे, आनंद ले। राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में आप देखेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसके बारे में आपको प्रोविजन किया गया है, जो वो हमने बता दिया आपको, 61 आपको मैंने बता दिया। अभी बात करते हैं उपराष्ट्रपति के, भारत में, भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति क्या है, तो बीपी कहते हैं इसको, तो बीपी जो है उपराष्ट्रपति, तो बीपी जो है ये राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है, बीपी राज्यसभा का सभापति भी है, ये पॉइंट मेंशन है किसमें, आर्टिकल 63 में, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होगा ये राज्य परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा, यहां पर मेंशन है, यहां देख लेंगे आप, ये क्या होगा, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होगा राज्यसभा का, साफ तौर पर आर्टिकल 64 में मेंशन किया गया है, और 63 में मेंशन है कि एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा, ये साफ तौर पर यहां पर कहा गया है। तो आपके सामने उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, राष्ट्रपति के आर्टिकल बड़े आसान थे, राष्ट्रपति के आर्टिकल एक लाइन में आपने देख लिए, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 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
कि राष्ट्रपति को आप इंपीचमेंट कैसे करेंगे। 63 में बीपी है, तो आपने बीपी देख लिया बहुत आसान तरीका से। 64 में बताया गया है कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 64 में इसके बारे में कहा गया है। इसके बाद के इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे, सीधा 66 देखिए, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ये आर्टिकल 64 में डिफाइन किया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में बहुत बड़ा अंतर है। फॉर एग्जाम्पल आप समझेंगे, 66 जो बोलते हैं ना उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, सुनो, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हुआ उसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, प्लस स्टेट की असेंबली के मेंबर हैं, आपने पढ़ा इलेक्टेड मेंबर्स हैं, प्लस यूटी की असेंबली के मेंबर हैं, इलेक्टेड मेंबर हैं। लेकिन जो बीपी का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, समझ लें, इसमें ऑल मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें लोकसभा के सभी मेंबर इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों, और राज्यसभा के भी सभी मेंबर जो इलेक्टेड है प्लस नॉमिनेटेड दोनों, ये सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आर्टिकल 66 में आपके सामने मेंशन है, ये राष्ट्रपति के चुनाव से बहुत अलग है। आप ये मत मानना कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का इलेक्शन एक जैसा है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब आर्टिकल समझते हैं अगला वाला, 72, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने पढ़ा होगा कि भारत का राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है किसी भी आदमी को, जैसे आप पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में तो गवर्नर को अलग आर्टिकल 161, यहां राष्ट्रपति को दी गई आर्टिकल 72 में, राष्ट्रपति किसी का दंड क्षमा कर सकता है। वो दंड कौन सा होगा, वो भारत के अंदर किसी भी कोर्ट ने कोई भी किसी को दंड दिया है, चाहे वो उसको कैपिटल पनिशमेंट मिला है, मृत्यु दंड मिला है, उसको आप कह सकते हैं कि उसको आप उम्र कैद मिली है, चाहे उसको फांसी मिली है, मतलब उसकी सारी सजा को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माफ कर सकते हैं, उसके पास ये पावर है। तो आप पढ़ेंगे राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर जो है आर्टिकल 72 में मेंशन है। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति किसी की सजा को रिप्रीव कर देते हैं, रिस्पाइट कर देते हैं, मतलब किसी की सजा को माफ कर दिया, पार्डन कर दिया, विराम कर दिया, रिप्रीव कर दिया, कम कर दी, या फिर नेचर बदल दिया सजा का, ऐसी बहुत सारी चीजें करने की जो पावर है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। समझ में आई, तो आर्टिकल 72 जो है ये पार्डनिंग पावर की बात करता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, ये आर्टिकल 72 में मेंशन है। ठीक है, बहुत ही क्लियर, क्लियर आसान। चलो भैया आगे बढ़ो, आर्टिकल 74। अब देखो आर्टिकल आपने समझा 72, 74 क्या कहता है, 74 बोलता है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद, जो भारत में जो हमारा राष्ट्रपति है ना, तो मैंने बताया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव का हेड है, तो आर्टिकल 52 में
कार्यपालिका का जो हेड है वो राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती है, और मंत्रिपरिषद जो होती है जिसे आप बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं और उसमें स्टेट मिनिस्टर भी होते हैं, और उसमें उसे पूरी को बोलते हैं आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद जो है ये प्रेसिडेंट की सलाह और सहायता के लिए होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइज एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बात समझ में आई कि आर्टिकल 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता जो देगा वो कौन देगा, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देगी। ठीक है, वो यहां पर साफ तौर पर बताई गई है। आर्टिकल 75 आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 75 इसमें मेंशन नहीं है। आर्टिकल 75 में ये बताया गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी या जो मंत्रिपरिषद बनेगी उस मंत्रिपरिषद का जो है कौन किसका अपॉइंटमेंट करेगा। तो उसमें साफ तौर पे लिखा है कि जो पीएम है ना, प्राइम मिनिस्टर, पीएम का अपॉइंटमेंट होता है। याद रहेंगे पीएम कभी भी इलेक्टेड पोस्ट नहीं है, पीएम एक अपॉइंटेड पोस्ट है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का जो राष्ट्रपति है ना, यही प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं। आप कभी भी इसको याद रखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नॉट एन अपॉइंट इलेक्टेड पोस्ट, तो पीएम का अपॉइंटमेंट होता है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। समझ गए? और पीएम की एडवाइस पर बाकी जो रेस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं या जितने भी मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर, सारे जो मिनिस्टर्स हैं सबका अपॉइंटमेंट, ठीक है, कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, एडवाइस करने पर प्राइम मिनिस्टर के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिस्टर्स आर सिंगल मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3, पूरा जो मंत्रिपरिषद है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के लिए, लेकिन सिंगल जो मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही किसी मिनिस्टर को हटाते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसका अपॉइंटमेंट करते हैं, इसीलिए वो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आर्टिकल 75 में इसके बारे में प्रोविजन है। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में प्रोविजन है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। कौन सा आर्टिकल बोलता है? 76 बोलता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। बात समझ में आ रही है? अब महान्यायवादी क्या होता है, इसे आप बोलते हैं एडवोकेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का वकील। अब भारत सरकार का वकील का मतलब क्या हो गया कि दिस पर्सन एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन एनी लीगल अफेयर, किसी भी लीगल मैटर पे भारत सरकार को सलाह देता है। ठीक है, अभी आपको एक बात तो पता होगी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जब कोई लीगल एडवाइस चाहिए होती है तो आर्टिकल 143 में वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से लीगल एडवाइस मांगते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर सपोज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अटॉर्नी जनरल जो है ना ये लीगल मैटर्स में रिप्रेजेंट करता है, किसी भी इंटरनल मैटर में, किसी भी इंडियन कोर्ट में। तो अटॉर्नी जनरल उसे एजी कहते हैं, अटॉर्नी जनरल। एजी के पास बहुत सारे पार्ट होते हैं, एजी किसी भी जगह जा सकता है, ही कैन पार्टिसिपेट लोकसभा राज्यसभा, और एजी जो होता है ये मेंबर नहीं होता, ये बोर्ड नहीं कर सकता, ये पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसे बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजी। 77 78 यहां से मिस है, मैं आपको बताता हूँ 77 77 और 78 क्या है, सुने बड़े ध्यान से। 76 के बाद आप देखेंगे 74 आपने देखा, 75 आपने देखा, 76 आपने देखा, 77 और 78 देखो ये क्या है। ये जो दो आर्टिकल है ना बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताते हैं। अब हम उससे पूछेंगे कि बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार के कार्य, इसका मतलब क्या हुआ, आई लेट यू एक्सप्लेन यू। भारत सरकार के कार्य का मतलब क्या है, देखो इसमें दो चीज है। आर्टिकल 77 जो बोलता है कि बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, जितनी बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परफॉर्म होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से परफॉर्म होंगे। इसका मतलब क्या है कि भारत सरकार के सभी जो कार्य होंगे विद द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से परफॉर्म होंगे। मतलब भारत सरकार के जितने भी काम होते हैं सारे राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंटरनेशनल ट्रेड हुई, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी हुई, कोई इंटरनेशनल कुछ भी हुआ, तो उसमें जो भी इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं या जो भारत सरकार के जो कार्य होते हैं वो सारे राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। बात समझ में आई? ये आपसे पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो आपको याद रहना चाहिए। आर्टिकल 78 बहुत इंपॉर्टेंट है। 78 कैसे इंपॉर्टेंट है, सुने मेरी बात ध्यान से। 78 जो है ये कहता है कि ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ड्यूटी ऑफ पीएम। अब ड्यूटी ऑफ पीएम का मतलब है प्रधानमंत्री के कर्तव्य। आप मुझसे पूछेंगे सर ये क्या मामला है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य,
देखो कभी कभी यूपीएसआई वगैरह में प्रश्न बनता है, इट कैन आस्क यू इन ईपीएफओ एग्जामिनेशन, कहीं भी प्रश्न आपके सामने बन सकता है, ईपीएफओ में, यूपीएसआई में, आपसे कहीं भी प्रश्न को पूछ सकता है। इसका मतलब क्या है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य, कि ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर क्या है, देखो सिंपल सी बात है, द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परफॉर्म विद द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, ठीक है। अगले वाले में लिखा है प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य होगा कि भारत सरकार के सभी कार्यों की सूचना वो राष्ट्रपति को दे, तो प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य है कि अपने जितने भी बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो रहे हैं या जो भी भारत सरकार के कार्य हो रहे हैं, भारत सरकार जो भी कार्य कर रही है, इन सारे कार्यों की सूचना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो दिस इज अ ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक बात को लेकर इसको एक मामला आया था, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद भी होगा कि इंडिया में आफ्टर द डेथ ऑफ द इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद आपको पता है कि ज्ञानी जेल सिंह वॉज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ज्ञानी जेल सिंह के टाइम पर ही राजीव गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो राजीव गांधी का जो कम्युनिकेशन था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ, उसमें गैप आ गया था, क्योंकि राजीव गांधी ने बोला कि यार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बहुत ओल्ड है अदर एटीट्यूड के, तो राजीव गांधी ने बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बताना बंद सा कर दिया था। और उसी समय ज्ञानी जेल सिंह वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिनके खिलाफ ये कहा जा रहा था कि इनको हटाया जा सकता है, ठीक है, ये तक प्रोविजन हो गया था कि इनको हटाया जा सकता है, ये सारी की सारी बातें हो गई थी, ठीक है, बहुत सारी बातें चल रही थी एक्चुअली उसमें, आपको याद होगा, ठीक है। तो ये हो गया भारत सरकार के कार्य जो है ये राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि उसको सूचना दे, दैट इज कॉल्ड द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू इन्फॉर्म एवरी ईच एंड एवरी टास्क ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को सारी सारी बातें बतानी है, ठीक है। आई थिंक होप नाउ यू आर क्लियर, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। आर्टिकल 79 संसद का संविधान, अरे यार संसद का संविधान क्या होता है, संसद का गठन होता है, ठीक है, कंपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, एक्चुअली क्या बोल रहा है, संसद का गठन, इसका मतलब क्या है कि हमारे कंट्री में एक संसद होगा, पार्लियामेंट होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये अभी पार्लियामेंट का पार्ट है, मतलब अभी विधायिका की शुरुआत हो चुकी है, एग्जीक्यूटिव खत्म हो गया। अभी एग्जीक्यूटिव खत्म कैसे हो गया, अगर कोई आपसे पूछ ले, अगर कोई आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि पार्ट पांच में, या यूनियन है पार्ट पांच, और पार्ट पांच में संघ में एग्जीक्यूटिव के कितने आर्टिकल हैं, ये प्रश्न आपके सामने बन सकता है कि एग्जीक्यूटिव जो होती है कार्यपालिका, इसके कितने आर्टिकल हैं, या आपसे पूछ लेगा कि इसमें कितने कितने आर्टिकल हैं, तो याद रखेंगे 52 से लेकर, देखो संघ के जो आर्टिकल है 52 से लेकर 151 तक है, आपको पता है, लेकिन ये जो आर्टिकल है ये 52 से लेकर, आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक है, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया अभी अभी, तो ये कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव के पार्ट जो आपने अभी अभी पढ़े, तो ये अभी स्टार्ट क्या हो जाएगा, यहां से पार्ट टू स्टार्ट होगा, और पार्ट टू जो होगा ये विधायिका होगी, विधायिका का मतलब होता है विधि बनाने वाली संस्था, लेजिस्लेचर होगी, ठीक है, जो लॉ बनाती है वो स्टार्ट होगी यहां से, और इसका जो प्रोविजन चलेगा वो आर्टिकल 79 से 123 तक चलेगा। तो क्वेश्चन आपके सामने ये भी बन सकता है कि यूनियन की लेजिस्लेचर के आर्टिकल कितने हैं, स्टेट अलग चीज है, स्टेट के जो आर्टिकल स्टार्ट होंगे 152 से स्टार्ट होंगे, और उसका पार्ट अलग है, ठीक है, वहां अलग प्रोविजन है, तो राज्य की विधायिका अलग है और स्टेट यूनियन की विधायिका अलग है, दोनों में अलग अलग डिफरेंशिएट है। राज्य की विधायिका 168 आर्टिकल से स्टार्ट होती है, और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, ठीक है, और राज्य में ये जो स्टार्ट होता है 163 से स्टार्ट होता है, तो ये अलग अलग है, राज्य के बारे में प्रोविजन अलग है, स्टेट के बारे में प्रोविजन अलग है, क्लियर है ना पॉइंट। चलो आगे बढ़ो, तो अभी आगे आपका संसद का गठन, पार्लियामेंट हमारा जो होगा उसके बारे में प्रोविजन करता है, तो आर्टिकल 79 में ये लिखा है कि हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें तीन तीन उसके पार्ट होंगे, तीन उसके पार्ट होंगे, फॉर एग्जाम्पल उसमें बताया गया कि एक तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, भारत के राष्ट्रपति, साफ तौर पर आप समझ सकते हैं, एक हमारी लोकसभा होगी, एक हमारी राज्यसभा होगी, तीन इसके पार्ट होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसी में लिखा है। तो संसद के कितने अंग होते हैं, तीन अंग होते हैं, क्लियर है, राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, संसद के अंग तो तीन है, देयर आर थ्री पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन देयर आर टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो हाउसेस है वो दो है, लेकिन जो पार्लियामेंट के जो पार्ट है वो तीन है। हाउसेस कैसे दो है, एक लोकसभा है हाउस ऑफ द पीपल और हाउस ऑफ द कॉमन, और एक राज्यसभा है दैट इज हाउस ऑफ द स्टेट और अपर हाउस जिसे आप कहते हैं वो है राज्यसभा, क्लियर। चलो अभी आर्टिकल 80 है राज्यसभा की रचना, द कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के बारे में आपको बताना है,
राज्यसभा का मतलब होता है अपर हाउस, आपको पता है अपर हाउस है, अपर हाउस का मतलब है कि उच्च सदन है, या इसे आप बोलते हैं हाउस ऑफ स्टेट, राज्यों का सदन है, हाउस ऑफ स्टेट राज्यों का सदन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्रिटेन से देखेंगे तो हमारे यहाँ बाई कैमरल है, और बाई कैमरल जो हमने लिया है ना, जो दुसदनीय विधायक है हमारी, ये हमने ब्रिटेन से कॉपी किया है, क्योंकि अमेरिका की विधायिका भी बाई कैमरल है, लेकिन हमने ब्रिटेन से लिया है, और ब्रिटेन में दो हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरीका से, जैसे ब्रिटेन में है, अमेरिका में भी विधायिका के दो सदन है, वहां पर भी टू हाउसेस है, जैसे अमेरिका में सीनेट है, तो जो सीनेट है ना अमेरिका का, जो सीनेट है, सीनेट की तरीका से हमारे यहाँ पर क्या है, राज्यसभा, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में आपको यहाँ बताया गया कि इसमें कितने मेंबर्स हैं, कितने पार्टिसिपेटेड है, 245,000 मेंबर्स हैं, तो ये बताया गया राज्यसभा के बारे में। ठीक है, आप इसको पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। अभी आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना के बारे में बताता है, कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा जो है ये आपको पता है लोअर हाउस है, इसे कहते हैं कॉमन हाउस। तो जैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन है, ऐसे ही इंडिया में लोकसभा है, जैसे अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि सभा, ऐसे ही इंडिया में लोकसभा है। तो लोकसभा का जो कंपोजिशन है आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें मेंबर्स के बारे में कि भाई प्रेजेंटली तो 545 मेंबर है हमारी लोकसभा में, 545 मेंबर हमारी लोकसभा प्रेजेंट है, और 552 मेंबर्स हमारे लोकसभा में मैक्सिमम हो सकते हैं। इसमें दो एंग्लो इंडियन मेंबर्स का जो अभी प्रोविजन है कि राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करते हैं यहाँ पर, और वो जो प्रोविजन है उसको भी सस्पेंड कर दिया गया, मतलब उसे हटा दिया गया, नहीं मतलब उसे रोक दिया गया है, एंग्लो इंडियन यहाँ पर नहीं आते हैं। आपको पता है लोकसभा की संरचना के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है, क्लियर है, क्लियर है। ये 552 मैक्सिमम थे, और 552 का मतलब था कि 530 स्टेट के होंगे, 20 यूटी के होंगे, और 2 नॉमिनेटेड होंगे। लेकिन अभी क्या प्रोविजन है हमारी कंट्री में कि हमारी कुछ सीट खाली है, क्योंकि हमारे इंडिया का कुछ पार्ट जो है पाकिस्तान के पास है, जिसे बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके। तो पीओके की वजह से हमारे पास मात्र 545 फीट प्रेजेंट है लोकसभा में, तो वो आपको याद रखना है। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि, ये टर्म्स ऑफ द हाउसेस के बारे में बात करता है, कि जो ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेस कितना कितना है, हमारे हाउसेस की कितनी कितनी अवधि है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जानते हैं लोकसभा की जो टर्म टर्म है, टर्म ऑफ द हाउस है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, समझ लो आप इसको, 83 को आप समझ लें, 83 में आप दोनों चीजें देख लें, टर्म आप देख लेंगे। तो टर्म में आपके सामने दो प्रोविजन, एक तो राज्यसभा है और दूसरा आपके सामने लोकसभा है। तो राज्यसभा का जो टर्म है वो आपको पता है इसमें तीन टर्म्स होते हैं, तीन टर्म्स होंगे, दोनों में तीन तीन टर्म्स है। पहला है टर्म ऑफ द हाउस, तो हाउस के बारे में बात करें सदन का कार्यकाल, तो लोकसभा का 5 काल है, राज्यसभा का सदन का कोई कार्यकाल नहीं है, इज अ परमानेंट हाउस, ये स्थायी सदन है, और ये नॉन परमानेंट हाउस है, ये अस्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं है, कोई फिक्स इसका टर्म नहीं है, ये हमेशा चलता रहता है। सेकंड आता है टर्म ऑफ द मेंबर, ये टर्म ऑफ द हाउस था, सेकंड आता टर्म ऑफ द मेंबर, तो मेंबर का जो टर्म है इसमें 5 साल है लोकसभा में, राज्यसभा में जो मेंबर्स का टर्म है ये 6 साल है, समझ में बात आ रही है। थर्ड आता है टर्म ऑफ द इलेक्शन, इलेक्शन का टर्म कितना है, तो टर्म ऑफ द इलेक्शन की बात करें तो इसमें 5 साल है, और इसमें आता है टर्म ऑफ द इलेक्शन, इसमें टर्म ऑफ द इलेक्शन 2 साल है, 2 साल है, 2 साल बाद 1/3 मेंबर निकल जाते हैं। तो तीन तरीका से टर्म ऑफ द हाउसेस आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हाउस का है टर्म है, हाउस का टर्म कितना है, और ये जो है मेंबर्स का टर्म है कि कितने दिन मेंबर का कार्यकाल होता है, और ये इलेक्शन का टर्म है कि कब कब इलेक्शन होता है, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे कभी आपसे कोई पूछे कि राज्यसभा का टर्म कितना है तो आप बताएंगे कि कैन नॉट बी डिफाइंड बिकॉज इट्स अ परमानेंट हाउस। मेंबर का टर्म 6 ईयर है, ठीक है, क्लियर है, और जो इलेक्शन का टर्म है वो 2 ईयर है। बहुत बढ़िया, अभी अभी जो वाले बीच वाले डायलॉग एक पहुंचा हूं, 2x स्पीड से आ रहा हूं सर, क्लास नॉन स्टॉप चलने देना, ठीक है भाई चलने दूंगा, डोंट वरी, क्लास नॉन स्टॉप चलने देगी, टेंशन ना ले मेरे भाई, ठीक है। चले आगे बढ़े, लोकसभा की संरचना क्लियर होगी, कोई डाउट है किसी को तो मुझे बता दे। 93 लोगों के घर में स्पीकर, लोगों के घर में नहीं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, एक्चुअली इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेटेड है, तो स्पीकर ऑफ द डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउसेस ऑफ द पीपल, लोगों के घर में नहीं, लोकसभा में, मैं इसको वो कर देता हूं, मतलब ये क्या बोल रहा है कि लोकसभा में जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं उनके बारे में प्रोविजन कर रहे हैं। तो लोकसभा के स्पीकर के बारे में जो प्रोविजन है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर प्रोविजन है, वो आर्टिकल 93 इसके बारे में क्लोज करता है। आर्टिकल 93 में बताया कि हर हाउस में, जैसे लोकसभा, तो लोकसभा में स्पीकर होगा, आर्टिकल 93 में डिफाइन है। अब स्पीकर का जो इलेक्शन होगा वो खुद लोकसभा अपने आप में से करेगी। देखो लोकसभा के जो मेंबर बन के आते हैं, तो पहली बार जब लोकसभा की बैठक होती है तो प्रेसिडेंट उसे एड्रेस करते हैं, और राष्ट्रपति उसे प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करते हैं, और प्रोटेम स्पीकर इलेक्टेड नहीं है, अपॉइंटेड है, और प्रोटेम स्पीकर उन सबको ओथ दिलाता है।
वोट दिलाने के बाद लोकसभा क्या करती है, अपनी मेंबर्स में से इलेक्शन करती है, और इलेक्शन करके जो लोकसभा स्पीकर बनता है वो स्पीकर क्या करता है, वो फिर हाउस को रन करता है। तो लोकसभा स्पीकर है और उसी में से डिप्टी स्पीकर भी बनता है, तो वही हाउस को रन करता है, उसके बारे में प्रोविजन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल। आगे समझो, अनुच्छेद 105, संसद भवन की शक्तियां विशेष अधिकार आदि, प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, के जो हाउस के जो मेंबर्स होते हैं उनको कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, जैसे वो विशेष अधिकार है। फॉर एग्जांपल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कल मैंने यहां से आपको एमसीक्यू कराया था शाम को, इस पर एक एमसीक्यू पूछा जाता है आपसे बार 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 बार, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको ध्यान से समझें। इसमें क्या पूछा जाता है कि जो मेंबर ऑफ द हाउसेस है या फिर जो हाउस है, जैसे लोकसभा की जो कार्यवाही होती है, इंटरनल जो भी कार्यवाही चलती है, उस कार्यवाही के अगेंस्ट आप कभी जुडिशरी नहीं आ सकते, या जो लोकसभा की इंटरनल जो कार्यवाही है उसको अगर आप रिलीज कर दोगे या आप उसमें कुछ बोल दोगे तो वो प्रिविलेजेस है, इनके विशेष अधिकार दिए गए कि भाई लोकसभा कुछ भी कर सकती है, अंदर की बात है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनके प्रिविलेजेस है, वो आर्टिकल 105 में डिफाइंड है। ठीक है, ये प्रिविलेज विशेष अधिकार के बारे में बात करता है, एक प्रकार से आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना जाता है। एक क्वेश्चन मैंने कल आपके क्लास में कराया था रात को 9 बजे कि आर्टिकल 14 का अपवाद क्या है, तो आर्टिकल 105 भी आर्टिकल 14 का अपवाद में ही काउंट होता है, बिकॉज स्पेशल पावर देता है। ठीक है, मैंने कल आपको 3 आर्टिकल बताए थे, आपको याद होंगे 3 आर्टिकल, तो उसमें 105 भी एक आर्टिकल था जो स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। सर पीडीएफ के बारे में बताना प्लीज, भाई पीओके के बारे में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्लास किस टाइम बजे तक चलेगी पता नहीं है, रियली डोंट नो कब तक चलेगी, चलती रहेगी, आप शेयर करते रहे। धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया, स्पेशल प्रोसीजर, द प्रोसीजर ऑफ मनी बिल, मनी बिल के बारे में प्रोसीजर जो दिया गया 109 में दिया गया कि कैसे मनी बिल आएगा, 110 में मनी बिल को डिफाइन किया गया। ये मनी बिल धन विधेयक की परिभाषा जो है ये आपको 110 में मिलेगी कि धन विधेयक किसे कहेंगे जिसमें कोई टैक्स लगाया जा रहा है, टैक्स रिड्यूस किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, उसे आप धन विधेयक कहते हैं। कोई टैक्स लगा, कोई टैक्स हटा, कोई रेट ऑफ टैक्सेस को कम किया, ऊपर नीचे किया, तो उसे आप बोलते हैं धन विधेयक। और धन विधेयक कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय करने की जो पावर होती है, हु विल डिसाइड कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी जो पावर होती है वो सीधी सी बात है, आप सबको पता है कि लोकसभा स्पीकर के पास होती है, क्लियर है, और लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है धन विधेयक के संबंध में। राज्यसभा ऐसे ओनली 14 डेज तक होल्ड कर सकती है, इसके बाद भी इसकी बात मानी जाए ना मानी जाए। चलो आर्टिकल 112 है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आप बजट समझते हो ना, बजट जो बजट वर्ड है वो 112 के बारे में, इसी को आप बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, इसमें पूरा एक साल का वित्तीय लेखा जोखा होता है। हमारे कंट्री का जो फाइनेंशियल ईयर है, एक आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर कब से, 31 मार्च से 1 अप्रैल है, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो ये जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च, उल्टा बोल दिया मैंने, 1 अप्रैल से 31 मार्च ये जो है हमारी फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर का जो भी लेखा जोखा होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी उसमें खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर्स एंड जो भी रिसिप्ट है, उसका जो भी बैलेंसेस या लेखा जोखा होते हैं पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के प्रोजेक्शंस, और लास्ट से उन्हें कंपेयर करके, वो होता है आपका बजट कहते हैं उसको। ठीक है, 112 में बजट है, बजट को हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं, ये बजट का बना दे प्रोविजन है। विनियोग विधेयक 114 में क्या होता है, अप्रोप्रिएशन बिल, जब भी बजट से आपको पैसा विड्रॉ करना होता है तो विनियोग विधेयक पारित होता है। जब भी आप पैसा निकालते हैं फंड से, भारत सरकार के से, तो उस पर पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, उसके बारे में सब प्रोविजन है। क्लियर, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, समझते जाए। 123 क्या है, ये 123 जो है आपको पता है ऑर्डिनेंस की पावर है, ऑर्डिनेंस की पावर कि भारत में जो राष्ट्रपति है ना उसको ऑर्डिनेंस की पावर दे रखी है। ऑर्डिनेंस की पावर का मतलब है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस, कि आपको पता है हमारे कंट्री में जो लॉज बनते हैं वो लोकसभा राज्यसभा मिलकर बनाती है। ठीक है, हमारे देश में लॉज ऐसी बनते हैं पार्लियामेंट बनाता है, राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं। लेकिन सपोज करो कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि लोकसभा सस्पेंड हो गई, लोकसभा स्थायी सदन तो नहीं है या लोकसभा की बैठक नहीं चल रही है, उस सिचुएशन में अगर कभी लॉ फ्रेम होंगे, जब दोनों हाउस में से कोई एक हाउस नहीं चल रहा है, तब जो लॉ बनाने की जो पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास दी गई है, और ये पावर पहले गवर्नर के पास हुआ करती थी, गवर्नर जनरल के पास हुआ करती थी, वायसराय के पास थी, तो वो जो पावर है कि राष्ट्रपति अध्यादेश पारित करता है, उसमें आर्टिकल 123 में अध्यादेश की पावर दी गई है राष्ट्रपति को, बस समझ में आ गई, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं आर्टिकल 123 के अंदर, इसे कहते हैं प्रोमुलेट करने की पावर है राष्ट्रपति के पास, कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, बात समझ में आ गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आर्टिकल 124 को देखेंगे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 170-124 जो है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में बात करता है, कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में, कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी स्थापना हमारे कंट्री में
हो सकती है उसके बारे में प्रोविजन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आर्टिकल 124 में, सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस वगैरह वगैरह 124 में सुप्रीम कोर्ट के बाद यहां से क्या स्टार्ट हो गया, जुडिशरी। तो आप समझ लें, जैसे मैंने आपको बताया था अभी आपका खत्म हो गया विधायिका, और अभी 124 से क्या स्टार्ट हो गया, आपकी जुडिशरी स्टार्ट होगी 124 से, और 147 तक आपकी जुडिशरी चलेगी। ठीक है, ये आपकी पूरी न्यायपालिका के आर्टिकल होंगे। अब आप समझेंगे आर्टिकल कौन से होंगे, बड़े ध्यान से मेरी बातों को समझें। आर्टिकल 125 न्यायाधीशों का वेतन, जो जजेस होते हैं इंडिया में उनके वेतन के बारे में बातचीत करता है कि जो जजेस हैं उनका वेतन जो है कितना मिलेगा, उनके वेतन के बारे में प्रोविजन करता है। आप सबको पता है कि इंडिया में जो वेतन है 5 लाख रुपए वेतन हमारे राष्ट्रपति का है, आप सबके सबको पता होगा। पावर के साथ बोले सर जी, पावर के साथ बोले, अच्छा मेरे भाई पावर के साथ बोलते, विद द पावर बोलते। ठीक है, तो चलो हमने क्या बोला आपसे, आपसे बोला कि भाई न्यायाधीशों का वेतन, कि जजेस का जो वेतन है ना उसके बारे में इसमें प्रोविजन है, उसके बारे में इसमें प्रोविजन है कि जजेस को जो वेतन मिलेगा उसके बारे में प्रोविजन करता है। देखो वेतन को लेकर मैं आपको चीज बता दूं, प्रेसिडेंट का वेतन 5 लाख रुपए, ठीक है, उपराष्ट्रपति का, वीपी का वेतन 4 लाख रुपए है, और जो हमारे जो है आपको पता है जो हमारे जो गवर्नर वगैरह उनका वेतन जो है 3.5 लाख रुपए है, तो उसी को लेकर सब प्रोविजन किया गया है। वही सारे प्रोविजन जो है, जैसे कि जजेस होते हैं 3 लाख रुपए उसका वेतन है, उसके बारे में प्रोविजन कर रखा है कि जजेस का वेतन बता रखा है। 125 में उनकी सैलरी के प्रोविजन है, 126 में कार्यवाहक अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस। अब एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होता है बेसिकली, इसका मतलब है एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब होता है कि हमारे कंट्री में जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट में एबसेंट है या फिर अपना सीजे अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं तो एक्टिंग जज बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर है कि वो एक्टिंग जज को अपॉइंटमेंट कर देते हैं। हेलो सर, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई। 127 में तदर्थ है अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जज। एडॉक जजेस कब बनते हैं, जब हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोरम इनकम्प्लीट है, ठीक है, कोरम इनकम्प्लीट का मतलब जजेस की संख्या कम है, तब एडॉक जज बनते हैं। और एडॉक जज का अपॉइंटमेंट जो है ये बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये एडॉक जज बनाते हैं किसी को, जैसे कि कोई हाई कोर्ट का जज है तो सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा, जब जजेस की संख्या कम पड़ जाती है तब एडॉक जज का प्रोविजन है। यहाँ पर एमपी एंड एमएलए का है तो पेंशन कैसे मिलेगा, अरे चलो तुम इनको समझो पहले, बात समझ में आ गई। 127 128, उच्चतम न्यायालय में बैठने के सिवा न्यायाधीश का वितरण, इसका मतलब क्या, रिटायर्ड जज, कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई जज रिटायर कर गया तो रिटायर्ड जज से भी सेवाएं ली जा सकती हैं, ये प्रोविजन है। तो रिटायर्ड जज के बारे में यहां पर प्रोविजन किया गया कि रिटायर्ड जज जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट में कैसे काम कर सकता है, उसके बारे में 128 में प्रोविजन है। इसके अलावा 129 आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड। आर्टिकल 129 बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड होगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन होंगे वो इंडिया के जितने भी कोर्ट है, वो हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, सबके लिए बाइंडिंग होंगे। मतलब सभी के सभी जो कोर्ट है सभी के लिए एप्लीकेबल होंगे, सभी कोर्ट उसको फॉलो करेंगे, ये प्रोविजन यहां पर बताया गया। ठीक है, पहले आप कमेंट पूरा पढ़ा करें। एमपी एंड एमएलए स्लीपिंग रोमी क्या पूछ रहे हो भैया आप। हेलो सर, सुन लिया मैं, सुन नहीं मैं, कमेंट कम देख रहा हूँ, थोड़ा समय बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि अभी हम यहीं तक पहुंच पाए और हमें बहुत सारे आर्टिकल्स देख लें, तो प्लीज हमारे पास समय थोड़ा कम है। आर्टिकल 129 क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड होगा। और कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी मामले वो सारे जगह कंसिडरेबल होंगे। दूसरी चीज, कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड में एक बात और है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगर हम कुछ बोलते हैं कुछ कहते हैं तो न्यायिक अवमानना का जो प्रोसीजर है वो भी इसी के अंदर है। न्यायालय की सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो सीट है वो कहां पर है, वो है दिल्ली में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये पावर है कि वो अपनी सीट कहीं पर भी बना सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, ये आपको क्लियरली यहां पर बताया गया। एमपी एंड एमएलए रहा है तो पेंशन किसे मिलेगी, एमपी एंड एमएलए रहा है, सुरेश गंगवार पूछ रहे हैं कि पेंशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहे हो क्या आप, कि अगर कोई एमपी और एमएलए रहा है राष्ट्रपति की पेंशन मिलती है उसको, अगर कोई एमपी एंड एमएलए एक ही आदमी रहा है तो उसे पेंशन किसकी मिलेगी। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है कि अगर कोई एमपी एंड एमएलए एक ही आदमी रहा है तो उसके जो भत्ते वो दोनों के मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको एक का मिलेगा, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो हमारी भी तो सुनो, पहले आपकी आपकी दाके हो स्लीपिंग, बता मेरे भाई क्या पूछना चाह रहा है, बोल मेरे भाई, चलो तुम्हारी सुनता हूं। सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए विशेष पत्ते, इसका मतलब क्या है, स्पेशल लीव फॉर एन अपील फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में स्पेशल लीव पिटीशन आपने सुना होगा
स्पेशल लीव पिटीशन क्या होती है उसके बारे में प्रोविजन किया गया है, उसके बारे में बताता है। जैसे किसी आदमी को अरेस्ट कर लिया तो स्पेशल लीव पिटीशन के दायर लोग कर देते हैं, उसके बारे में प्रोविजन करता है। ये हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में। बताओ आप क्या बोल रहे हो, आप बताओ क्या बोल रहे हो स्लीपिंग, आप बताओ क्या बोल रहे हो। थोड़ा सा इधर साइड में है वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे कमेंट, ठीक है बताओ आप क्या बोल रहे हो, बोलो बोले भाई बोले। हाँ बोलो बोलो, अब बोल ही नहीं रहे। वन थर्टी थर्टी क्या है सर एमपी, राधे राधे। क्लास कितने बजे लग रही है डेली? अच्छा क्लास डेली नहीं, डेली क्लास की टाइमिंग है 9 बजे है, 9 PM, और एक क्लास चलेगी 11 बजे मॉर्निंग में जो पॉलिटी की फ्री क्लास होगी 11 AM, आप उसको क्लास को देख सकते हो 11 बजे मॉर्निंग में, ठीक है साथियों। चलो मैं भी देख लूँ, तो आप में से कितने साथी देख रहे हैं क्लास को, कितने लोगों ने लाइक कर दिया है, कितने लोगों ने शेयर किया है क्लास को, ठीक है कितने आप में से क्लास में आ चुके हैं। ठीक है चलो बहुत बढ़िया सुपर सॉलिड, ठीक है सर प्लीज कैरी ऑन आर्टिकल्स, राधे राधे बहुत बढ़िया। थैंक यू साथियों, थैंक यू प्लीज लाइक 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 एंड लाइक, ठीक है। 136 सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए विशेष विशेष अधिकार, देखो समझ में आ गया, अब समझ आ गया। 137 क्या बोलता है, द रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑफ ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एक पावर है कि अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई बार अपने ऑर्डर को रिव्यू किया है, आपको कई बार पता होगा, आप सबके सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि अपने दिए गए ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, आप जरा समझने की कोशिश करना मेरे साथ। आपको पता है कि 1951 में ये जो केस आया था फंडामेंटल राइट को लेकर, शंकरी प्रसाद का मामला आप लोगों ने सुना होगा, 1965 में सज्जन सिंह का मामला आप लोगों ने सुना होगा, 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि फंडामेंटल जो राइट है, फंडामेंटल राइट में पार्लियामेंट जो है ये कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता। आपको पता है कि पार्लियामेंट की अमेंडमेंट की पावर बना कर दिया था कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट में, आपको क्लियरली पता है। और इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केसवा नंदा वारती केस में ये बोल दिया कि फंडामेंटल राइट में पार्लियामेंट जो है ये अमेंडमेंट कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट को रिव्यू कर दिया और चेंज कर दिया। तो गोलकनाथ के केस के मामले को 1973 में केशवानंदा भारती में सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया। इवन 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फंडामेंटल राइट के मामले में पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकता है। ये जो केस था ये आप सबको पता है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। 1965 में सज्जन सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट में कर सकता है, लेकिन 1973 में पार्लियामेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को बदल दिया। क्लियर है ना पॉइंट। आपको एक जानकारी और दे दूं मैं, आपने वो भी पढ़ा होगा बेसिकली, आप प्रेममल के संबंध में आप पढ़ते होंगे, बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि उसका जजमेंट के पार्ट नहीं है, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया 1973 में कि पार्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को अपने ऑर्डर्स को रिव्यू करने की जो पावर है वो आर्टिकल 137 में दी गई है। बहुत बढ़िया सर, आप बहुत ऑनेस्ट टीचर है, हम गरीब स्टूडेंट के लिए बहुत कम फी में पढ़ा रहे हैं। थैंक यू मेरे प्यारे भाई नीलेश कुमार, धन्यवाद दिल से। सर सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल विस्तार से समझा दो सर, दोस्त विस्तार से बता रहा हूँ सारे आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूँ। इस क्लास को 3 घंटा 22 मिनट हो चुकी है, 1 बजे से चलिए 3:22 हो रही है, 2 घंटा 22 मिनट समथिंग हो चुकी है, अभी काफी आर्टिकल हमें कवर करने हैं। मैं एक लक्ष्मीकांत की या किसी भी किताब की एक नाइट मैराथन लूंगा पूरी, उसमें सब आप समझ लेना, मैंने बहुत डिटेल में चीजें लेकिन फिर भी आज आपको बता दी है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू करने की पावर है, क्लियर। आगे चले 141 क्या कहता है, सभी न्यायालयों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निर्णय, ठीक है निर्णय मतलब डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया है, इसका मतलब दो प्रकार से हो गया,
कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिया है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंडिया के अंदर जितने भी हमारे कोर्ट है, चाहे वो स्टेट में हो चाहे लोअर जुडिशरी हो, बेसिकली हमारी जो जुडिशरी है आपको पता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड का मतलब हो गया कि हमारी जुडिशरी ऐसे करके बनी हुई है, इंटीग्रेटेड है ऐसे करके। तो हमारी जुडिशरी में जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देगा, क्योंकि सुप्रीम है वो यहां पर बैठा हुआ है, इसके डिसीजन जो है इस सभी कोर्ट के लिए बाध्य होंगे। बात समझ में आ गई? तो ये सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 141। क्लियर है, समझ लिया? अब हम आर्टिकल 148 के बारे में बातचीत करते हैं। 147 में सुप्रीम कोर्ट आपका खत्म हो जाता है। 148 जो आर्टिकल है सीएजी के बारे में, सीएजी का मतलब क्या होता है? कंप्टोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको आप बोलते हैं सीएजी। अब आप मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, सीएजी बेसिकली क्या है? इंडिया में जितने भी हमारे कंट्री में जितने भी हमारे फाइनेंसेस होते हैं, आपको पता है भारत के पास तीन खाते हैं। अब जो तीनों खाते हमारे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने एक्सपेंडिचर्स है और जितनी रिसीप्ट है, भारत सरकार ने जो पैसा हम लोग देते हैं टैक्स देते हैं, ठीक है, भारत सरकार किसी पे ब्याज लेती है, भारत सरकार के पास अर्निंग्स आती है, तो टोटल रिसीप्ट होती है हमारी और टोटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं हमारे। अब एक्सपेंडिचर्स जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है या जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अर्निंग है, फॉर एग्जाम्पल ONGC ने कमाया, गेल इंडिया ने कमाया, भेल इंडिया ने कमाया, ठीक है, सेल इंडिया ने कमाया, किसने भी पैसा कमाया, तो जो उनकी अर्निंग है और जो एक्सपेंडिचर्स हम कर रहे हैं, इसका जो ऑडिट 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 मेरी बात समझ रहे? पहले इसके पास दोनों काम थे सीएजी के पास, ही वॉज होल्डिंग अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दोनों। पहले ये ऑडिटिंग भी करता था, अकाउंटिंग भी करता था, लेकिन अभी इसके पास एक ही काम है, ऑडिट करना। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में पैसा खर्च करते हैं तो उसका जो ऑडिट होता है, आपके पापा ने आपको पैसे दिए और आपके पापा ने आपसे कहा कि ले पकड़ 500 रुपए, अभी इन 500 रुपए को तू खर्च कर ले, ठीक है, अभी 500 को खर्च कर ले, तो तूने 500 कहां कहां पर खर्च किए, इसको बाद में चेक करेंगे, ऑडिट करते हैं पापा। तो ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका ऑडिट करने की पावर है सीएजी के पास। क्लियर है? पहले अकाउंटिंग भी करते थे, फॉर एग्जाम्पल जैसे पापा आपके लिखे कि तू 10 रुपए ले गया, तू 10 यहां खर्च किए, 20 यहां खर्च किए, अब ऐसा नहीं होता, ये अकाउंटिंग नहीं करता, ये 1976 के बाद ऑडिट करता है, ठीक है। तो ये सीएजी है, सीएजी की कर्तव्य और शक्तियां। अब सीएजी के पास जो जो पावर्स है सीएजी की, वो यहां पर बताई गई है। पावर्स क्या क्या सीएजी के पास, कि सीएजी के पास ये पावर होती है, वो किसी का भी ऑडिट कर सकता है, ठीक है, आपको पता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का ऑडिट कर सकता है, इसके बहुत सारी पावर्स इसको दी गई है। कर्तव्य क्या होते हैं, कि सीएजी अपने ऑडिट करने के बाद अपनी रिपोर्ट जो है कि भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीएजी की जो रिपोर्ट होती है इसको पार्लियामेंट के फ्लोर पर रखवाते हैं, मतलब प्लेस करते हैं पार्लियामेंट में, फ्लोर पर नहीं रखवाते। तो पार्लियामेंट जो रिपोर्ट जो होती है पार्लियामेंट में जाने के बाद, फिर इसकी रिपोर्ट की लोकलेखा समिति जांच करती है, पीएसी बोलते हैं, और पीएसी इसकी रिपोर्ट की जांच करती है, उसको ये कोऑर्डिनेट करता है, उसके बाद बताते हैं कि भैया कोल ब्लॉक आवंटन में घोटाला हो गया सीएजी, ठीक है, हाँ गिरीश चंद्र मुर्मू बिल्कुल ठीक, ठीक है, ऑडिट, ये क्लियर, बहुत समझ गए, ये होता है सीएजी। अब चलो, तो सीएजी के बारे में आपने जानकारी कर ली, ये सीएजी ऑफ इंडिया हो गया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? कोई डाउट नहीं है। अभी आपके पास आर्टिकल आता है 151, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी देखो हमने आधे आर्टिकल कवर किए। 151 क्या कहता है, राज्यों के राज्यपाल। देखो ये बोलता है कि गवर्नर, 153 सॉरी, गवर्नर ऑफ द स्टेट, राज्यों में राज्यपाल होंगे। अब राज्यपाल में राज्यपाल होंगे उसके बारे में प्रोविजन ये करता है। अब ये ही बताता है कि राज्यपाल एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, ये हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, उसके बारे में प्रोविजन ये करता है। 153 आपको बताता है राज्यपाल की कार्य और शक्तियां। तो राज्यपाल की जो कार्य होते हैं 154 में, इनको बताया गया है, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर, कार्यकारी शक्तियां, कार्य नहीं है, कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर। तो गवर्नर के पास जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है बिल्कुल वैसी होती है जो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्य की सभी कार्यपालिका शक्तियां, नॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्य की सभी कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। जो भी एग्जीक्यूटिव की पावर होती है स्टेट की, वो सारी की सारी पावर जो होती है ये इसके अंदर वेस्टेड होती है, गवर्नर के अंदर वेस्टेड होती है। और हाँ, गवर्नर इन पावर्स का यूज विद द हेल्प ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करता है। अब विद द हेल्प ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, तो जो राज्य का मंत्री परिषद है उसकी सहायता से, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प से एग्जीक्यूटिव पावर्स की फंक्शनिंग को रन करते हैं, उसी प्रकार से राज्यपाल के पास हो सकती है कि राज्यपाल जो है
राज्य के मंत्री परिषद की सहायता से अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करेगा। बीपीएससी मेंस का क्लास कब नहीं हुआ था सर? हाँ कल नहीं हुआ था भाई, आज होगा। तो सर आपका पॉलिटी में एक प्रश्न गलत नहीं होगा, मेरी जिंदगी बना दी आपने, धन्यवाद सर, और थैंक यू मेरे प्यारे दोस्त, थैंक यू एंड लव यू यार, प्लीज थैंक यू। चलिए आर्टिकल 161 देखेंगे, राज्यपाल की शक्तियां क्षमा करना, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ मतलब गवर्नर ऑफ स्टेट, पार्डनिंग पावर जैसे आर्टिकल 72 आपने पढ़ा, तो आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर है, ऐसे यहां पर गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर है। फॉर एग्जाम्पल पानी पी लो एक ग्लास, फॉर एग्जाम्पल समझो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है, अभी कैसे, लेकिन राष्ट्रपति क्षमादान जो देगा वो किसको दे सकता है, सॉरी राज्यपाल, राज्यपाल जो क्षमादान देगा वो कभी मिलिट्री के जो भी हमारे ट्रिब्यूनल होते हैं उनको नहीं दे पाएगा। राज्यपाल कभी किसी की मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकता, मृत्यु दंड का मतलब है कैपिटल पनिशमेंट, किसी की उम्र कैद को कम कर सकता है लेकिन किसी की मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकता, उसको पार्डन नहीं कर सकता। ये राष्ट्रपति राज्यपाल के पास पावर नहीं है, राष्ट्रपति के पास पावर है। किसी आर्मी के न्यायालय की सजा को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता, ये भी पावर राष्ट्रपति के पास है। तो आर्टिकल 161 में राज्यपाल की पार्डनिंग पावर का यहां पर डिस्कशन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप याद रखेंगे कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां आर्टिकल 161 में मेंशन है। आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 165, देखो आर्टिकल 165 क्या कहता है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, इसका मतलब क्या हुआ, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। दो आर्टिकल थे 163 164 जो बेसिकली बात कर रहे थे राज्य की उसके बारे में, कि राज्य जो है 163 164 में आपको बता देता हूं, 163 और 164 ये दो जो आर्टिकल हैं ये मंत्री परिषद के बारे में बात करते हैं, कि जो सीएम होता है ना, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो राष्ट्रपति राज्यपाल की सहायता करेगा, 163 में लिखा गया है, और 164 में साफ तौर पर मेंशन है कि राज्यपाल जो है ये राज्य के मंत्री परिषद की नियुक्ति करेंगे, मतलब मंत्री मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका भी अपॉइंटमेंट राज्यपाल ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां समझा देता हूं जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए थोड़ी सी चीज, देखो यहां पर समझिए 163 में देखेंगे आप, 164 में देखेंगे आप, 165 में देखेंगे आप, 166 में देखेंगे आप, 167 में देखेंगे, 163 में बोलता है कि जो सीएम है ना, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये जो सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये गवर्नर की हेल्प करेंगे, ठीक है, क्लियर है, सहायता के लिए एग्जीक्यूटिव के लिए होगा। अब इसमें बोलता है कि जो गवर्नर है ना हमारे, जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं गवर्नर, वो सीएम का अपॉइंटमेंट करेंगे, ध्यान से सुन ले, सीएम की नियुक्ति होती है और सीएम की नियुक्ति कौन करेंगे, ये राज्यपाल करेंगे, सीएम कभी भी इलेक्टेड पोस्ट नहीं है, सीएम की नियुक्ति की जाती है और सीएम की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ द चीफ मिनिस्टर, इसकी हेल्प से जो काउंसिल के मिनिस्टर्स हैं या जो मिनिस्टर्स हैं उस मिनिस्टर्स की भी अपॉइंटमेंट होगी और इनकी भी अपॉइंटमेंट करने की जो पावर होगी वो कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे, ये क्लियर। अब 165 में आता है एडवोकेट जनरल, अब एडवोकेट जनरल क्या होता है सुने ध्यान से, एडवोकेट जनरल क्या है, एडवोकेट जनरल उसी प्रकार से है जिस प्रकार से मैंने आपको अटॉर्नी जनरल बताया था एजी, तो एजी जो होता है यूनियन में होता है, सेंटर के पास जो होता है एजी होता है और स्टेट के पास जो होता है एडवोकेट जनरल होता है, राज्य का महाधिवक्ता, तो राज्य गवर्नमेंट स्टेट जो गवर्नमेंट होती है उसका एडवोकेट जनरल होता है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका होता है अटॉर्नी जनरल। तो जैसे अटॉर्नी जनरल यूनियन में है ऐसे ही राज्यों में, ठीक है, वो क्या होता है कुछ मामले मंत्रिपरिषद की सलाह से बिना कार्य करना, हाँ वो भी कर सकता है, बाकी सिर्फ नहीं ऐसा नहीं, हम बस आर्टिकल्स कवर कर रहे हैं, थ्योरी कवर नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज आर्टिकल्स पर ध्यान दें, थ्योरी पर ध्यान ना दें, ठीक है, आर्टिकल्स आपको रिवाइज कराए जा रहे हैं, पढ़ाया है नहीं जा रहा है। तो अटॉर्नी जनरल जो है ये सेंटर का होता है। अब आर्टिकल 166 के ये दो आर्टिकल उसमें दे नहीं रखें तो ध्यान से समझें, क्योंकि वो बेसिकली आर्टिकल्स जो आप देख रहे हो पढ़ रहे हो ना, जो लिखी हुई है पीडीएफ, वो बेसिक है, बेसिकली इतनी आर्टिकल आप लोगों को कवर कराए जाते हैं। 166 जो आर्टिकल है कि बिजनेस ऑफ द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, राज्य सरकार के जो कार्य हैं उनके बारे में बताता है, तो साफ तौर पे कहता है कि जो राज्य सरकार है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी कार्य होंगे वो सारे के सारे गवर्नर के नाम से होंगे, आप मेरी बात समझ रहे हो,
गवर्नर के नाम से होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी कार्य होंगे वो सारे के सारे गवर्नर के नाम से होंगे और ये सीएम की ड्यूटी होगी। तो कभी आपसे अगर पूछा जाए ड्यूटी ऑफ द सीएम, कि सीएम की ड्यूटी क्या है, कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है, तो मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो सभी कार्यों की सूचना राज्यपाल को देगा। तो मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य है वो आर्टिकल 167 में डिफाइन है। अब आपका मतलब क्या हुआ कि अगर आप सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर में आपने देखा 76 और 77, वहां 77 था प्रधानमंत्री की ड्यूटीज के बारे में, और यहां आपके सामने ये वाला आर्टिकल है जो आपको 77 और 78 था, वहां 78 था और यहां आपके सामने 167 है जो मुख्यमंत्री कर्तव्य के बारे में आपको बताता है कि चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज क्या होंगी। क्लियर है 167। तो अब आपने 165 देख लिया, 165 आपका क्लियर हो गया कि भाई राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, राज्य का महाअधिवक्ता, ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, राज्य का महाअधिवक्ता, इसके बारे में क्लियर हो गया। इसके पास वही पावर होती है जो अटॉर्नी जनरल के पास होती है। अनुच्छेद 213 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 213 किसके बारे में बातचीत करता है कि जो भी गवर्नर होता है, तो जिस प्रकार से आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकता है, उसी प्रकार से यहां पर राज्यपाल के पास पावर होती है कि राज्यपाल ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं, यहां पर राज्यपाल के पास पावर है कि राज्यपाल ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकते हैं। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो आर्टिकल के अंदर है। अनुच्छेद 106 में राज्य की सरकार तो कार्य संचालन राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, आपके सभी वीडियोस मैंने देखे हैं, अब ही पॉलिटी मेरी समझ में आने लगी है। अभय पटेल बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है, लाइक करते जाओ बस। तो ये राज्यपाल के पास पावर है कि राज्यपाल जो है ये ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब देखो मोटी सी बात समझना मेरी, मोटी सी बात कैसे समझोगे आप, गए गुरुदेव, मोटी सी बात आप कैसे समझाएंगे। देखो मोटी सी बात समझना, अगर हम राज्यों की बात करें, अगर हम राज्यों की बात करें, आपने देखा यहां पर 214, ठीक है, अगर आप मोटी सी बात समझना मेरी, मोटी सी बात, अगर मैं राज्यों की बात करूंगा, अब मैं स्टेट की बात करूंगा, स्टेट, ठीक है, देखो स्टेट, तो आपने पहले यूनियन की बात समझी, यूनियन, पूरे आर्टिकल अगर मैं आपको समझाना चाहूं, पूरे भारत के संविधान के आर्टिकल अगर आप देखना चाहते हैं, एक नजर में आप देखो, इस बोर्ड पे गौर करो, इस बोर्ड को देखते रहो, देखो 1 से लेकर 4 आपने देखा, 5 से लेकर 11 आपने देखा, 12 से लेकर 35 आपने देखा, 36 से लेकर 51 आपने देखा, ये हमारे ऐसे ऐसे हो गए, ये आपको पता है डीपीएसपी के आर्टिकल हो गए, ये हमारे फंडामेंटल राइट के आर्टिकल हो गए, ये हमारे सिटीजनशिप के आर्टिकल हो गए, ठीक है, क्लियर, और ये हमारे यूनियन मतलब पार्ट वन के आर्टिकल हो गए, ठीक है, क्लियर है। चलो अब इसके बाद जो पूरे आर्टिकल आपने देखे, इसके बाद जो सेक्शन डिवीजन होता है, ये 2 सेक्शन डिवीजन होता है, एक तो सेक्शन डिवीजन होता है यूनियन का, यूनियन संघ का, तो अब इसके बाद यूनियन का पार्ट 5 है और एक होता है स्टेट का, स्टेट का मतलब है स्टेट का जो पार्ट है ये आपके सामने पार्ट 6 है। देखो ध्यान से समझो, 52 के बाद ये 52 से लेकर 151 तक ये पूरे आर्टिकल यूनियन के थे, 52 से लेकर पूरे के पूरे 151 तक जो आर्टिकल्स थे यूनियन के थे, और इन यूनियंस के आर्टिकल का डिवीजन ऐसे था कि 52 से लेकर आपके आर्टिकल पूरे 63 तक आपने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा, अभी आपने देखा प्रेसिडेंट के बारे में हमने पढ़ा, तो प्रेसिडेंट के पूरे आर्टिकल्स आपने देखे, क्लियर है। इसके बाद 63-64 से लेकर हमने आप 72-73 तक जो है, आप कह सकते हैं 71 तक जो है, ये पीरियड वीपी के बारे में आपने पढ़ा, 72 में क्षमादान की शक्ति आपने पढ़ी, ठीक है, इसको आप यहीं पे मेंशन कर लेंगे, क्लियर है, आपको पता है 72-73। इसके बाद आपने 74 में 75 में आपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ पीएम वगैरह के बारे में पढ़ा, और 76 में आपने एजी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा, तो ये एग्जीक्यूटिव के आर्टिकल्स थे, और ये 77 और 78 में आपने बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, भारत सरकार के कार्य आपने पढ़े, भारत सरकार के कार्य, तो ये आपके सामने डिवीजन हो गया कार्यपालिका का, कि आपने संघ की कार्यपालिका पढ़ी यहां तक, अगर आपने संघ की कार्यपालिका यहां तक पढ़ ली है, अब हमने संघ की विधायिका के बारे में देखा था कि संघ का जो लेजिस्लेचर है उसके आर्टिकल कितने कितने, संघ की विधायिका के बारे में अगर आप आर्टिकल्स देखते हो तो सीधी सी बात है, आप सबको पता है कि 78 तक पढ़ा दिया, 79 से जो आर्टिकल्स चलते हैं, 79 से 123 तक के जितने आर्टिकल हैं, ये संघ की विधायिका के बारे में बातचीत करते हैं,
और संघ की अगर आप न्यायपालिका पढ़ेंगे, संघ की न्यायपालिका पढ़ेंगे, जुडिशरी के बारे में आप देखेंगे, तो संघ की न्यायपालिका के जो आर्टिकल है 124 से लेकर 147 तक संघ की जुडिशरी के आर्टिकल है। इसके बाद 148 से जो आर्टिकल स्टार्ट होते हैं, 148 से लेकर आपके जो आर्टिकल है 151 तक, ये सारे आर्टिकल जो है आपके सीएजी के बारे में, ये पूरे आर्टिकल सीएजी के बारे में बर्डन करते हैं एक प्रकार से। आप चले गए, क्लियर है। अब स्टेट का पार्ट स्टार्ट होता है पार्ट सिक्स से, यहां से आपका स्टेट का पार्ट स्टार्ट होगा पार्ट सिक्स से। और अगर आप पार्ट सिक्स को मोर एंड लेस देखेंगे तो पार्ट सिक्स में कुछ भी नहीं है, पार्ट सिक्स को उसी प्रकार से हम डिवीजन करेंगे जिस प्रकार से आपने पार्ट पांच किए। तो पार्ट सिक्स में भी आप एग्जीक्यूटिव का पार्ट बांट दे, एग्जीक्यूटिव मतलब स्टेट का एग्जीक्यूटिव, स्टेट का इसका भी आप पार्ट बांट दें, और इसका स्टेट की भी आप जुडिशरी का पार्ट बांट दें, जुडिशरी का पार्ट बांट दें, तो आपके पास उसी प्रकार से सेम प्रकार से आप सारी चीजों को बांट सकते हैं। अब स्टेट का जो पार्ट छह है ये कौन से आर्टिकल से स्टार्ट होगा, तो 152 से स्टार्ट होगा, आर्टिकल 152 से 233 तक के पूरे पूरे आर्टिकल इसमें मोर एंड लेस 237 तक हुए, ठीक है। अब 52 से 237 तक के आर्टिकल मोर एंड लेस पूरे पूरे इसके अंदर पार्ट है 152 से, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये आपके पास एग्जीक्यूटिव के आर्टिकल पूरे पूरे आपने देखे 153 से लेकर, हमने पूरा पूरा एग्जीक्यूटिव पढ़ते हैं पूरा का पूरा 153 से लेकर, आप जानते हैं कि पूरा का पूरा जो आर्टिकल है 153 से लेकर कहां तक के आर्टिकल है, 153 से लेकर आप देखेंगे कहां देखा आपने, 153 से लेकर जो है कहां चला गया, हाँ बहुत बढ़िया, 153 से लेकर पूरे के पूरे आर्टिकल आपके 165 हो गया, 167 तक हो गए ये पूरे आर्टिकल हो गए, ये पूरे आर्टिकल कार्यपालिका के होंगे क्योंकि इसमें 153 से सारी चीजें स्टार्ट है जो मैंने आपको बताया। 153 हो गया, ये आपका राज्यपाल वगैरह हो गया, 164 हो गया, 163 हो गया, 162 तक कर लीजिए आप, 163 हो गया, क्लियर। इसको ऑफ कर देता हूं फोन को, 163 से लेकर आपके आर्टिकल 163 164 जो है आपका सीएम हो गया पूरा, और 165 आर्टिकल में आपका एडवोकेट जनरल हो गया, क्लियर है, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता, तो ये 65 हो गया। और इसी में दो पार्ट और हैं इसके 166 167 ये कार्य हो गए राज्य सरकार के, क्लियर है, ये राज्य सरकार का पूरा कार्यपालिका हो गया। राज्य सरकार की विधायिका के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो इसकी स्टार्टिंग हो जाती है 168 से, और अनुच्छेद 213 तक पूरी विधायिका चलती है। और जुडिशरी की बात करूं न्यायपालिका की तो 214 से स्टार्ट है और 233 तक आपके हाईकोर्ट चलते हैं, 32 तक आपके हाईकोर्ट चलते हैं, और 233 से लेकर 237 तक आपके पूरे के पूरे लोअर कोर्ट चलते हैं। इस प्रकार से पूरे के पूरे प्रोविजन है, ठीक है, 200 में बहुत बढ़िया, 153 से 167 तक, ठीक है, क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। ऐसे करके आप राज्य को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम जिस प्रोविजन में चल रहे हैं हम यहां तक पहुंच गए, 213 तक लागू करना, राज्यों की उच्च न्यायालय की स्थापना 214 में है। तो उच्च न्यायालय आप यहां से देखेंगे तो उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड हाई कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड, हाई कोर्ट जो होते हैं ये भी कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड होते हैं। मतलब क्या हुआ कि हाई कोर्ट के जो भी डिसीजंस होंगे, हाई कोर्ट के डिसीजंस जो भी होते हैं वो सबके लिए बाध्यकारी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं होंगे, लेकिन जो भी हाई कोर्ट के अंदर जो कोर्ट होते हैं वो लोअर कोर्ट होते हैं, तो लोअर कोर्ट के लिए हाई कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं ये हमेशा बाध्यकारी होते हैं। आपकी समझ में बात आ गई कि हमेशा बाध्यकारी होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे 226, तो जिस प्रकार से आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि 5 रिट जारी कर सकता है, उसी प्रकार से आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट जारी कर सकता है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं आर्टिकल 200 क्या है, 200 क्या है, ठीक है, आप कुछ पूछ रहे हैं आर्टिकल 201 क्या है, तो 200 में एक्चुअली क्या होता है, जिस प्रकार से अनुच्छेद 111 है ना, 111 में कोई भी बात राष्ट्रपति के पास जाती है और राष्ट्रपति विधेयक पर साइन कर दे, हाँ कर दे, ना कर दे, वापस भेज दे, उसी प्रकार से आर्टिकल 200 में कोई विधेयक राज्यपाल के पास साइन होने के लिए जाता है, राज्यपाल उस पर हाँ कर दे, ना कर दे, या राज्यपाल उसे वापस कर दे, या राज्यपाल उसको आर्टिकल 201 में राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देता है। तो आर्टिकल 200 और 201 राष्ट्रपति के संबंध में पावर है, राज्यपाल के संबंध में पावर है कि राज्यपाल जो भी विधेयक उसके पास आया है उसके बारे में राज्यपाल क्या डिसीजन लेता है उसके बारे में है। अनुच्छेद 52 से राज्य की परिभाषा दी है, इसमें जम्मू कश्मीर राज्य का भाग नहीं माना जाता, अब तो माना जाता है, अब तो आप उसको पार्टिसिपेट करके चलेंगे, अब उसे आप क्यों नहीं मानेंगे। ये क्लास राजस्थान एसआई के लिए भी है क्या, सबके लिए भाई बहुत यूजफुल क्लास है, आप सभी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। अनुच्छेद 226 जो है रिट जारी करता है। अब हाई कोर्ट की जो रिट की पावर है ना,
वो थोड़ी ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट से। क्यों सुने? सुप्रीम कोर्ट के पास 5 रिट है, हाई कोर्ट के पास भी रिट है। हाई कोर्ट के पास क्या है, ये फंडामेंटल राइट के अलावा अदर चीज के लिए भी रिट जारी कर सकता है। तो ये फंडामेंटल राइट के अलावा भी कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में ओनली फंडामेंटल राइट के लिए जारी कर सकता है। तो आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास पावर है कि फंडामेंटल राइट का अगर वॉयलेशन होता है तो हाई कोर्ट इसमें रिट जारी करता है। तो इसे कहते हैं रिट ज्यूरिडिक्शन। तो ये हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिडिक्शन है, ठीक है। चलिए 233 में देखेंगे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब आपने देखा तो 233 से स्टार्ट होती है लोअर जुडिशरी। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप जुडिशरी का एक चार्ट बनाएंगे कि भारत में न्यायपालिका, तो भारत में न्यायपालिका ऐसे करके इंटीग्रेटेड न्यायपालिका है। यहां पर हमारा सुप्रीम कोर्ट है, यहां पर हमारे हाई कोर्ट है, और यहां पर हमारा लोअर कोर्ट है। लोअर कोर्ट को आप लोग बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय, इसको आप लोग बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय, दैट इज कॉल्ड लोअर कोर्ट। और ये है हमारा हाई कोर्ट, इसको आप लोग बोलते हैं उच्च न्यायालय। आप मेरी बात समझ रहे? और ये है हमारा सुप्रीम कोर्ट, इसको आप लोग बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। ऐसे करके हमारी जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत न्यायपालिका है, एक दूसरा जुड़ी हुई है, मतलब कुछ भी सेपरेटेड नहीं है, सबके अंदर रिलेशंस है, सब जुड़े हुए। इसके आपने आर्टिकल्स देखे 124 से लेकर 147 तक, ये हाई कोर्ट के आर्टिकल्स थे। आर्टिकल आपने यहां पर देखे तो 213, ठीक है 213 ना, आपने 213 देखा ना अभी, कहां गया यार हाई कोर्ट, अरे हाँ 214 ना, बिल्कुल ठीक है 214। 214 से लेकर जो है ये आपके 232 तक ये आपके हाई कोर्ट के आर्टिकल है, और 233 से लेकर 237 तक जो आपके जुडिशरी के आर्टिकल है ये अधीनस्थ न्यायालय के आर्टिकल है। और अधीनस्थ न्यायालय को आप दो सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, इसके नीचे जुडिशरी का ऐसे करके एक एंगल और बनता है, और इस एंगल में इसके दो पार्ट्स आपको दिखेंगे। एक तो आपको दिखेगा सिविल न्यायालय का, और एक आपको दिखेगा बेसिकली क्रिमिनल न्यायालय का। और सिविल और क्रिमिनल में फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया, फिर आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया CGM, तो ऐसे करके जो है ये दो पार्ट ऊपर बनते चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हमारी जुडिशरी का चार्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है। सर अब रेस्ट कब होगी? सर जी फोन भी बंद होने वाला है, ठीक कोई बात नहीं है, आप समझ गए। ऐसे करके फंडामेंटल है जुडिशरी के। अगर कभी आपको डाउट हो तो इस चार्ट को आप फोटो खींच लो, आप इसे याद कर सकते हो, बहुत ही आसान है। फिर आप इसको बांट देते हैं दो सेक्शंस में। यहां पर जो होता है अधीनस्थ न्यायालय मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का राज्य में जो डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का चीफ जो होता है यहां पर जो है डिस्ट्रिक्ट जज होता है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट जज के फिर दो पार्ट होते हैं, ठीक है। यहां पर जो करता है मुंसिफ कोर्ट, आपने सुना होगा, आप सब जानते होंगे। तो सिविल कोर्ट और उसको क्रिमिनल कोर्ट में बांट देते हैं। तो ये ऐसे करके हमारी जुडिशरी का पार्ट है। चलिए आर्टिकल 226 समझ में आ गया, अगले वाले पर चलते हैं। आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस। तो डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करता है। आपको पता है कौन करता है? गवर्नर करता है। और अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस कौन करता है? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। हाई कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट है ये कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करता है। और अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के जो कोर्ट होते हैं उसके जो जजेस की अपॉइंटमेंट होता है ये गवर्नर करता है। कौन करता है? गवर्नर। याद रखेंगे इस बात को, कभी गलती मत कर देना। 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर द सबॉर्डिनेट कोर्ट। और सबॉर्डिनेट ओवर कंट्रोल, जो कोर्ट के ऊपर कंट्रोल होता है ये हमेशा हाई कोर्ट का होता है। हाई कोर्ट जो है ये सबॉर्डिनेट कोर्ट के ऊपर कंट्रोल करता है। अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं उन पर जो कंट्रोल होता है वो हमेशा हाई कोर्ट का होता है। ये आर्टिकल जो है 235 में बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों पर जो कंट्रोल है वो हमेशा सबॉर्डिनेट कोर्ट के ऊपर कंट्रोल हमेशा हाई कोर्ट का होता है। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत ही क्लियर, समझते चले आगे। आर्टिकल 243। अब देखो भाई, अब आपके सामने आ गया बहुत ही फंडामेंटल पार्ट। पार्ट 9 पे हम पहुंच गए डायरेक्टली जंप करके। पार्ट 9 इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी ये समझ रहे ये किसका पार्ट है? ये पंचायत का पार्ट है, ये पंचायत का पार्ट है। तो पंचायत के पार्ट को समझने से पहले आप पंचायत को समझ लें थोड़ा सा। पंचायत के पार्ट में जो आर्टिकल्स आपको नजर आएंगे वो पार्ट 9 है और पार्ट 9A है, ठीक है। अब पंचायत में आप आर्टिकल्स देखेंगे, पंचायत में तो पंचायत में जो आर्टिकल्स है अनुच्छेद 243 से स्टार्ट है, ठीक है 243 से। अब ए से लेकर ओ तक है, 243 ओ तक जो आर्टिकल्स होंगे आपके
ये पंचायत के आर्टिकल होंगे। और इसी में अगर म्यूनसिपैलिटीज की बात करेंगे आप, म्यूनसिपैलिटीज नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका की इसकी बात करेंगे नगर पालिका की आप, तो नगर पालिका के जो आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे अभी अभी मेरे साथ साथ पढ़ेंगे आप, टेंशन ना लीजिए। नगर पालिका के आर्टिकल 243 ओपी पी से लेकर जेड जी तक ये नगर पालिका के आर्टिकल है, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स ऐसे करके सब्जेक्ट में बटे हुए हैं, इसमें ए से लेकर ओ तक है, तो 16 आर्टिकल इसके अंदर होते हैं। ए से ओ का मतलब 15 और 243 खुद है, इसमें टोटल 16 आर्टिकल्स इसमें पढ़ते हैं आप। और इसमें जो आर्टिकल्स पढ़ेंगे पी से लेकर जेड जी तक पढ़ेंगे, ठीक है, तो दोनों के आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं बड़े अच्छे प्रकार से। क्लियर है सर? आप इतने जालिम हो तो एक ही झूठ ही बोलो। हमें आता है पतझड़ के दोनों दिनों में भी गुल खिलाना, एक सच इतना जालिम है, क्या क्या बात है बोल रहे हैं, ठीक है। तो नगर पालिका के आर्टिकल ये 16 आर्टिकल है, आपको पता है इसके बारे में, पंचायत के बारे में, और इन नगर पालिका के आर्टिकल है, ठीक है, आपको क्लियरली पता है। यहाँ पर 18 सब्जेक्ट है, आप सबके सब जानते हैं इनके बारे में। अब इनको पढ़ लेते हैं एक बार जरा, इनके क्या क्या प्रोविजंस हैं। देखो 243 के ग्राम सभा के बारे में बात करता है, तो ये ग्राम सभा के गठन के बारे में बात करता है, ग्राम सभा कैसे बनेगी, उसका गठन कैसे होगा। ये पंचायतों के संविधान के बारे में बात करता है कि पंचायतों का लेवल कैसे होगा, कितने स्तरीय पंचायतें होंगी, उसके बारे में बात करता है 243 बी, ठीक है, आगे समझेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल 243 डी और है, उसको भी समझ लेंगे, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है। इसमें पंचायतों में आरक्षण का प्रोविजन है, आरक्षण जो पंचायतों में रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है ना, रिजर्वेशन ये इस आर्टिकल के अंदर है कि महिलाओं के लिए 33% का जो आरक्षण है या 1/3 का जो रिजर्वेशन है वो आर्टिकल 243 डी के अंदर प्रोविजन है। आप इसे समझ लेंगे, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज क्लास इतनी ही ले पाऊंगा। पापा का हेलीकॉप्टर, कोविड हो गया है, कोई मेरे भाई आज थोड़ा सा जिनको कोविड की समस्या हो रखी है, मुझे कोविड हो गया था ना 6-7 महीने पहले, तो आप एक काम करो, आप भाप लिया करो बहुत ज्यादा, मेंटली स्ट्रांग रहो, भाप बहुत ज्यादा रहो, ठीक है, भाप बहुत ज्यादा लेना है, भाप से आप बोलेंगे तो आपको फायदा हो गया। मुझे हो गया था कोविड, मैं एक वीडियो बनाऊंगा कोविड के ऊपर कल परसों में, तो मैंने कैसे रिकवर किया कोविड से, दैट वाज वेरी डिफरेंट एंड वेरी टिपिकल। तो कोविड को लेकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, कोविड में आप क्या करें क्या ना करें आपके लिए उपयोगी रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद 266 की बात करते हैं सीधी। देखो 266 जो आर्टिकल है ना, ये CFI के बारे में बात करता है, फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड। देखो 266 के बारे में अगर आप बात करेंगे, इसमें दो आर्टिकल है। 266 बात करता है भारत की संचित निधि के बारे में, ठीक है, कि भारत की जो संचित निधि है उसके बारे में 266 बात करता है। और 266A जो है ये अकाउंट, ये जो है लोक लेखा निधि के बारे में बात करता है। तो आपके सामने जो आर्टिकल्स है, अच्छा ठीक है, देखो 266 की जो बात होती है, ये बात करता है भारत का संचित निधि, कि भारत की जो संचित निधि है उसके बारे में आपको प्रोविजन करता है, कि हमारे इंडिया का जो संचित निधि है उसके बारे में, पेन गिर गया, माय गॉड, इंडिया की जो संचित निधि है उसके बारे में ये प्रोविजन करता है। तो संचित निधि के बारे में जो आर्टिकल है वो 266 आर्टिकल है, तो इसके बारे में प्रावधान करता है, ठीक है, ये संचित निधि के बारे में प्रोविजन करता है। और ये 266A जो है पब्लिक अकाउंट फंड के बारे में, लोक लेखा निधि के बारे में प्रोविजन करता है। तो भारत सरकार की निधियां हैं ये, जो भारत सरकार की निधियां होती हैं। 267 जो प्रोविजन करता है कि आकस्मिक निधि के बारे में प्रोविजन करता है, आकस्मिक निधि, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसे आप बोलते हैं आकस्मिक निधि। सर आप एक चैनल की मालिक है, सर आप एक चैनल के मालिक है, अभिषेक यादव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम एक चैनल के मालिक है और ये हमारा चैनल है और हम इस चैनल के मालिक है, ठीक है। मैं एक बार देख लूं आप लोगों ने क्या क्या शेयर कर रखा है, एक बार मैं देख लेता हूं। मैं चैनल का मालिक हूं भाई, मालिक का मतलब है नौकर हूं मैं इस चैनल का, ठीक है, आप लोगों का नौकर हूं, तो इस चैनल का आप मालिक कह लें, इस चैनल का आप नौकर कह लें, जो भी आप मुझे संज्ञा देना चाहें आप दे सकते हैं, क्योंकि हम आपके लोगों के नौकर हैं। किसके नौकर हैं? आप लोगों के नौकर हैं, तो आप लोगों के नौकर हैं, तो आप जो संज्ञा देना चाहे हमें दे सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई? आप लोगों के नौकर हैं, ठीक है,
चले बढ़े आगे, दांतों के ऊपर। अच्छा ठीक है, 267 क्या है, ये कंटिजेंसी फंड के बारे में बात करता है, आकस्मिक निधि। देखो सीएफआई क्या होता है, सीएफआई हमारी भारत सरकार की निधि है। अभी आप भारत सरकार की निधियां पढ़ेंगे तो सीएफआई क्या है, देखो सीएफआई का मतलब एक प्रकार से सीएफआई में जितना पैसा भारत सरकार के पास आता है, सीएफआई मतलब कंटिजेंसी सॉरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सीएफआई, भारत की संचित निधि। तो जितना पैसा भारत सरकार के पास आता है, भारत सरकार जितना पैसा कमाती है वो सारा पैसा इसके अंदर संचित होता है, इसको आप बोलते हैं संचित निधि। इसी में से बजट बनता है, सब कुछ इसी में से होता है, इसे आप कहते हैं संचित निधि। इसके बाद होता है पब्लिक अकाउंट फंड। पब्लिक अकाउंट फंड का मतलब है लोक लेखा निधि। अब लोक लेखा निधि क्या है, लोक लेखा निधि है कि जो आपका पैसा है, पब्लिक अकाउंट फंड, पब्लिक अकाउंट फंड इसका मतलब है जैसे आपने पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा किया, आपका आपका जो है आपका आपने अपनी नौकरी में कुछ कटवाया, आपने कुछ पैसा कटवाया, या आपने पीएफ जमा किया, आपने फंड जमा किया, ये सारा जो पैसा है ये लोक लेखा निधि का पैसा है। थर्ड आती है आपकी आकस्मिक निधि, और जो आकस्मिक निधि है ना मेरे भाई, इसको आप लोग बोलते हैं कंटिजेंसी फंड। इसको आप लोग क्या नाम देते हैं, कंटिजेंसी फंड। और कंटिजेंसी जो फंड है ना मेरे दोस्त, कंटिजेंसी जो फंड है, ये कंटिजेंसी फंड बेसिकली ये कैसा फंड है कि आप जो सरकार जो होती है किसी अमरजेंसी सिचुएशन के लिए, किसी अमरजेंसी सिचुएशन के लिए इस फंड को बनाकर रखती है। कोई भी ऐसी नेशनल क्लाइमेटी वगैरह आ गई तो आकस्मिक निधि से पैसा निकालने की जो पावर होती है ये प्रेसिडेंट के साइन से आप निकाल सकते हैं, बाद में पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। ठीक है, इन दोनों से पैसे निकालने के लिए विदाउट पार्लियामेंट अप्रोप्रिएशन के, ठीक है, आप पार्लियामेंट का इसके लिए अप्रोप्रिएशन चाहिए संचित निधि के लिए, इसके लिए नहीं चाहिए, इसके लिए नहीं चाहिए। लेकिन इसमें से पैसा जो है ये बिना पार्लियामेंट अप्रोप्रिएशन के नहीं निकलता। तो तीन प्रकार की भारत सरकार की निधियां है, ठीक है, ये भारत सरकार की निधियां है, तीनों जो है ये भारत सरकार की निधि आप इन्हें कहते हैं, और इनके आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिए। ये संचित निधि का जो आर्टिकल है ये आप देख सकते हैं, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, भारत सरकार की निधि का आर्टिकल 267 है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब आता है वित्त आयोग, इसे कहते हैं फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। अब आप सुने मेरी बात ध्यान से, वित्त आयोग, वित्त आयोग गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं ये वित्त आयोग का गठन करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये क्या करता है, वित्त आयोग क्या करता है, फाइनेंस कमीशन, जो पैसा भारत सरकार के पास आया है, देखो ये भारत सरकार की निधि थी जो आपने अभी पढ़ी, अब इसमें भारत सरकार के पास पैसा आता है, अब इसमें से भारत सरकार स्टेट को जो पैसा देगी, इस पैसे में से भारत सरकार स्टेट को जो पैसा देगी, जो पैसा भारत सरकार राज्य सरकारों को जो पैसा देगी, स्टेट को जो पैसा जाएगा, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पैसा आया है, इस पैसे में से राज्यों के पास कितना पैसा जाना है, ठीक है, तो कितना पैसा जाएगा इसके लिए जो प्रोविजन किया गया है वो वित्त आयोग का किया गया है, इसे बोलते हैं फाइनेंस कमीशन। तो टोटल जो फंड आया उस फंड में से कितना पैसा स्टेट को जाएगा, इसकी रिकमेंडेशन जो देता है ये देता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। ये 5 साल के लिए होता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, आपको अच्छे प्रकार से पता होगा, इसे कहते हैं भारत का वित्त आयोग। ठीक है, ऐसे जो राज्य होते हैं ना, राज्यों में भी वित्त आयोग होता है, लेकिन राज्यों का जो वित्त आयोग होता है, स्टेट का जो वित्त आयोग होता है, वो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के पास, देखो दो प्रकार से प्रोविजन है, आप मेरी समझने की कोशिश करना, ये हमारा देश है, ये हमारा देश है, ऐसे मान के चले, तो अब ये हमारी यूनियन है, ये हमारी यूनियन है, और ये मान के चले यहां पर हमारी स्टेट है और यहां पर हमारी पंचायत है। आप मेरी बात समझना बड़े गौर के साथ, यहां पर क्या है हमारी यूनियन है और यहां पर क्या है हमारी पंचायत है, ये हमारी पंचायत है, या आप इसे कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, आपने वर्तमान में सुना होगा, और ये हमारी क्या स्टेट है, स्टेट, ठीक है, और ये हमारी यूनियन है, संघ है। अभी सुनो मेरी बात ध्यान से, अभी क्या है कि यूनियन और स्टेट के बीच में जो पैसा बंटेगा, तो इसका डिवीजन के लिए आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का प्रोविजन है। वित्त आयोग बताता है कि यूनियन स्टेट को कितना पैसा देगा, ठीक है, कितना पैसा यूनियन स्टेट को देगा, इसके बारे में प्रोविजन करता है एफसी, फाइनेंस कमीशन बताता है कितना पैसा आप केंद्र जो है राज्यों को कितना पैसा देगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब राज्यों से पंचायत को कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि पंचायत नीचे आ गई, ये हमारे लोकल गवर्नमेंट है, अब राज्य जो है, ये राज्य जो यहां पर देख रहे हैं आप, ये पंचायत को कितना पैसा देगा, इसके लिए एक आर्टिकल है जिसे आप बोलते हैं आर्टिकल 243 आई, और 243 आई जो है ना, ये जो आर्टिकल है बेसिकली ये पंचायत का इलेक्शन कमीशन, मतलब फाइनेंस कमीशन है, राज्य का फाइनेंस कमीशन, पंचायत का नहीं, ये स्टेट का फाइनेंस कमीशन है, और ये बताता है कि पंचायत को राज्य सरकार कितना पैसा देगी। ऐसे करके पूरे देश में हमारे फंड आता है,
ऐसे करके पूरे देश में हमारे में फंड पैसा आता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसका प्रोविजन है। तो ये यूनियन और स्टेट के बीच में कैसा डिवीजन होगा और स्टेट पंचायत को कितना पैसा देगी, उसको आर्टिकल 243 आई कहता है। इवन 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 पंचायत को कितना पैसा ये कमीशन दिलवा रहा है, स्टेट दे रही है, इसकी हेल्प 280 भी करता है। ये फाइनेंस कमीशन भी इसकी हेल्प करता है। अभी बात समझ में आया ना? अभी बात समझ में आया ना? ठीक है, पॉइंट समझ में आया क्राइकल? ठीक है, अच्छा ठीक है सर जी, आपको कर ले के ले आना है सर, सर अब सब करो कल ले आना। ठीक है, अब बात समझ में आई, क्लियर? अभी बढ़ गए, ये क्लियर हो गया। फाइनेंस कमीशन 300A संपत्ति का अधिकार है। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? संपत्ति का अधिकार है। अभी आपके मन में विचार आएगा कि संपत्ति का अधिकार ये कैसा राइट है, तो आपको पता है कि लीगल राइट है। ये कैसा राइट है? एक लीगल राइट है। अभी लीगल राइट में और फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस है? इसको फंडामेंटल राइट क्यों नहीं रहने दिया? क्योंकि फंडामेंटल राइट के लिए आप सीधे आर्टिकल 32 और 226 में सीधे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओगे, और लीगल राइट के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या सीधे आप हाईकोर्ट नहीं जा सकते। इसके लिए आपको पहले अधीनस्थ न्यायालय जाना पड़ेगा या प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए आप कोर्ट तो जा सकते हो, लेकिन सीधे आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे। आपको सिंपल प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ेगा। तो संपत्ति के अधिकार जो है, इसके लिए आप कोर्ट चले जाओगे, लेकिन आप अधीनस्थ न्यायालय जाओगे, आप सीधे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे। एक फंडामेंटल राइट नहीं है। बात समझ में आ गई? तो संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300A के अंतर्गत है। क्लियर है? अभी कभी कभी पूछ लेते हैं अधिकार कब जोड़ा, तो कब जोड़ा? 44 अमेंडमेंट। कब जोड़ा ये? 44 अमेंडमेंट 1978 में जोड़ा। क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया बात, आगे वाले पे बढ़ो। 301 फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड जो है इंटरकोर्स, संभोग लिखा है, गलत लिखा है यहाँ पे। इंटरकोर्स का मतलब संभोग नहीं होता, इंटरकोर्स का मतलब यहाँ पर जो होगा, देखो आप लोगों के पास पावर है, फ्रीडम क्या है कि आप ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कॉमर्स कर सकते हैं, इसकी आपको पावर दे रखी है। तो आर्टिकल 301 है जिसमें आपको आप कर सकते हैं, आपको ट्रेड व्रेड की पावर है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है ट्रेड के ऊपर, व्यापार के ऊपर, उसको यहां पर दिया गया। क्लियरली 302 में मेंशन है। चलो 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज अखिल भारतीय सेवा है, इसे कहते हैं अखिल भारतीय सेवा है, ऑल इंडिया सर्विसेज। अब ऑल इंडिया सर्विसेज क्या होती है मेरे भाई? अगर आप देखेंगे ऑल इंडिया सर्विसेज को, तो ये कैसी सर्विस है? जैसे फॉर एग्जाम्पल पूरे भारत में जिसकी पोस्टिंग हो सके उसे आप बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में आप जानते हैं इंडियन पुलिस सर्विसेज है, वो ऑल इंडिया सर्विसेज है। IAS है, वो कैसी सर्विस है? ऑल इंडिया सर्विस है, आपको पता है, उसको भी आप ऑल इंडिया सर्विस कहते हैं। IFS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, उसको भी आप ऑल इंडिया सर्विस कहते हैं। ठीक है, तो तीन हमारे देश में वर्तमान में ऑल इंडिया सर्विसेज है। आप इसको लिख लेंगे IAS है, ऑल इंडिया सर्विस गठन करने की जो पावर है ये राज्यसभा कर सकती है। ठीक है, और IFS है, ये तीन हमारे कंट्री में क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज है। ये फॉरेस्ट है, इसको आप कहेंगे, तो इसे कहते हैं अखिल भारतीय सेवा है। अखिल भारतीय सेवा है बेसिकली, इसका हमारे कंट्री में पावर है। सुनो, अखिल भारतीय सेवा में और सेंट्रल गवर्नमेंट की सेवाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही ऑल इंडिया सर्विसेज होती है बेसिकली, लेकिन ये स्टेट और राज्य दोनों में ट्रांसफर किए जा सकते हैं, तो इसे आप कहते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। क्लियर? ये राज्यसभा के पास पावर होती है, वो इसको क्रिएट कर सकती है। 315 यूनियन यूपीएससी, तो यूपीएससी का जो आर्टिकल है वो 315 है। 315 आर्टिकल में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के बारे में प्रोविजन करता है, अनुच्छेद 315 है। 315 से लेकर 323 जो आर्टिकल है उसमें यूपीएससी के प्रोविजन किया गया। इसके बाद 324 में आप चलेंगे तो 320 भी दिया गया, लोक सेवा आयोग। स्टेट के पास पावर है, स्टेट के पास जो पावर है, इसका मतलब क्या हो गया? स्टेट के पास जो पावर का मतलब है कि जो स्टेट होती है ना उसके पास पावर है। जैसे आप देखते हैं उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग है, यूपी पीसीएस पीएससी, ऐसे ही जेपीएससी, ऐसे ही बीपीएससी। तो ये जो पावर है ना कि स्टेट के पास भी आयोग के कार्य और फंक्शंस होते हैं, वो भी 315 में, सॉरी जो स्टेट का भी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, ये भी 315 आर्टिकल के अंदर ही दिया गया है। याद रहे, सेंटर और स्टेट दोनों का 315 के अंदर प्रोविजन है। और लोक सेवा आयोग के जो फंक्शन ही है ना कि अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, क्या करता है, ये सब जो है, ये जो है 320 में क्लियरली बताया गया है। 323 कम है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, प्रशासनिक अधिकरण, कि कोई संबंध भी कोई सूचना आएगी या कोई लोक सेवक को लेकर कोई मामला आ गया तो इसके लिए ट्रिब्यूनल बने हुए हैं जो इन सारी चीजों को देखते हैं।
उसके लिए प्रशासनिक जो है ट्रिब्यूनल बने हुए, तो इसके बारे में प्रोविजन है। बहुत सिंपल समझ में बात आ गई, चले आगे बढ़े। 324, अभी 324 क्या है? निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग जिसे आप बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये है निर्वाचन आयोग। थोड़ा इसको आपको समझना पड़ेगा। देखो भारत में जो चुनाव होते हैं तीन तरीका के होते हैं, इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं तीन लेवल पे होते हैं। सुने ध्यान से, ये सुने, एक तो हमारा यूनियन का चुनाव होता है, यूनियन का मतलब एक हमारा लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, एक हमारे पास राज्यसभा का चुनाव है, ठीक है, ये हमारे पास चुनाव है, और एक हमारे पास प्रेसिडेंट का चुनाव है। ये तीन चुनाव हमारे यहाँ होते हैं, इन तीनों चुनावों को कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसी कराता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो प्रोविजन है ये अनुच्छेद 324 में दिया गया है, 324 में ईसी के बारे में प्रोविजन है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन 324 से 329 में इसका प्रोविजन है। अब इसके बाद चुनाव होता है स्टेट का, राज्यों का, तो राज्यों का भी जो चुनाव होता है स्टेट का, इसमें दो चुनाव होते हैं, एक तो विधानसभा का चुनाव होता है मेन विधानसभा, और एक होता है विधान परिषद का चुनाव। इसका मतलब क्या है, दो इलेक्शन है ये आपके सामने, लेजिस्लेटिव असेंबली या आप कह सकते हैं एमएलए का इलेक्शन, एमएलए, और ये आपके सामने लेजिस्लेटिव काउंसिल या आप कह सकते हैं एमएलसी का इलेक्शन। ये दोनों जो इलेक्शन आप देख रहे हैं, इन दोनों इलेक्शन को भी जो करवाने की पावर है ये भी अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो ईसी हमारा ईसी के पास ये पावर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब 324 में यही कराता है, जो भारत का निर्वाचन आयोग है वही कराता है। एक अनुच्छेद और है जो इंपॉर्टेंट है, एक होता है पंचायत का चुनाव, क्योंकि वर्तमान में चुनाव हो रहे हैं ना पंचायत के, तो पंचायत का जो चुनाव है इसके लिए इसे कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। और राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये अलग एक संस्था है, और राज्य निर्वाचन आयोग का जो प्रोविजन है वो आप आर्टिकल पढ़ेंगे 243 के, आर्टिकल 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रोविजन है, इसे आप बोलते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन जो कमीशन है, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये पंचायती राज्य का या लोकल गवर्नमेंट का, जिसे कहते हैं आप लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन जो कराता है वो आर्टिकल 243 के कराता है, 243 के, जो कि पंचायती राज्य निर्वाचन आयोग है। बात समझ में आ गए? ठीक है, ठीक है, बहुत समझ में, क्लियरली पॉइंट आ गया, कोई डाउट तो नहीं इस पॉइंट में आप लोगों को? कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका नहीं कराता, इन दोनों का कराता ईसी चुनाव, तो ईसी के बारे में प्रोविजन है। ठीक है भाई सुरेंद्र सर वाला, आप धौलपुर से हैं, आप पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हो यार, ठीक है, मजा आया। अबे 243 ए नहीं, 243 के, के 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 फॉर करंट, ठीक है। क्लियर हुआ भाई? ओ भाई द्वितीय पाल यूपी, ओके सर, क्लियर है ना पॉइंट? चैट रेट बहुत डाउन आ रहा है यार तुम लोगों का, चैट रेट बहुत डाउन आ रहा है, ठीक है, इज दैट क्लियर एंड ओके टू ऑल ऑफ यू गाइस? अब आता है 324 खत्म, ओवर एंड आउट। 325, धर्म जाति लिंग स्त्री विशेष मतदाता सूची, मतलब क्या है कि नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर द इंक्लूजन ऑफ द क्लेम टू इंक्लूड इन द स्पेशल इलेक्टोरल लॉ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट और सेक्स। इसका मीनिंग क्या हो गया कि भारत में किसी व्यक्ति को किसी रिलीजन के बेस पर, रेस के बेस पर और उसके जेंडर के बेस पर चुनाव में वोट डालने से नहीं रोका जाएगा, उसके बारे में ये प्रोविजन करता है, उसके बारे में ये प्रोविजन करता है, ठीक है, क्लियर है ना, उसके बारे में प्रोविजन करता है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को रिलीजन के बेस पर, जिसका कोई धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसकी कास्ट क्या है और उसका जेंडर क्या है, इसके बारे में किसी को नहीं रोका जाएगा, उसके बारे में 325 जो है प्रोविजन करता है। क्लियर है? क्लियर है? अभी आर्टिकल 326 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 326 देखो क्या कहता है, वयस्क मताधिकार के घरों और राज्यों की विधानसभाओं के लिए चुनाव, कि आप भारत में वयस्क मताधिकार है तो यूनिफॉर्म यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब है कि अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है, 18 साल की अगर आप आयु पूरी कर चुके हैं तो आपको न तो चुनाव लड़ने से रोका जाएगा और ना आपको चुनाव में वोट डालने से रोका जाएगा। 326 में प्रोविजन है, देखो 324 से लेकर 329 तक का जो प्रोविजन है, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको समझा देता हूं। अभी आपने जो बॉडीज पढ़ी, संवैधानिक संस्थाएं,
संवैधानिक संस्थाओं में अगर आप देखेंगे तो 315 से लेकर 323 तक की जो प्रोविजन है यूपीएससी के बारे में है, या लोक सेवा आयोग वगैरह वगैरह, 324 से लेकर 329 तक के जो प्रोविजन है ईसी के बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ईसी की जो प्रोविजन है वो 324 से लेकर 329 तक किए गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी आप देख रहे हैं कि 326 में क्लियरली बता रखा है कि आपको न तो कोई चुनाव लड़ने से रोकेगा, लड़ने से रोकेगा इलेक्शन में वोट डालने से मतलब, और ना कोई आपको कास्ट करने से रोकेगा वोट अपना। तो आपके पास यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, क्लियर है, साफ साफ तौर पे क्लियर है, 18 साल की आयु आप पूरी कर चुके, और आपको पता है चुनाव में वोट डालने की आयु 18 साल है और चुनाव लड़ने की आयु हमारे कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते तो इसकी आयु आपको पता है 35 साल है, अगर आप बीपी का लड़ते इसकी आयु आपको पता है 35 साल है, अगर आप राज्यसभा का चुनाव लड़ते राज्यसभा मतलब इसकी आयु आपको पता है 30 साल है, अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो इसकी आयु आपको पता है 25 साल है, अगर आप पंचायत का चुनाव लड़ते हैं पंचायत इसको पता है आपको 21 साल है, और अगर आप वोट डालते हैं इसकी आयु आपको पता है 18 साल है। तो दीज आर द एजेस ईयर डिफाइन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे करके हमारे संविधान में प्रोविजन है, ठीक है, अगर आप 35, 35, 30, 25, 21, 18 ऐसे करके आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, राज्यसभा का चुनाव लड़ते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं और वोट डालते हैं, ठीक है, 21 साल पे आप पंचायत का इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये है चुनाव लड़ने के लिए हमारे देश में कि आप चुनाव लड़ने के लिए आपको ये चीजें चाहिए और वोट डालने के लिए आपको ये आयु चाहिए वोट डालने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार का डाउट आपके मन में नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू 18 साल, विधान परिषद की बात करते हैं, विधान परिषद मेरे भाई, विधान परिषद को आप यहां पर लिख लेंगे, विधान परिषद की जो आयु है वो भी 30 ईयर है, 30 साल है। अच्छा विधान परिषद मैंने पूरे छोड़ दिया, ठीक है रुको रुक जाओ रुको, पहले यहां एक काम करो लोकसभा लिख लो, चलो राज्यसभा लिख लो, ठीक है कोई नहीं, इसको यही लिखे रहने दो 30 साल, और लोकसभा को यहां पर लिखा रहने दो 25 साल, ठीक है ये क्लियर है, इसको ऐसे लिखा रहने दो। अब राज्यों की बात करते हैं, राज्यों की, तो राज्यों के लिए मैं यहां लिख देता हूं, अलग से आपको मेंशन कर देता हूं, विधानसभा और विधान परिषद। देखो लोकसभा के सामने आप मान के चलो, ये तो आपको मान के चलो विधान परिषद, विधान परिषद मतलब काउंसिल, मतलब काउंसिल की जो एज है वो 30 ईयर है, और विधानसभा मतलब जो भी असेंबली है, असेंबली की जो एज है वो 25 ईयर है, ठीक है क्लियर, नाउ इज दैट क्लियर, सी माई कमेंट। डिंपल तिवारी क्या कह रही हो आप, डिंपल तिवारी, डिंपल किसका उपसभापति पूछ रही हो आप, किसका, क्या करोगे नंबर से, तुम क्या पूछ रहे हो सभापति, मुझे पता नहीं यार, प्लीज कॉल मी अंजलि बेवफा। अच्छा क्या है ये सब, क्या चल रहा है, लिखे लुक इट आउट, आओ देखते हैं अभी। 326 समझ में आ गया, मुझे लगता है पूरा क्लियर हो गया 326। 328 SC ST के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST। देखो सुनो, इसमें एक प्रोविजन है, अभी फ्यूचर में प्रेजेंट में ये प्रोविजन नहीं है, सुनो, नेशनल कमीशन फॉर SC ST, सुनो ध्यान से, SC के लिए जो कमीशन है 338 है, SC कमीशन है और 338A या क, ये ST कमीशन है, ऐसे करके आपको याद रखना है। तो अभी इसको अलग अलग कर दिया है, तो नेशनल कमीशन फॉर SC ST का प्रोविजन 338 में है, तो ये आपके सामने डिफरेंशिएट मैंने कर दिया है, आप इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे, आप कोई भी गलती नहीं करेंगे इसमें। सर जी अब बस करो, कल ले लेना, हो गया काम बस। 340 OBC अदर बैकवर्ड क्लास के लिए कमीशन बनाने की जो पावर है ये राष्ट्रपति के पास है, तो प्रेसिडेंट के पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अदर बैकवर्ड क्लास के लिए एक आयोग की नियुक्ति करेंगे। इसी को मानते हुए भारत में मंडल कमीशन बना था 1979 में, आपने पढ़ा होगा 1979 में मंडल कमीशन, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1980 में, जिसको लागू किया गया था 1990 में, ठीक है, मंडल आयोग। तो इसी 340 आर्टिकल का यूज करके
अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की जो पावर है कि राष्ट्रपति को दी गई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको गठित करते हैं, ठीक है। तो 340 में है, इसी के बेस मानकर मंडल कमीशन बना था 1979 में, 1989 में मंडल आयोग की रिपोर्ट आई 1980 में, मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया 1990 में और मंडल आयोग की रिपोर्ट को दोबारा लागू किया गया 1991 में, जिसको 1992 में इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। इसके बाद वही मंडल आयोग के बेसिस पर जो आरक्षण का प्रोविजन किया गया वही इसका पूरा का पूरा बेस है। ओबीसी के लिए संघ की आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, तो जो हिंदी जो आधिकारिक भाषा की हम बात करते हैं तो संघ की यूनियन की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हिंदी अंग्रेजी के बारे में जो प्रोविजन है कि हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा, ठीक है, उसके बारे में अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की आधिकारिक भाषा क्या होगी। तो बोला था कि भाई हिंदी को हम इंग्लिश को रखेंगे, बाद में हिंदी को कर देंगे, अभी दोनों है, ठीक है। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में कि हम यूज किसको करते हैं उसके बारे में प्रोविजन है। राज्य की आधिकारिक भाषाएं स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे कोई स्टेट है जैसे यूपी है तो यूपी की भाषा आपको पता है यूपी की भाषा हिंदी है, हिंदी है। एमपी की बात करें एमपी की भाषा भी हिंदी है, आपको क्लियरली पता है। राजस्थान की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है स्टेट की वो हिंदी है। तो किसी भी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज की जो पावर है वो आर्टिकल 345 में डिसाइड की गई है, आर्टिकल 345 को जो अनुसार जो है ये डिसाइडेड है। अब मंडल कमीशन 1979 बिल्कुल बढ़िया है। सर जी बीपी का क्या मतलब है? उपराष्ट्रपति मेरे भाई, उपराष्ट्रपति, बीपी को बोलते हैं उपराष्ट्रपति। राजीव यादव कह रहे 140 बरा 140 बता दीजिए, 140 आर्टिकल 140 140 अच्छा 140 किसका आर्टिकल है भाई, 140 140 किसका आर्टिकल है, हम ही भूल गए यार, इतना देर से पढ़ा रहे। 140 किसके अंदर आएगा भाई, 136 132 152 153 तो वो पहले ही चला गया। 140 तो यूनियन उसमें आएगा, स्टेट में आएगा, यूनियन में आएगा भाई 140 आर्टिकल, तो पता नहीं कब आना है सर। सर जी एससी में इंग्लिश के लिए शेड्यूल कास्ट, ठीक है, शेड्यूल कास्ट बोलते हैं एससी को इंग्लिश में, शेड्यूल कास्ट, हाँ 343 में भी किया गया, 351 में भी किया गया। राज्य भाषा के विकास के लिए प्रोविजन है, माकी सेरनी उसमें, राज्य भाषा के विकास के लिए 338 समझे, सर्वोच्च न्यायालय की भाषा जो है वो 338 में की गई है, 348 में कि सर्वोच्च न्यायालय की भाषा कौन सी यूज होगी, 348 में इसका प्रोविजन है, हाँ केंद्र का आर्टिकल है, ठीक है, उसके बारे में इसमें प्रोविजन किया गया है। ठीक है, उसके बारे में प्रॉब्लम है, ओके 348 में कि कैसी भाषा होगी हाई कोर्ट की। तो इनकी भाषा आपको पता इंग्लिश है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है वो अंग्रेजी है, ये प्रोविजन किया गया। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए, तो दो अनुच्छेद आपके सामने हो गए, 343 आपने देख लिया, दो अनुच्छेद हो गए, 343 भी हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा, और 300 जो अगला आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है, हिंदी भाषा का विकास आप कैसे करेंगे। सर यूपीएसआई के लिए बैच स्टार्ट कर रहे हैं वो, क्या कर चुके हैं यूपीएसआई का बैच स्टार्ट कर चुके हैं अजय चौधरी, अब मेरे बैचेस चल रहे हैं, लास्ट में बताता हूं अभी। और 351 जो है ये डायरेक्शन दी है हिंदी लैंग्वेज के इंप्रूवमेंट के लिए, हिंदी भाषा का विकास करोगे, इसी को आधार मानकर हमारे संविधान में आप देखते हैं आठवीं अनुसूची है, और आठवीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं यहां पढ़ते हैं ये 22 की 22 भाषाएं हिंदी भाषा के विकास के लिए है, 22 लैंग्वेजेस जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए, इसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है, इसमें अंग्रेजी जो लैंग्वेज है वो इसका पार्ट नहीं है, तो 22 जो लैंग्वेजेस हैं इसी का पार्ट है, इसमें इंग्लिश जो है इसका हिस्सा नहीं है, क्लियर। 352 आपातकाल की उद्घोषणा, तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तीन प्रकार का हमारे यहाँ आपातकाल है, 352 में नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में हमारे यहाँ स्टेट इमरजेंसी है जो इसे आप राष्ट्रपति शासन बोलते, और 352 356 और 360 में हमारे यहाँ वित्तीय आपातकाल है जिसको आप जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं, वित्तीय आपातकाल। प्रोविजन समझ में आ गया, क्लियर है, आगे बढ़े। 361 में राष्ट्रपति और राज्यपालों को संरक्षण है, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको दो आर्टिकल पढ़ाए, 361 क्या करता है कि जो राज्यपाल राष्ट्रपति है ना इनके खिलाफ किसी प्रकार की क्रिमिनल, क्रिमिनल का मतलब है, क्रिमिनल मतलब कि कोई भी क्रिमिनल मैटर जो है इनके खिलाफ शुरू नहीं होगा, तो आर्टिकल 14 का अपवाद है,
ये भी विधि के समक्ष समानता नहीं है, इनको स्पेशल पावर दी गई है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास स्पेशल पावर है, 361 को प्रोटेक्शन देता है राज्यपाल और राष्ट्रपति को, इनके पास स्पेशल पावर दी गई है अनुच्छेद 361 में, ये आपको समझनी है। इनके खिलाफ किसी प्रकार का क्रिमिनल मैटर शुरू नहीं होता, राष्ट्रपति के खिलाफ राज्यपाल के खिलाफ सिविल मैटर शुरू हो सकता है, वो भी नोटिस देके, लेकिन क्रिमिनल मैटर की शुरुआत नहीं होती। 352 ठीक है सर जी, आप लैब क्यों पढ़ा रहे हो, जब स्टूडेंट्स को बात नहीं सुनते तो तब कितनी देर से पूछ रहे हैं, आप क्या पूछ रही हो डिंपल तिवारी, मुझे दिख नहीं रहा तेरा बात, दोबारा पूछ ले बच्चा एक बार पूछो, डिंपल पूछो क्या पूछ रही हो, लो मैंने रुक गया, आप पूछो ठीक है। चलो 368 संविधान में संशोधन के लिए संशोधन शक्ति, 368 आर्टिकल जो है, मैं डिंपल तुम्हारा कमेंट देख रहा हूं, तुम बताओ क्या पूछ रही हो। 368 जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल बेसिकली संशोधन के बारे में, अमेंडमेंट के बारे में बात करता है, अमेंडमेंट ठीक है, अमेंडमेंट कि हमारे संविधान में संशोधन किस प्रकार से होगा, तो 368 में संशोधन का प्रोविजन किया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे होता है। डिंपल आप किस, आप किशन के वॉइस टाइप करके कट पेस्ट कर सर आंसर देंगे, पूछो तो सर, या आप क्या पूछ रहे हो, आप पूछो, आपका मैं देख रहा हूं अभी आपका डाउट, अभी आप पूछ नहीं रही हो, फिर मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, फिर आप पूछोगे पूछो ना भाई, जल्दी पूछो यार प्लीज, क्लास खत्म करनी है मुझे भी, आइए ठीक है। 370 जम्मू कश्मीर के पूर्ववर्ती के लिए अस्थाई प्रोविजन था, इसको आपको निरस्त कर दिया गया, आपको पता है जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस की बात जो करता है, जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसके बारे में प्रोविजन करता है, सर कल पढ़ा देना आप, बस खत्म करने वाला हूं। आर्थिक निवेश दीवानी मामलों में कार्यवाही कर सकते हैं, हाँ दीवानी मामलों में कार्रवाई कर सकते हैं, क्रिमिनल मैटर्स कहते हैं उसको, सिविल में कार्रवाई जो है नहीं होती है उसके खिलाफ, मतलब एक्चुअली एक प्रकार से मैटर ये है कि 361 जो आर्टिकल है उसमें प्रोविजन है कि किसी भी तरीका से कोई भी क्रिमिनल मैटर इनके खिलाफ नहीं होगा, सिविल मैटर हो सकता है वो भी नोटिस के बाद। सर क्या लिखा है, स्वातंत्र सभा की, संविधान सभा की प्रथम बैठक में उपसभापति किसे मनोनीत किया गया था, डिंपल तिवारी आप ये पूछ रही हैं, तो डिंपल एक बात बता, इस क्वेश्चन का इस क्लास से क्या मतलब है, डिंपल एक बात बताओ, इस क्वेश्चन का इस क्लास के साथ क्या मतलब है, आप मुझे बताओ ये बात ठीक है, आप बताओ। संविधान सभा में विधानसभा उपसभापति आपको पता है कौन थे, लेकिन आप जो पूछना चाह रही हो ना एंथोनी के बारे में, बता दूंगा इस क्लास के लास्ट में बताएंगे, लास्ट में बात करेंगे संविधान सभा के प्रथम बैठक के बारे में। चलो 370 टेम्पररी प्रोविजन के बारे में बात करता है, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, के जो जम्मू एंड कश्मीर का टेम्पररी प्रोविजन उसके बारे में बातचीत करता है, इसको आप फ्रैंक एंथोनी के बारे में लास्ट में बात करेंगे, रुक जाओ अभी ठीक है। 370 मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या विचार आ रहा है। 371 अब 371 आर्टिकल क्या है, ये स्पेशल प्रोविजन है, मतलब कुछ राज्य हमारे देश में उनके बारे में कुछ स्पेशल प्रोविजन है उनको लेकर ये बातचीत कर रहा है। स्पेशल प्रोविजन जैसे कि 371 को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 371 में कई सारे आर्टिकल है, 371A है जो नागालैंड बारे की प्रोविजन करता है, 371B में दिया ही नहीं सीधा जे दे दिया है, तो मैं आपको समझाता हूं 371 आर्टिकल को, आप मेरे साथ साथ समझेंगे 371 आर्टिकल के क्या क्या प्रोविजन है, आप मेरे साथ साथ देखेंगे। देखो 371 जो है ना, 371 में प्रोविजन किया गया है, तो 371 में पहला जो प्रोविजन है महाराष्ट्र गुजरात के बारे में, महाराष्ट्र गुजरात के बारे में। 371 जो ए है ना, ये आपसे प्रोविजन करता है नागालैंड के बारे में, नागालैंड। 371 का जो आर्टिकल बी है ना, ये प्रोविजन करता है असम के बारे में। 371 का जो आर्टिकल सी है ना, ये प्रोविजन करता है मणिपुर के बारे में। 371 का जो आर्टिकल डी है ना, ये प्रोविजन करता है आंध्र प्रदेश के बारे में। 371 आर्टिकल ई का प्रोविजन है ना, ये प्रोविजन करता है आंध्र प्रदेश में यूनिवर्सिटी के बारे में, एपी में यूनिवर्सिटी बनेगी उसके बारे में प्रोविजन करता है। 371 का सब क्लॉज ई एफ, एफ प्रोविजन करता है सिक्किम के बारे में। 371 का ई एफ जी,
जी प्रोविजन करता है मिजोरम के बारे में, 371 का एफजीएच आई 370 सॉरी क्या हो गया 371 जी एच एच का प्रोविजन करता है अरुणाचल प्रदेश के बारे में, 371 सीएच आई आई प्रोविजन करता है गोवा के बारे में, 371 जे प्रोविजन करता है कर्नाटक के बारे में, ठीक है ये हो गया आपके आर्टिकल्स देख लो आप, ठीक है ठीक है ठीक है क्लियर। देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं मैच करने के लिए, ट्रिक क्या है सिंपल याद कर लो, 371 तो महाराष्ट्र गुजरात हो गया स्पेशल प्रोविजन हो गया, आपको ऐसे याद हो जाएगा महाराष्ट्र गुजरात, मुझे लगता है इसके लिए ट्रिक की जरूरत है, महाराष्ट्र गुजरात नागालैंड, अब नागालैंड का जो प्रोविजन है आप नागालैंड कैसे याद करेंगे, ये भी आपको याद हो जाएगा नागालैंड, अरे यार ये तो ब्लैक वाइट हो गया गड़बड़ हो गई क्या मुझसे, ओके ये तो है नागालैंड आप ऐसे याद कर लोगे, बी का मतलब बोडो, बोडो कहां मिलती असम में याद हो जाएगा, सी का मतलब कुकी याद करो कुकी मणिपुर में याद हो जाएगा, डी में आंध्रा डी लगाए तो आंध्रा तो द्रा से डी याद हो जाएगा, ई का मतलब एजुकेशन तो आंध्र प्रदेश में यूनिवर्सिटी, एफ का मतलब फॉरेस्ट और फॉरेस्ट का है सिक्किम में, और जी आप ऐसे याद करो मिजोरम में, एच का मतलब हाइट तो हाइट पे कौन है अरुणाचल प्रदेश है, आई का मतलब मैं जाऊंगा गोवा वाले बीच पर तो आई से मतलब क्या होगा गोवा, और आई का जे का मतलब कर्नाटका, जे का मतलब है जानेमन तो जानेमन कहां रहती है बेंगलुरु में कर्नाटका में, ऐसे आप याद कर सकते हो कि आपको अच्छा लगता है जे मतलब जानेमन मतलब कर्नाटका, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो, ठीक है ट्रिक यही ट्रिक है और कोई ट्रिक नहीं है इसकी, सिंपल आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, तो 371 जे कहां का हो गया कर्नाटका, ठीक है क्लियर आई जे, 393 लास्ट आर्टिकल है संक्षिप्त, इसे कहता है शॉर्ट टाइटल, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना भारत का संविधान, इस संविधान को भारत का संविधान कहेंगे जो आज तक अभी तक अभी आपने पढ़ा है, तो इस भारत के संविधान को द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहेंगे, तो भारत के संविधान को भारत का संविधान कहते हैं, इस संविधान को कहेंगे भारत का संविधान, आपको पता है कि जर्मनी के संविधान को बीमर संविधान कहते हैं लेकिन भारत के संविधान को भारत का संविधान कहते हैं, ये बात लिखी है आर्टिकल 393 में, अनुच्छेद 393 में प्रोविजन दिया गया है, 393 में लिखा है कि भारत के संविधान को भारत का संविधान कहेंगे, ये प्रोविजन जो है 393 के अंदर लिखा गया है, अब आप मुझे बताइए आपके मन में कोई विचार है आप कुछ कहना चाहते हैं, 393 में ये लिखा गया है कि इस संविधान को भारत का संविधान कहेंगे, ये प्रोविजन जो है 393 में कहा गया है, इतने आर्टिकल्स मैंने आपको आज पढ़ा दिए, अब इससे ज्यादा जो आर्टिकल्स है मुझे उम्मीद नहीं है पढ़ाने की, 393 इतने आर्टिकल्स आपके लिए काफी थे, अब यहां से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, बैच चल रहा है पॉलिटी का आप लोग खरीद सकते हैं बहुत सस्ते में, मात्र 599 का बैच है, यूपीएसआई का खरीद सकते हैं मात्र 699 का बैच है, यूपीएससी वाले खरीद सकते हैं मात्र 999 रुपीज का बैच है, आप कोई भी बैच मेरा बाय कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन है बैचेस की, ये फोन नंबर है 8700078917, अब आपके मन में जो भी डाउट है आप बताइए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं बड़े ध्यान से बताइए, कुछ भी आपका मन है पूछने का पूछिए, बोलिए मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, स्क्रीनशॉट सर यूपीएससी कर रही हूं अनुराधा बहुत बढ़िया, हाँ भाई बताओ कोई डाउट, छुट्टी दीक्षित जी कह रहे हैं छुट्टी सर यूपीएसआई के लिए पीडीएफ कहां मिलेगा, बहुत बढ़िया मैंने आपके सारे डाउट एक बार में पढ़ लिए, सारे डाउट सुने बड़े ध्यान से, पीडीएफ कहां मिलेगा इसमें मिलेगा मोबी
शिक्षा एप्लीकेशन पर, इस पर आपको मिलेगा पीडीएफ, ठीक है। चले आप यूपीएससी के लिए 999 का बैच ले लें, इसकी वैलिडिटी जो है ये 1 ईयर है, और यूपीएसआई के बैच की वैलिडिटी जो है टिल सिलेक्शन है, टिल सिलेक्शन। और हाँ जी, और बताइए क्या क्या पूछ रहे हैं आप। सर यूपीएसआई होल बैच होगा, सर जी यूपीएसआई होल बैच टेलीग्राम पर नहीं मिलेगा क्या सर, यूपीएसआई होल बैच होगा। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर यूपीएसआई का होल बैच, भाई यूपीएसआई का होल बैच है, यूपीएसआई का होल बैच की फीस है 1499 रुपए, 1499 रुपए यूपीएसआई का होल बैच है। टेलीग्राम चैनल का नाम है मोबी शिक्षा, दे देंगे के मूवी शिक्षा करण चौधरी, करण चौधरी मूवी शिक्षा करण चौधरी आपको सर्च करना है। सर स्क्रीनशॉट लेना है, किस चीज का स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट किसका लेना है आपको, ट्रिक का, किसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लीजिए। सर जी आप पढ़ाते लाजवाब हो, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कि हम अच्छा पढ़ाते हैं और आपको अच्छा लगा, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मुझे कमेंट इधर जाके पढ़ने पड़ रहे हैं, सर जी आप पढ़ाते बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया। सर इतनी देर से वेट कर रहे हैं डिंपल, कोई सॉल्यूशन नहीं कर रहे। सर डिंपल, डिंपल का क्वेश्चन था, डिंपल तुमने क्या पूछा था कि संविधान सभा के उपसभापति, देखो 9 दिसंबर को जो संविधान सभा की बैठक हुई थी ना, इसमें उपसभापति के बारे में अगर आप बात करती हो इसमें, तो इसमें उपसभापति जो सबसे पहले बने थे सभापति, आपको पता है सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, और सच्चिदानंद सिन्हा सभापति थे, ठीक है। ये इनका नाम किसने दिया था, इनका नाम दिया था जेबी कृपलानी ने, जेबी कृपलानी जी ने, ठीक है। और इन्हीं जेबी कृपलानी जी ने, इन्हीं के कहने पर फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी बने थे उपसभापति 9 दिसंबर को उपसभापति, ये टेम्परेरी थे फ्रैंक एंथोनी, लेकिन इसके बाद जो उपसभापति बने आपको पता है जेबी कृपलानी, तो फ्रैंक एंथोनी, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा फ्रैंक एंथोनी। बात समझ में आई डिंपल दी, फ्रैंक एंथोनी, क्लियर है। ये बने थे जेबी कृपलानी की सलाह पर, फ्रैंक एंथोनी को बनाया गया था टेम्परेरी उपसभापति। अब बताइए कोई डाउट, फ्रैंक एंथोनी सबसे पहले बने थे, सबसे पहले अगर आप पीजीटी वगैरह का एग्जाम देती हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रैंक एंथोनी। और बताओ कोई डाउट, डिंपल तिवारी जी सर, और कोई डाउट है सर, क्लास का कब स्टार्ट होती है, भाई क्लास की स्टार्टिंग होने की जो टाइमिंग है, क्लास स्टार्ट होने की जो टाइमिंग है, आप रात को 9 बजे मेरी क्लास चलती है, सुबह 11 बजे क्लास चलेगी एएम डेली, ठीक है, या फिर रात को आप 9 बजे, आप रात को 9 PM पर मेरी क्लास जो है वो थ्योरी की भी हुआ करेगी, शुरू से पॉलिटी पढ़ोगे, शुरू से पॉलिटी, और ये पॉलिटी ऐसी होगी जैसे क्वेश्चन पूछा था ना अभी डिंपल ने, ऐसे क्वेश्चंस के लिए एडवांस लेवल की पॉलिटी। एडवांस लेवल का मतलब है एक पॉलिटी की मैं क्लास शुरू करने वाला हूं आप लोगों के लिए, आपको बता देता हूं एडवांस लेवल, एडवांस लेवल का मतलब है जो पॉलिटी क्लास होगी रात को 9 बजे, एमसीक्यू की जगह अब रात 9 बजे क्लास हुआ करेगी मंडे से पॉलिटी की, ठीक है। आपको टाइमिंग बता दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस क्लास का नाम होगा
पॉलिटी फैक्ट गंगा क्लास, पॉलिटी फैक्ट गंगा क्लास, पॉलिटी फैक्ट गंगा क्लास, ठीक है, पॉलिटी फैक्ट गंगा क्लास, वो तो आपको पता है एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णाचारी, एच सी मुखर्जी फाइनल रहे, हरिंद्र कुमार मुखर्जी, पॉलिटी फैक्ट गंगा क्लास चला करेगी। इसकी टाइमिंग आप लोग सजेस्ट करें बढ़िया से बढ़िया। एच सी मुखर्जी, हाँ एच सी मुखर्जी बने थे, एक्चुअली एच सी मुखर्जी परमानेंट रहे, वही परमानेंट रहे, इनके बारे में कोई नहीं जानता फ्रैंक एंथोनी के बारे में, लेकिन इसी मैं बता देता हूं, इसीलिए मैंने बता दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछ लेता है पीजीटी वगैरह में। अब इस पॉलिटी फैक्ट गंगा की टाइमिंग क्या रखे आप मुझे बताओ, क्या हम क्लास मूल विधि सर फिर से पढ़ाएंगे क्या? मूल विधि भी पढ़ाएंगे मेरे भाई, अब नहीं पढ़ा रहा मूल विधि, अब क्लास नहीं चलेगी। अब मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक चीज बताएं जरा कि हम पॉलिटी फैक्ट गंगा की जो क्लास लेंगे उसकी टाइमिंग 11 बजे रखें सुबह में, और या फिर रात को 9 बजे हम एमसीक्यू क्लास को बंद करके रात को 9 बजे क्लास करें पॉलिटी फैक्ट गंगा की, दो ही टाइमिंग है, या सुबह 7 बजे रखें 7 AM या 8 AM, 8 बजे क्या करें आप बताएंगे सभी के सभी कमेंट करके। सर हम थ्योरी कंप्लीट कर लिए हैं, एमसीक्यू कब होती है? रात को 9 बजे एमसीक्यू, रात को 9 बजे आप ज्वाइन करो, रात को 10 बजे, रात को 9 बजे। सर आपने कितनी बार आरती की पूरी नहीं करवाई है पॉलिटी, आपने कितनी बार स्टार्ट की है पूरी पॉलिटी नहीं करवाई? भाई मैंने पेड बैचेस में करवा दी है, आप पेड बैच में सब में पॉलिटी चल रही है, अब वहां पर स्टार्ट कर दी इस बार, लेकिन अपने चैनल पे करवाऊंगा आपको फ्री क्लास, मजे से पढ़ो ठीक है। अब इसको हम यहीं की क्लास को खत्म कर रहे हैं, अपने चैनल पे करवाऊंगा फ्री क्लास, टेंशन ना लो। एमसीक्यू बंद करके 9:09 PM आरती करेंगे, अच्छा कौन सा पेपर के लिए ये क्लास? पॉलिटी फैक्ट गंगा पेपर के हिसाब से नहीं होगी, देखो पेपर के लिए आपको पेड बैच लेना पड़ेगा, पेपर के लिए आप पेड बैच ले लें, पेड बैच ओरिएंटेड होगा पेपर के लिए। पॉलिटी फैक्ट गंगा चैलेंजिंग क्लास होगी, मतलब फैक्टफुल क्लास होगी, चैलेंजिंग जो सभी परीक्षा के लिए होगी, और इसका कोई टाइमिंग नहीं होगा कि एक साल में खत्म होगी, दो साल में खत्म होगी, पर ये सबसे कंप्लीट क्लास होगी जो कि धुआंधार फैक्ट फिगर के ऊपर बेस्ड होगी, ठीक है, इसका कोई वो नहीं होगा। तो आप उसके लिए टारगेटेड बैच खरीद लेंगे, सस्ते सस्ते बैच हैं 400 रुपए 500 रुपए का। ये पॉलिटी फैक्ट गंगा मतलब एक ऐसे फैक्ट मेरी किताब है उसके ऊपर बेस्ड क्लास होगी, बहुत ही डिफरेंट होगी, इसको मैं लगाऊंगा, इसमें आप आराम से ज्वाइन करना, इसमें आप बंदाज तरीका से मजे ले पाओगे, आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाली क्लास होगी, ठीक है साथियों। अब मैं क्लास को कर रहा हूं बंद, बाय बाय, नमस्कार एंड लव यू। आज आपने मुझे इतने दिल से धैर्य से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, आप सब बहुत स्वीट लोग हैं, अनुराधा जी, मनीष राय, ठीक है, सुमन देवी, आरती निमेश, सूरज यादव, अब्दुल कालिक सैफ, ठीक है, मोनिका नेहरा, रोहित सिंह कुशवाहा, सौरभ मजूमदार, ठीक है, आशीष आर्यन, डिंपल तिवारी, आप कामिनी कुमारी, थैंक यू कामिनी, ठीक है, आप सबको प्रीति कश्यप, आप सबको बार 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 मेरा बहुत ज्यादा प्यार, ठीक है, प्लीज 11 बजे कीजिए, हम लोग पार्टिंग चल रहा है, नाइट में पॉसिबल नहीं है, ओके ओके साहब, देवाराम जी बढ़िया, मनीष राय, सुमन देवी, पूजा कुमारी, थैंक्स एंड लव यू टू ऑल ऑफ यू पीपल, मस्त रहो, खुश रहो, बिंदास रहो, कोरोना में बचे रहो, और अपने परिवार का और अपना विशेष ध्यान रखो, ठीक है, ठीक है, बोलो भाई, ठीक है ना, चलो अभी मैं करता हूं इसको एंड एंड लव यू।